अथ चेत्त्वा मिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसे ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवक्षसि मोस्ट इंपैक्टफुल लाइविंग प्लेटफॉर्म तो मेरे प्यारे भाइयों को में लगा देंगे क्या भारत माता की जय भारत माता की जय का नारा जयकारा लगा दीजिए दोस्तों बॉक्स के अंदर आपके प्यारे प्यारे सुनील भैया आ चुके हैं आपके सामने जल्दी से फटाफट से क्या बात है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैं बहुत बढ़िया हूं आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया स्वस्थ और मस्त होगे क्या बात है क्या बात है तो आफ्टर अ ग्रेट सेशन ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स जहां पर हमने सब कुछ कवर किया आज बारी है इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करने की जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म करेंगे ठीक है सुनील भाई यहां पर आप क्या क्या करवाने वाले हो सबसे पहले मैं आपको चीजें बता दूं मैं आपको क्या करवाने वाला हूं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एसिड्स एंड बेसिस यहां पर मैं आपको कराऊंगा कराऊंगा देन देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ एसिड्स एंड एंड बेसिस एसिडिटी एल्केनिटी इन टर्म्स पीएच मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ देन करवाऊंगा एक्सप्लोर एवरीथिंग ऑन सॉल्ट्स एंड सबसे आखिरी में ये चीज थोड़ी सी यहां पर डिफरेंट आपको लगेगी लेकिन यह करवाऊंगा सम आउट ऑफ द बॉक्स एक्साम्पलर प्रॉब्लम करवाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूंगा. सारी तो सेशन बहुत so, बताऊंगा जो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये थोड़ी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है जहां पर वेरिएबल दे रखा होता है रखा होता है एक्स ये कर रहा है एक्स है, है से फिर सी बन रहा है ऐसे करके वो वाली सारी प्रॉब्लम्स मैं यहां पर करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद एक्स्ट्रा में एक्टिविटीज़ कवर्ड एक्सप्लेनेशन हंड्रेड परसेंट एनसीआर हंड्रेड परसेंट कवर एनसीआर परसेंट कवर्ड अभी लाइव एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी बहन लाइव एक्सपेरिमेंट्स तो इतना सब जब मिल जाता तो बच्चा भी लाइक भैया मजा आएगा ना वीडियो जी हाँ जी आ जी हाँ जी हाँ जी भैया बहुत मजा आएगा बहुत बढ़िया लगेगा क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है ठीक है सब लोग रेडी है सब लोग रेडी है चालू करें फिर चालू करें चालू करें चालू करें चलो फिर चालू करते हैं चालू करें चलो तो सुनील भाई पहले टॉपिक से चालू कीजिए क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या आप लोग मेरे साथ हैं आप लोग तैयार हैं दोस्तों क्या बात है टुमारो इज माई एग्जाम बहुत बढ़िया मजा आएगा बहुत मजा आएगा ड्यूरेशन रहेगी लगभग चार से पांच घंटे में कोशिश करेंगे इसको यहां पर निपटाएं दो ब्रेक देंगे दस दस मिनट के आपको पहले ही बता देता हूं उसके बाद आप लोग एक ब्रेक में स्नैक्स करके आना और दूसरे ब्रेक में आप खाना खा के आना ठीक है दोस्त तो ये दो ब्रेक होंगे सुनील भैया खाना नहीं खाएंगे क्योंकि अगर खाना खाता हूं मैं तो फिर मेरे को नींद आने लगती है ऐसा आपके साथ भी होता है नेचुरल प्रोसेस है तो इसीलिए खाना नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा आपको खाना है स्नैक्स लेने हैं और कोशिश करना करना अवॉइड खाना खाना मतलब कि खाना ना खाओ वरना फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो स्नैक्स खा के आ जाना ठीक है चालू करें क्या बात है? क्या बात बात है है अच्छा आप लोग मेरा वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज आगे इंट्रो लगा हुआ होता है इसीलिए वीडियो डाउनलोड नहीं होता तो यूट्यूब पर देख लिया करो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो अब जनरल कैरेक्टर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की यहां पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पर आपको फॉर नॉलेज यहां पर बताना चाहता हूं वो नॉलेज के लिए चीज क्या है कि जो शब्द है एसिड है ना ये डिराइव होता है लैटिन वर्ड एसिडस से जो कि सिमिलर है वर्ड एसर से अकिन का मतलब होता है सिमिलर अंग्रेजी भी आप यहां पर साइड बाई साइड सीख ही रहे है. तो ये एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया है दैट इज सिमिलर टू द वर्ड एसर जिसका मतलब होता है सार और सार का मतलब होता है खट्टा लेकिन अगर, अगर अभी तक आपको लगता है कि सारे एसिड्स खट्टे हैं तो आप अंधेरे में है आपको चीजें कुछ क्लियर होंगी आज ठीक है तो ये पहली बात आप सभी को क्लियर हो रही होगी कि कि एसिडस या एसर शब्द से आया जिसका मतलब होता है सार यानी खट्टा तो चालू करते हैं सुनील भैया क्लास सेवेंथ के एक रिकेप के साथ क्लास में मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई बहन एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ते हैं एनसीआर में ही आता है ये चैप्टर तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करा लू ये चीजें जब आपको नजर आती है मेरे दोस्त मेरे भाई तो ये आपकी एसिड तो तो है और तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड अब ऐसा नहीं कि हवा में इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड रखा है इसके पीछे रूल्स पड़ते हैं इसके कि भाई सल्फेट आ रहा है तो फिर कैसे एट की जगह एक लगाना है रूल्स टू डू दिस बट अभी हमें उस पर फोकस नहीं करना है तो एच टू एस ओ फोर इज सल्फ यूरिक एसिड एच सी एल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच एन ओ थ्री इज बेसिकली नाइट्रिक एसिड एच टू सी इज कार्बोनिक एसिड ठीक है तो ये आपके कुछ कॉमन एसिड है देन कुछ कॉमन बेसिस की अगर बात करें यहां पर तो फिर हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड तो जो मेटल के ऑक्साइड है हाइड्रो ऑक्साइड है अमोनियम हाइड्रो है ये सारे बेसिक सबस्टांसेस हैं जैसे सोडियम हाइड्रो हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया तो इनसे दोस्ती कर लीजिए दोस्तों ये आपके क्या है ये बिलोंग करेंगे आपकी एसिड्स की कैटेगरी को और ये बिलोंग करेंगे आपके बेसिस की कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा इनसे रिलेट करने की कोशिश करो ठीक है क्लास सिक्स सेवेंथ में पढ़ा है सेवन क्लास में अब थोड़ा आगे चलेंगे ये बेसिक सी बात का रीकैप होने के बाद मैं आपको एसिड्स के अंदर डीप में लेके चलूंगा अच्छा तो सुनील भाई एसिड्स के क्लासिफिकेशन भी होते हैं क्या बिल्कुल होते हैं आपको तीन से चार तरीके क्लासिफिकेशन आज मैं समझाऊंगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन सोर्स एसिड्स को हिंदी में कहते हैं अम्ल क्या कहते हैं अम्ल और बेस को कहते हैं शार तो इनके सोर्स के बेसिस पे कि भैया ये एसिड हमको कहां से मिलता है एसिड्स के हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो पहली कैटेगरी मेरे दोस्त यहां बनती है ऑर्गेनिक एसिड्स की और अब आपने मेरे से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड पढ़ लिया तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है र ऑप्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ऑर्गेनिक एसिड वो है जो आपको लिविंग सोर्सिस से मिलते हैं दैट इज प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं ठीक है पहली कैटेगरी ऑफ एसिड्स क्या है मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड्स यानी ऐसे अम्ल या ऐसे एसिड्स जो हमें जिंदा चीजों से मिलते हैं जैसे कि प्लांट से मिल रहे हैं या बेसिकली एनिमल से मिल रहे हैं ठीक है जी भाई तो अब इनमें से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ये इनके बेसिकली नेचुरल सोर्स नेचुरल सोर्स और ये एसिड ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा सिट्रस फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स अभी उगेंगे तो मिलेंगे तो प्लांट से ही ना प्लांट्स एंड ट्रीज से ही मिलेंगे ना हाँ तो सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन सा आता है सुनील भैया सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आता है लेमन है ना सिट्रस फ्रूट्स के अंदर आता है ऑरेंज ठीक है बेटा हाँ जी भैया तो सिट्रस फ्रूट्स के अंदर कौन सा एसिड होता है सिट्रिक एसिड होता है अब जैसे फॉर्मुला नहीं करना तो नेचुरल सोर्स क्या है सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन ऑरेंज इनमें सिट्रिक एसिड होता है तो ऐसे अम्ल जो हमें नेचुरल सोर्सेज या लिविंग सोर्सेज से मिलता है जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं like है, इन्हें हम ऑर्गेनिक कहते हैं जैसे भैया हमें लेमन नींबू में है ना और नारंगी में कौन सा एसिड मिलता है सिट्रिक एसिड नॉलेज के लिए एक और चीज बताता हूं, क्योंकि अब आप यहां क्लास में आए हैं तो नॉलेज लेकर जाइए इसके अंदर एक और होता है एस्कॉर्बिक विटामिन विटामिन एसिड है होता है ना कहते हैं ना लोग अरे विटामिन सी विटामिन सी खट्टा खट्टा विटामिन सी अच्छा तो विटामिन सी है तो क्या है एस्कॉर्बिक एसिड भी है तो सिट्रस फ्रूट्स में हमारे पास विटामिन सी या कुछ लोग इसको बोलते हैं वाइटमिन सी ठीक है, C, है? <laughs> तो एस्कॉर्बिक एसिड और सिट्रिक एसिड है टेमेरिंड यानी कि इमली इसके अंदर जो मेजरली एसिड प्रेजेंट है वो है टार्टरिक एसिड कौन सा है टार्टरिक एसिड टोमेटो में जो मेजर एसिड प्रेजेंट है वो है ऑक्सैलिक एसिड अब मैं आपके दिमाग में एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर मैं टोमेटो में ऑक्सैलिक लिख रहा हूं और सिट्रिक नहीं लिख रहा इसका यह मतलब नहीं कि टोमेटो में ऑक्सैलिक के अलावा कोई और एसिड नहीं है मेरे दोस्त टोमेटो के अंदर सिट्रिक भी 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 है भी है 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 ऑक्सैलिक मैलिक एसिड पॉइंट यह उन सबसे कंसेंट्रेशन ज्यादा इसके अंदर इसकी है तो हम वो एसिड लिखते हैं जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा इसके अंदर समझे मेरे बंदर विनेगर अब ये तो मुझे कोई नहीं बोल सकता भैया विनेगर क्या होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बताया था सिरका गिरा रे बरेली के बाजार में यह सिरका है है ना इसके अंदर कौन सा एसिड है या ये कौन से एसिड से मिलता है एसिटिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म है विनेगर और इसे बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया जो इसे बनाता है ठीक है इसीलिए ऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखा हुआ है फिर आता है नेटल स्टिंग यानी डंग। ये नेटल क्या है एक प्लांट होता है जिसकी तीखी तीखी लीव्स होती है वो तीखी तीखी लीव्स अगर घुस गए हमारे हाथ में वो डंक घुस गया तो हमारे हाथ में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है पेन होता है बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि ये हमारे हाथ में इस एसिड को जिसे हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं इसको इंजेक्ट कर देता है है ना बेटा है ना बेटा ये, इसको इंजेक्ट कर देता है उसी प्रकार एप्पल में एम एल आई सी लिखा है मैलिक लिखा है है ना? मैलिक एसिड आंट स्टिंग यानी जो लाल चीटी जब कांट लेती है तो जो डंक पड़ता है वो कौन सा है फॉर्मिक एसिड कर्ड यानी दही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड की वजह से दूध में प्रेजेंट केज़ीन प्रोटीन फ्रज़ाइल सॉलिड यानी दही में कन्वर्ट होता है तो यहां पर कर्ड में लैक्टिक एसिड आंटस्टिंग में फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक एसिड का अनादर नेम एसिड। टेबल याद हो रही है क्या जी भैया तो यहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एसिड्स बेस्ड ऑन द सोर्स सबसे पहली कैटेगरी बनती है ऑर्गेनिक एसिड्स यानी ऐसे अम्ल जो हमें लिविंग सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से मिले इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहेंगे पहली बात अब सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंज इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है साथ ही साथ वाइटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यहां पर जितनी भी चीजें लिखी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये तो इनमें और एक से ज्यादा एसिड हो सकता है लेकिन हम वो मेंशन करते हैं जो मैक्सिमम अमाउंट में यहां पे प्रेजेंट होगा टैमेर में, में एसेड फॉर्मिक या फॉर्मिक या मिथेनोइक एसिड एंड में लैक्टिक एसिड अब इतना पढ़ाया कभी इससे सवाल आता है क्या देखना भाई सवाल आता है क्या लास्ट ईयर 2023 एक नंबर का सवाल लास्ट ईयर 2023। एक नंबर का सवाल आता है क्या सवाल देखो आता है लगाना इसका आंसर लगाना जल्दी से लगाना आंसर लगाना इसका फटाफट से क्या होगा इसका आंसर फटाफट से बताएंगे मेरे को जल्दी से क्या बात है भैया क्या बात है 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 कौन कौन से एसिड्स होंगे चलो ये क्या हो गया चलो कोई बात नहीं

लैक्टिक एसिड एसिटिक एसिड मिथनोइक एसिड मिथनोइक एसिड अभी हमने कहां-कहां पढ़ा रिवीजन करते हैं मिथनोइक एसिड सुनील भी हमने सिलेबस के हिसाब से कहां-कहां पढ़ा नेटल स्टिंग या फिर आपने पढ़ाया आंट स्टिंग ठीक है लैक्टिक एसिड हमने कहां पढ़ा दही के अंदर पढ़ा तो यहां पर आ जाएगा बेसिकली कर्ड लैक्टिक एसिड कहां पढ़ा लैक्टिक एसिड पढ़ा हमने दही के अंदर ठीक है कर्ड और इसका हमने पढ़ा था कि इसकी डाइल्यूटेड फॉर्म को क्या कहते हैं विनेगर कहते हैं डाइल्यूटेड फॉर्म को विनेगर कहते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर बनता है डी दैट इज ऑक्सैलिक एसिड लास्ट ईयर का एक नंबर का एमसीक्यू का सवाल आया था यहां से और इस साल एमसीक्यू इस चैप्टर से फिर से आ रहे हैं तो ऐसे सवाल आ सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी है इसीलिए आपको ये करवा दिया चलो अब आगे चलते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास बनती है वो कौन सी बनती है दूसरी कैटेगरी हमारे पास बनती है इनऑर्गेनिक एसिड्स की ठीक है अब ऐसे एसिड्स जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हैं दैट इज रॉक्स एंड मिनरल्स से मिलते हैं इन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड मोर सो दीज आर बेसिकली द इनऑर्गेनिक एसिड याद रखना कार्बोनिक एसिड भी यहीं पर ही बिलोंग करेगा कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक एसिड ठीक है जी भैया तो ऐसे जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेस से मिलते हैं दैट इज रॉक्स एंड मिनरल से मिलते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड कार्बोनिक एसिड को भी हम इसी कैटेगरी के अंदर प्लेस करते हैं

पहला है लेमन यानी है नींबू फिर है बेकिंग सोडा घर में मिल जाता है और तीसरा है ऑरेंज यानी नारंगी अगर मैं आपको बोलता हूं इन तीनों को टेस्ट करो इन तीनों को टेस्ट करो मेरे दोस्त तो इनका टेस्ट क्या होगा अब यहां से एनालिटिकल स्किल्स पे भी हम जाएंगे तो अगर मैं नींबू को चाटू तो कैसा टेस्ट आएगा नींबू को चाटू तो कैसा टेस्ट आएगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ हाँ, सार टेस्ट आएगा सार को हिंदी में क्या बोलते हैं राजा बेटा खट्टा तो नींबू को जब चाटूंगा सुनील भैया टेस्ट करूंगा तो खट्टा टेस्ट आएगा बेकिंग सोडा पे बिटर टेस्ट आएगा कड़वा बेकिंग पाउडर को मत टेस्ट कर लेना बेकिंग सोडा की बात हो रही है है ना घुमा फिरा के चीजें टेस्ट करोगे तो फिर दिक्कत होगी और फिर अगर बेकिंग पाउडर को टेस्ट करोगे तो मुंह से धुआं भी हल्का हल्का तुम्हें ऐसा महसूस होगा फिजिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे मुंह पे निकलने लगेगी जीप के ऊपर से ऐसे जीप से निकलेगी ऐसे बबूल फटफट आवाज आएगी क्यों आएगी अभी आगे बताऊंगा ऑरेंज यानी नारंगी इसको भी टेस्ट करते हैं तो सुनील भैया खट्टा खट्टा लगता है वाह 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 ये भी खट्टा ये भी खट्टा और ये कड़वा अच्छा ठीक है लेकिन अभी बताता हूं चैप्टर से तो बहुत गहरा रिश्ता और नाता है तो क्लास सेवेंथ में हम ये स्टेटमेंट पढ़ते है? है ना है ना पोल पे रिस्क लग रहा है चल ही नहीं रहा है तुम चैट बॉक्स में आंसर दो ऑल एसिड सार वाइल बेसिस टेस्ट बेटर ऑल देखो शब्द देखो मेरे ऑल यानी सारे ये कह रहा है सारे एसिड्स खट्टे हैं और बेसिस कड़वे हैं जैसे तो तो बोलती ना अंगूर खट्टे हैं अरे ये तो अपने बच्चे लग रहे हैं भाई साहब हैं ये तो सारे अपने ही बच्चे लग रहे हैं हैं सब सही आंसर कैसे देने लग गए ये तो सारे अपने बच्चे लग रहे हैं क्या, है? है। तो क्या सत्य है ये असत्य है बेटा हाँ बोर्ड वाले माने चाहे ना माने तुम्हें तो पता होना चाहिए तुम अपने नॉलेज के लिए तो याद रखो तो जब भी कोई बोलता है सारे एसिड खट्टे हैं तो उनको बोलिए क्या सारे खट्टे हैं वो कहेंगे हाँ फिर क्या कक्षा सातवीं की एनसीआर में एनसीआर ने खुद एक चीज का सवाल पूछ के क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ दिया है मतलब एनसीआर खुद जानती और मानती है ना कि सारे खट्टे नहीं है सारे नहीं है अब देखो कैसे क्लास सेवेंथ एनसीआर सॉल्ट खोल के देख लीजिएगा किताब एसिड्स एंड बेसिस है ना जाकर खोल के देखिएगा इस चीज को अब देखिए एनसीआर क्लास सेवन की क्या बोलती है क्या बोलती है, देखना? देखो. है और कड़वी है इज इट एन एसिड और बेस डोंट गिव दउ एनी टेस्ट यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट समझ में आ गई क्या राजा बेटा वो खुद कह रहे हैं कि अगर आप टेस्ट के बेसिस पे बताने लगोगे कि ये एसिड है या बेस है तो आप गलती कर दोगे तो अब आप मुझे बताओ कॉफी बेसिक है या एसिडिक है भाई आप तो कह रहे हो ना भाई कॉफी का पाउडर कड़वा है तो बेस होगा एनसीआरटी खुद कह रही है यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट कि अगर आपने बोला कि वो कड़वा है और कड़वे के बेसिस पे अगर आप बोलते हो कि वो फिर बेस है तो कहीं ना कहीं कहीं तुम गलत डायरेक्शन में तो नहीं सोच रहे हो हाँ अरे यार ओपी बच्चे अपने पास मजा आ गया तुम लोग एकदम बोर्ड में मचा के आओगे ये मैं गारंटी दे रहा हूं कॉफी इज बेसिक अरे फॉल्स है भाई फॉल्स है फॉल्स है मतलब देखो कॉफी टेस्ट बेटर सो इट्स बेसिक इन नेचर ऐसा लोगों को लगता होगा लेकिन सत्य नहीं है नो no. एसिडिक इन नेचर अब इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस भी हमने बताया है कहीं कहीं पे बट अभी इसकी जरूरत है नहीं तो मेजरली से जो दो एसिड्स निकलते हैं वो दो एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैफिक एसिड एंड क्विनिक एसिड अब इनकी वजह से यहां पर एक बिटर टेस्ट आता है नो कॉफीज एसिडिक इन नेचर एंड इन दोनों एसिड्स की वजह से बिटर टेस्ट आता है जो उसका कैरेक्टरिस्टिक बिटर टेस्ट आ रहा है वो इन दोनों की वजह से आ रहा है अगर आप ये बोले कॉफी टेस्ट बिटर सो इट्स बेसिक इन नेचर तो करेक्ट आंसर है नो 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 कॉफी एसिडिक है नेचर में इन दोनों की वजह से और इनका टेस्ट बिटर है तो एसिड या बेस का टेस्ट से कोई रिश्ता नाता नहीं है अगर आपको बोलना भी है अगर आपको बोलना भी है तो समझदार व्यक्ति सेफर साइड पे खेलते हुए बोलता है जनरली यानी आप जब ये बोलेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड्स खट्टे हैं तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा जनरली एसिड्स टेस्ट सॉर नॉट ऑल एसिड्स टेस्ट सॉर समझ रहे बेटा ये आपका ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा रेदर देन ऑल एसिड्स टेस्ट सॉर मैं छोटी छोटी बातें समझा पा रहा हूं क्या ऑल और जनरली में अंतर है जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में खट्टे हैं ऑल का मतलब सब केसेस में खट्टे हैं गलत बात अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात कुछ एसिड्स खट्टे कड़वे यहां तक कि मीठे भी होते हैं और यह होता है आपके किस में अमाइनो के केस में अमाइनो के, के केस में तो इनका टेस्ट सार बेटर मीठा सब है तो फिर तो कभी भी ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये चीज खट्टी है तो एसिड होगी और कड़वी है तो बेस होगी गलत होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिड्स खट्टे हैं ये बात और वार्तालाप सत्य है सही है ठीक है बेटा जी भैया चलिए बेटा अब अभी तक मुझे ऐसा कोई बेसिक सब्सटेंस शायद मेरे रिसर्च में नहीं आया या मैंने टेस्ट करा तो मुझे नहीं पता कि वो किसी और टेस्ट में अगर आपको मिलता है तो दिस इज अगेन सब्जेक्ट टू चेंज कि हाँ यार हो सकता है ना कि कोई बेसिक सब्सटेंस का टेस्ट अलग हो कोई खट्टा भी हो सकता है कोई मीठा भी हो सकता है है ना? लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला अगर आपको कुछ मिलता है तो है ना? हमें तरह विश्वास नहीं करना, जो 2007 या आठ के बाद चेंज ही नहीं हुई हमें डायनेमिक कॉन्टेंट रखना है ठीक है बेटा हाँ तो बेसिस आर द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर यानी कि कड़वे होते हैं इनको हम टेस्ट करते तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसा क्या खा लिया ये बहुत कड़वा है तो बेसिस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है कैसा होता है बिटर होता है और इनका एक टेक्सचर भी होता है तो मान लीजिए अगर आपने इनको कभी टच किया हो जैसे टच करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको वैसे तो कास्टिक सोडा को टच करने से मैं मना करता हूं काफी कॉलोजिव होता है पर मान लीजिए कभी कास्टिक सोडा को टच किया हो है ना या फॉर एग्जाम्पल चलिए वॉशिंग सोडा को टच किया हो कभी किया है वॉशिंग सोडा को टच नहीं किया तो जाकर करिए कास्टिक सोडा को भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अमाउंट में मत करना हाथ पैर जला देता है कास्टिक सोडा काफी ज्यादा होता है और कहीं जख्म हो तो तो वहां बिल्कुल मत डाल देना नाचने लगोगे गाने लगोगे ठीक है इनको जब आप टच करोगे है ना तो आपको पता कैसे फील होगा आ, इनको छूने के बाद एकदम सोपी टेक्सचर होता है हाथ से फिसलने लगता है ऐसा लगता है स्लिपरी स्लिपरी सा है साबुन बना दिया जैसे रियलिटी में बना भी देते हैं तो बेसिस है वह सोपी टेक्सचर यानी कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप इसको छूते हैं जब आप इसको छूए तो आपको कैसा महसूस होता है इसे टेक्सचर कहते हैं क्या बोलते हैं टेक्सचर समझ रहे आप टेक्सचर का मतलब होता है कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी चीज को छूते हैं टेक्सचर का मतलब होता है हाउ यू फील वेन यू टच वेन यू टच एनीथिंग जैसे मान लीजिए सिल्क की साड़ी है है ना तो उसको जब हम सिल्क को छूते हैं तो बड़ा ही सॉफ्ट और स्मूथ सा होता है ऐसे ग्रेफाइट का टेक्सचर कैसा है सॉफ्ट स्मूथ स्लिपरी है ना फिसलता है तो ये भी कुछ ऐसे ही है इनका सोपी टेक्सचर है यानी दे आर स्लिपरी टू टच हाथों से ऐसे फिसलने लगते हैं ठीक है थीके? तो इनका टेक्सचर कैसा है दे आर स्लिपरी टू टच और दे हैव अ सोपी टेक्सचर जैसे हम इनको हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ में ये ऐसे स्लिप करने लगते हैं ठीक है सोपी टेक्सचर है और पहला इनका टेस्ट कैसा है बिटर तो टेस्ट है बिटर और टेक्सचर कैसा है सोपी टेक्सचर है क्या ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई जी भैया चलो अब बताओ अब इतना बता दिया अब यस और नो में आंसर करोगे ना अब यस और नो में आंसर करोगे ना अब और नो में आंसर करोगे ना अब और नो में आंसर करोगे ना टू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस टेस्टिंग टेस्टिंग और टचिंग इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यस और नो अब एकदम समझदार प्यारे बच्चे की तरह आंसर कीजिए क्या बात है आहा, हा हा मजा आ गया मजा आ गया ये सारे के सारे बच्चे अपने बहुत बढ़िया हैं। इनके कारण क्या है सुनील भैया किसी भी हालत या सिचुएशन में अगर आपको कोई बोलता है जैसे मान लीजिए एसिड है अब मेरे को नहीं पता

सबसे इंपॉर्टेंट बात नो ना तो तुम्हें इन्हें छूना है ना तुम्हें इन्हें टेस्ट करना है क्यों भैया आपने बताया बेसिस का टेस्ट कड़वा है बेसिस का टेक्सचर सोपी है हाथ लगा के पता लगा लूंगा ठीक है तो फिर मैं ये कहूंगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तेरा हाथ जला दे तो तू क्यों रिस्क ले रहा है, है ना दिस कैन बी disastrous disastrous का मतलब मेरे भाई घातक हो सकता है तुम्हारे लिए यानी कि प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड डैमेज इट कोरोजिव का मतलब क्या है आपके स्किन पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होगा और साथ ही साथ ये स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देंगे याद रखना बहुत दिक्कत हो जाएगी कभी जीवन में टेस्ट या टच मत करना तुमने अगर जीभ लगाई तो जीभ भी गायब हाथ लगाया तो हाथ भी गायब मत करना तुम्हें नहीं पता कितना कंसंट्रेटेड है कितना डाइल्यूटेड है दूसरा क्या यह एक रिलायबल तरीका है भी भाई हम अपनी जान इतनी जोखिम में डालें पता लगाने के लिए कि एसिड है और बेस है क्या यह सही तरीका है भी अभी तो बताया कि एसिड्स का जो टेस्ट है वो कड़वा भी हो सकता है वो खट्टा भी हो सकता है और वो मीठा भी हो सकता है तो टेस्टिंग रिलायबल ऑप्शन है ही नहीं भाई एसिड्स का टेस्ट कड़वा खट्टा मीठा सब है तो क्या ये एक रिलायबल ऑप्शन है मान लो कोई चीज कड़वी है फॉर एग्जाम्पल कॉफी किसी ने टेस्ट करी आंख बंद करके मैंने उसको बोला कि हाँ भाई टेस्ट करो आख बंद करके उसकी जीप पे मैंने रखा उन्होंने बोला कड़वा है वो तो बोल देगा बेसिक है अरे वो तो एसिडिक है ना कॉफी तो ये एक रिलायबल तरीका नहीं है पता लगाने का कि कोई चीज आपकी एसिडिक है बेसिक है या फिर एसिडिक है या फिर बेसिक है ठीक है समझ में आ रही है बात जी है. तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए तो फिर ऐसे तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे हैं क्या बातें कर रहे हो फिर तो मैं पता ही नहीं लगा सकता कौन एसिड है कौन बेस है तुम्हारे तो दिमाग में ये आ रहा होगा हाँ ये आ रहा होगा हाँ कि सुनील भाई फिर हम कैसे पता लगावे कि ये एसिड है कि बेस है कैसे पता लगावे हाँ तो राजा बेटा एक तरीका है मैं तुमको देता हूं देखो इंडिकेटर <laughs> इंडिकेटर पढ़ाता हूं तो कुछ बहुत सारी बातें याद आती है तो हमारे यहाँ पे आप बोलना नहीं चाहिए एक सुंदर कन्या ड्राइवर थी ठीक है ना तो वो सुंदर कन्या ड्राइवर को अब मुड़ना होगा भैया इस तरफ अब इधर मुड़ोगे तो कहा का इंडिकेटर दोगे बेटा इधर मुड़ोगे तो इंडिकेटर देखो। गाड़ी ठुकते ठुकते बची। फिर अगली बार तो घायल ही हो गई वो क्योंकि मैडम को यही नहीं पता कि मुड़ना इधर और इंडिकेटर का देना है कि इधर का मुड़ना है कि इंडिकेटर का देना क्या करना चाहते हो अभी लड़कों के साथ में केस में सिंपल है अब मैं किसी को लड़कों को लड़कियों को ऐसे नहीं कर रहा बट मैंने जो देखा मैं तो वही बता रहा हूं यहां का इंडिकेटर दोगे तो यही मुड़ना चाहिए ना यहां क्यों मुड़े आप अब वो तो अगर मैं तेज होता तेज होता होता तो तो मेरी गाड़ी रुकती नहीं धमाका हो जाता भिड़ जाते दोनों एक्सप्लोजन उसके बाद भी आंटी जी अपनी गलती नहीं मान रही कह रही बेटा तुमको गाड़ी चलानी नहीं, नहीं आती मैंने कहा आंटी आपने इंडिकेटर कहां का दिया कर इंडिकेटर यहीं का तो दिया मैंने कहा ये देखो इधर का दिया बोला वो गलती से इधर का चला गया गाड़ी खराब है मैंने कहा ये मत बोलना कि तुम्हारा दिमाग खराब है गाड़ी खराब है और डांट भी मैं खा रहा हूं समझ रहे हो हाँ, हाँ। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है जीवन में अब उसमें मेरी गलती भी नहीं है भाई मैं तो ईमानदारी से इधर मुड़ना है तो इधर का इंडिकेटर दूर हूं तुमको मुड़ना इधर है इंडिकेटर इधर का दे रहे हो फिर गाड़ी भिड़ते भिड़ते बचती मेरी नई गाड़ी थी टूट जाती तो तुम तो मेरे को कम्पेंसेशन भी नहीं देते और पापा उधर कंपेंसेशन देते गालों के ऊपर तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जीवन है बेटा है ना हाँ कभी कभी हो जाता है कोई बात नहीं तो ऐसे इंडिकेटर से इसका क्या रिश्ता ये इंडिकेटर क्या बताता है कि भैया इधर जाना है कि भैया इधर जाना है इंडिकेटर ये बताता है उसी प्रकार केमिस्ट्री में भी कुछ इंडिकेटर है जो कुछ इंडिकेट करते हैं कि हाँ एसिडिक है भैया ये बेस है, है ऐसे इंडिकेट कर देते हैं अपने रंग में परिवर्तन दे देते हैं या अपनी स्मेल में परिवर्तन दे देते हैं तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ या केमिकल सब्सटेंसेस है मेरे राजा बेटा जो एक शार्प चेंज देते हैं अपने रंग में आ हा 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 रंग में परिवर्तन तो दुनिया दे रही है केमिस्ट्री में भी रंग में परिवर्तन सिखा रहे हो असली जिंदगी केमिस्ट्री तो है या इंडिकेटर रंग बदलते हैं बाहर लोग रंग बदलते हैं है ना हाँ गिरगिट बन जाते गिरगिट वैसे वैसे वे, रंग बनाएंगे अभी अपन ठीक है ना हाँ तो शार्प चेंज इंदर कलर और ओर्डर ऑर्डर का मतलब क्या होता है स्मेल लेकिन ये अच्छी स्मेल नहीं है अच्छी स्मेल है नहीं फ्रेग्रेंस ओडर मतलब गंदी बदबू है ना तो इन एन एसिडिक और अ बेसिक मीडियम सो दीज सब्सटांसेस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक शार्प चेंज देते हैं अपने रंग में या अपनी बदबू यानी ओडर में जैसे ही आप इनको एसिड या फिर बेस में इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन्हें बोलते एसिड बेस इंडिकेटर क्या बात है मजा आ गया, गया। समझ गए हाँ जी भैया <laughs> समझ गए हाँ अरे बेटा मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ तो एग्जाम्पल दे रहा था मेरे साथ ऐसा हुआ गाड़ी पे है ना बाकी मेरे बहुत अच्छे ऐसे फीमेल फ्रेंड भी है जो गाड़ी चलाते हैं उनके साथ फोर व्हीनर बैठता हूँ मैं पहले बैठता था अब तो नहीं बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते थे ऐसा नहीं है बेटा मैं जनरलाइज नहीं कर रहा मैं तो अपना केस बता रहा हूँ तो इंडिकेटर दैट शो अ चेंज इन कलर इंडिकेटर चेंज इन ऑर्डर तो कुछ इंडिकेटर होंगे जो अपने रंग में परिवर्तन देकर आपको बताएंगे भैया और कुछ ऐसे होंगे जो अपने ऑर्डर में परिवर्तन दे, दे देंगे स्मेल में परिवर्तन दे, दे देंगे इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अब इनसे क्या होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है बेटा जी भैया चलो आगे चलो अब सबसे पहला पढ़ते हैं इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन कलर तो ये न्यूट्रल सोलूशन में इनका रंग क्या है एसिडिक में क्या है और बेसिक में क्या है इनके रंगों को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहला स्टार्ट करते हैं विद लिटमस सबसे पहला क्या है लिटमस सोल्यूशन तो ये जो तीन हमारे पास यहां पर कैटेगरी है इनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर क्या बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर इसके अलावा बीटरूट वाला भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा में दे रखा है ग्रुप एक्टिविटी में दे रखा है और ये बेसिकली कहलाते हैं सिंथेटिक या फिर आप इनको कह सकते हैं मैनमेड या आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर यानी ऐसे इंडिकेटर जो इंसान ने बनाए लेबोरेटरी के अंदर ऐसे इंडिकेटर को हम बोलते हैं सिंथेटिक मैनमेड या आर्टिफिशियल इंडिकेटर और ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं प्रकृति से प्राप्त होते हैं इन्हें बेसिकली हम क्या कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं क्या बात है अब देखिए बहुत सरल सी बात है बहुत सरल सी बात है सबसे पहला है लिटमस सोल्यूशन तो ये न्यूट्रल में कौन सा कलर देता है? ये न्यूट्रल में देता है पेल पर्पल या फिर इसको बोलते हैं मॉव एम ए मॉव कलर होता है तो लिटमस का न्यूट्रल सल्यूशन में रंग होता है पेल पर्पल या फिर मॉव। अब लिटमस का एक डाई है जो आपको लाइकिन से मिलती है

अब वहां से हमें लिटमस की जो है डाई है सोल्यूशन मिलता है ये न्यूट्रल में पेल पर्पल या मॉव कलर का होता है एसिड्स में इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है और बेसिस में जो इसका रंग है वो नीला हो जाता है सुनना न्यूट्रल में पेल पर्पल मॉव एसिड में लाल बेस में नीला क्या बात है टर्मरिक का पेस्ट अब ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर अभी जाकर करना घर पर अभी करना घर पर अभी करना टर्मरिक का पेस्ट कैसे बनाना है एक कटोरी लेनी है उसमें एक चम्मच टर्मरिक लेना थोड़ा सा पानी लेके उसको मिक्स करना है ठीक है मिक्स करना है हाँ उसमें आप हल्का सा बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा जो भी आपके क्या सर्फ एक्सेल हो वो डाल देना लाल पड़ जाएगा तो टर्मरिक जो होता है वो न्यूट्रल में और एसिड में तो पीला ही रहेगा लेकिन बेसिस के अंदर वो ब्रिक रेड कलर का हो जाता है जैसे ईंट का रंग होता है ना लाल कलर का बिल्कुल वैसा हो जाता है ठीक है जी अब हाइड्रेंजिया फ्लावर्स जो होते हैं जो यानी इसकी पेटल्स होती है ना इस फ्लावर की जो पेटल्स होती है यानी जो फूल की पत्तियां होती हैं वो अपना रंग परिवर्तन कर देती है कैसे मान लो कि जो सॉइल है सॉइल अगर वो सॉइल आपकी न्यूट्रल है या फिर वो अगर आपकी एसिडिक है जिस मिट्टी में हाइड्रेंजिया फ्लावर्स यानी जो इसका तो ये जो पेटल्स है इनका रंग जो है वो नीला पड़ जाता है अगर वो जो सॉइल है न्यूट्रल पीएच की है या फिर वो सॉइल अगर एसिडिक है तो न्यूट्रल और एसिडिक में इसके जो फूल के जो पत्ते हैं ये बेसिकली नीले हो जाते हैं और अगर सुनील भी बेसिक हो तो अगर आपका सॉइल बेसिक होगा तो इसके पत्ते अपने आप पिंक कलर के हो जाएंगे नेचुरल इंडिकेटर है बता रहा है कि भैया ये न्यूट्रल है एसिडिक है या फिर बेसिक है उसी प्रकार आता है और और मिथाइल मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज अब ये न्यूट्रल में और एसिड में कैसी है बिना रंग की कलरलेस ये रहा कलरलेस अभी दिखाऊंगा आपको कलरलेस बिल्कुल देखिए कलरलेस है पानी के जैसा और बेसिक में कैसा रंग है राजा बेटा पिंक कलर का है ठीक है जी भैया अब देखिए मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज के नाम से समझ में आ रहा है कि न्यूट्रल में ऑरेंज होगा एसिड्स में इनका रंग रेड होता है या फिर कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग आईसीएसई वाले इसको पिंक कलर बोलते हैं ये हो जाएगा और उसके बाद बेसिक सॉल्यूशंस में पीला पड़ जाता है कैसा पीला पड़ जाता है याद रहेगा क्या मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज रहेगा एसिड्स में रेड या फिर पिंक हो जाएगा और बेसिस में येलो हो जाएगा फिनॉफलीन कलरलेस कलरलेस पिंक हाइड्रेंजिया फ्लावर्स ब्लू ब्लू पिंक टर्मरिक येलो येलो ब्रिक रेड लिटमस सोल्यूशन आपका पेल पर्पल एंड मो फिर देन रेड एंड देन ब्लू याद रहेगी बात जी भैया एक्सपेरिमेंटली देखना चाहोगे 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 आ जाओ एक्सपेरिमेंटली दिखा देता हूं फटाफट से एक्सपेरिमेंटली दिखा देता हूं चलो आ जाओ सुनील भैया एक्सपेरिमेंटली दिखा दो एक्सपेरिमेंटली दिखा दो सुनील भैया, आ, आ जाओ बेटा चलो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट खेलेंगे भैया हम तो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट खेलेंगे अब बहुत सारा सोल्यूशन तुमको यहां दिख रहा होगा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है हम एक एक करके उठाएंगे और आंसर लेकर आएंगे ठीक है अब देखिए यहां पर इनको खोल देते हैं हम क्या बात है इसका ओपनर भी नहीं लाया मैं चलिए कोई दिक्कत नहीं इसको अभी खोल लेंगे अपन अभी दो मिनट में पहले एसिड के साथ कर लेते हैं ओपनर नहीं लाया मैं हाँ इसका फ्यूम दिख रहा है क्या फ्यूमिंग लिक्विड है फ्यूम्स। अब मान लीजिए कि इसके अंदर मैं लेता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूं ये मेरा एसिड है ठीक है ये बेसिकली मेरा एसिड है अब अगर यहां पर यहां पर अगर मैं लिटमस ले लेता हूं ठीक है, धुआं धुआं कर दिया भैया ने तो लिटमस ब्लू जो होता है लिटमस ब्लू अब ये क्या रंग देगा <coughs> बहुत धुआं धुआं कर दिया हमने <coughs> सुनील भाई लिटमस ब्लू क्या होता है आप ये बताइए तो बेटा जब आपके पास लिटमस है लिटमस सोल्यूशन है अगर आप उसका बेसिक कैरेक्टर दिखाएंगे अच्छा वीडियो पॉज हो गया एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट लेते हैं बेटा एक मिनट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलो कोई ना मैं आपको लाइव इसी दूसरे कैमरा पे दिखा देता हूं देख लेते हैं हैं फर्स्ट कैमरा पे देख लेते कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आइए आइए फर्स्ट कैमरा पे देख लेते हैं सेकंड कैमरा में कुछ इशू आ रहा है फर्स्ट कैमरा में देख लेते हैं ठीक है लेट सी दिस इन द वेरी फर्स्ट कैमरा कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पहले कैमरा में देख लेते हैं सेकंड कैमरा में प्रोबेबली कुछ इशू आ रहा है कोई बात नहीं मैं आपको यहां पर ही दिखा देता हूं इधर ही दिखा देता हूं अब देखिए ये आपका यहां पर एसिड है ठीक है <coughs> तो अगर आप लिटमस का बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं यानी अगर आपने बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दिया तो वो कौन से कलर का हो जाता है नीले कलर का हो जाता है अब नीला लिटमस सोल्यूशन मेरे पास यहां पर अवेलेबल है सुनील भैया अगर नीले लिटमस सोल्यूशन को हम एसिड में इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो क्या होगा ठीक है अभी दिखा रहे अभी दिखा रहे अभी दिखा रहे तो क्या होगा क्या होगा अगर यहां पर यह एसिड है और अगर मैं नीला लिटमस सोल्यूशन ले आऊं तो क्या होगा एसिडिक सब्सटेंस में इसका रंग क्या हो जाता है लाल हो जाता है इसका मतलब यहां पर रंग क्या होना चाहिए लाल कलर आ जाना चाहिए कौन सा रंग आना चाहिए सुनील भैया यहां पर जो रंग आएगा वो कौन सा आएगा वो आएगा लाल रंग आएगा क्या यहां पर दिख रहा है क्या लाल रंग ये देखो ये नीला लिटमस डाल दिया क्या यहां पे लाल रंग नजर आ रहा है क्या सभी को ये देखो लाल रंग नजर आ रहा है क्या रेड लाल रंग नजर आ रहा है क्या देखो ये देखो लाल रंग नजर आ रहा है क्या ये देखो इस पर रख के दिखाता हूं देखो लाल रंग नजर आ रहा है क्या रेड ठीक है चलो ये बात साबित हो गई सुनील भैया जी भैया साबित हो गई बहुत बढ़िया भैया साबित हो गई ये बात तो चलो अब एक काम करते हैं इसी चीज को अब अगर मिथाइल ऑरेंज से अगर हम टेस्ट करें तो फिर से एसिड थोड़ा सा निकाल लेते हैं यहां पे ठीक है ये टेस्ट ट्यूब लेते हैं देखिए आपके समक्ष ले रहा हूं कलरलेस एसिड एसिडिक सोल्यूशन कलरलेस होता है यानी यहां पर यह है जो एसिड है कलरलेस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कलरलेस है जी भैया मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिडिक सोल्यूशन में रेड या फिर पिंक कलर आना चाहिए देखो बेटा आ रहा है क्या दिख रहा है ये देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही था रंग दिख रहा है क्या रंग दिख रहा है क्या क्लियर है बात देख लो भाई ये देखो दिख रहा है रंग क्लियर है बात क्लियर है बात सही है मिथाइल ऑरेंज का एसिड के अंदर बिहेवियर देख लिया जी भैया देख लिया बहुत बढ़िया अब यही अगर हम एच ले और यहां पर फिनॉफ को डालें तो क्या होगा ये हमने एच लिया यही एच लिया, फ्यूमिंग लिक्विड है फिनोक्न कलरलेस ये देखो डाल दिया कुछ हुआ क्या इसको डाल दिया कुछ हुआ क्या अब साथ ही साथ ही साथ यहां पर एक चीज और करते हैं यहां पर एक चीज और करते हैं अब बेसिक सब्सटेंसेस को लेकर आते हैं ठीक है हमारा सेकंड सेटअप थोड़ा काम नहीं किया आज ठीक है उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि आपसे सेकंड सेटअप यहां पर काम नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों फर्स्ट सेटअप इसी से ही हम आपको दिखा देंगे सारी चीजें है ना चलिए इसको खोल देते हैं इसका ओपनर लाना था और हम इसका ओपनर नहीं लेके आए देख रहे हो बेटा कितना ज्यादा एफर्ट पड़ता है चीजों के लिए चलो बिना ओपनर के खोल दिया सुनील भैया ने अब देखो भाई ये तुम्हारा बेसिक सब्सटेंस है ठीक है अब अगर इसके अंदर में क्या डालूंगा फिनॉप्तलिन डालूंगा तो कौन सा रंग आना चाहिए चीज़? सारी चीजों का रिवीजन करा दूंगा

ठीक है भाई हाँ जी भैया मिथाइल ऑरेंज कहाँ गए भाई मिथाइल ऑरेंज कहाँ बैठ गए ये बैठ गए इधर चलो मिथाइल ऑरेंज का रंग पीला होना चाहिए ठीक है इसका रंग पीला होना चाहिए ये देखो तुम्हारे सामने पीला हो रहा है क्या पीला हो रहा है क्या पीला हो रहा है क्या अरे पीला हो रहा है क्या ये देख हो रहा है पीला हो रहा है पीला ये देख भाई रटाते नहीं है फिजिक्स वाला में फील करवाते हैं भैया हम रटाते नहीं है फील करवा देते हैं मिथाइल ऑरेंज बेसिक सोल्यूशन पीला है कि नहीं है भैया देख लो स्क्रीन के ऊपर तो रट्टू पोपट नहीं बनाएंगे तुमको एक्टिव लर्नर बनाएंगे दिख गया क्या हाँ जी भैया और खेला चलाए क्या और खेला चलाएं क्या चलो और खेला चलाते हैं फिर अब सुनील भैया फिर से बेसिक सब्सटेंस डालिए रेड लिटमस उठाइए बेसिक सब्सटेंस और यहां पर है रेड लिटमस तो रेड लिटमस कैसे बनता है जब आपके पास न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन होगा आप उसके एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगे तो लाल लिटमस बन जाएगा है ना तो लाल लिटमस ना तो न्यूट्रल में रंग बदलता है ना ही एसिडिक में रंग बदलता है बेसिक में रंग बदलेगा ये बेसिक सब्सटेंस में क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए लाल नीला हो जाना चाहिए क्या देख लेते हैं लाल नीला होता है कि नहीं होता है अब इसको खोला नहीं है क्या कोई बात नहीं हमारे पास इसका भी सब्सटीट्यूट है क्या yeah, सब्स्टिट्यूट है भैया हम लिटमस पेपर पहले ही लेकर आए थे देख रहा है लाल कलर का लिटमस पेपर पूरा का पूरा ये स्ट्रिप अंदर डाल देंगे पूरा का पूरा स्ट्रिप ही अंदर डाल देंगे देखो अभी दिख रहा है ये देखो ताज के पत्ते दिख रहे हैं लाल कलर के ये देखो लाल कलर का ये लिया ये देखो डाल दिया ये देखो नीला हो गया निकला बार ये जादू ये नीला हो गया निकला बार ठीक तो रेड लिटमस पेपर बेसिक सोल्यूशन में नीला हो जाता है दिख गया क्या लाइव दिखा दिया ये देखो पूरा का पूरा सेचेड बाहर डाला देखो पूरा का पूरा नीला करके बाहर निकाला भैया ये देखो पूरा का पूरा नीला करके बाहर निकाला, निकाला स्क्रीन से हट रहा हूं देख लो पूरा का पूरा नीला करके बाहर निकाला ठीक है भैया हाँ मजा आ गया ओपी है ओपी है चलो बहुत बढ़िया तो फिनोफली न्यूट्रल के अंदर कलरलेस था एसिड में कलरलेस था बेसिक में पिंक हो गया मिथाइल में, में येलो करके दिखाया बेसिक बात सही है ओपी है चलो बहुत बढ़िया हाथ पे क्या एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मेरी उंगलियों पे हो गई यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं होने दो थोड़ा अब न्यूट्रल ऑक्साइड न्यूट्रल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड पानी पिएंगे कैसा ऑक्साइड न्यूट्रल अभी पढ़ेंगे इसके बारे में चलिए बहुत बढ़िया आ जाओ राजा बेटा अब देखो यहां पर सीबीएसई 2015 में पूछा गया एक सवाल है आपके पास नॉट दिस नॉट दिस चलिए तो मैं आपको आगे कराऊंगा मूविंग अहेड मैंने सवाल यहां पर गलत प्लेस कर दिया ये आगे का सवाल था सवाल एक्चुअली एक्टिविटी 2.6 के ऊपर बेस्ड था ठीक है जो यहां आ गया कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब देखिए इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन ऑर्डर अब ये क्या है यानी ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने ऑर्डर में अपनी स्मेल में चेंजेस लेकर आए सुनील तो भाई वहां पे जो सवाल कराना था वो एक बार आप बताओगे चलो बता ही देते कोई दिक्कत नहीं है आगे बताने से बढ़िया अभी बता टाइप नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है सवाल ये है एनसीआर एक्टिविटी पे बेस्ड है।, है, है अब इसको कर ही लेते हैं मान लीजिए फिनॉफ्तलीन सोल्यूशन जो है आपके पास फिनॉफलीन सोल्यूशन है और आपने क्या कर दिया आपने बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट केस में यहां पर क्या किया फर्स्ट केस में एनएओएच ऐड कर दिया सेकंड केस में केस टू में आपने एचसीएल ऐड कर दिया और केस थ्री में अब ये एक साथ हम कर रहे हैं फिर से एनएच कर दिया तो यहां पे रंग में क्या परिवर्तन आएगा ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का सवाल था अब वो शायद आगे चला गया है और ये वाला सवाल इधर आगे आ गया, गया है स्लाइड इंटरचेंज हो गई है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फिनोक्न सोल्यूशन सबसे पहला कि अगर हमने एनओएएच डाला तो क्या होगा फिर इसी के अंदर अगर हमने एच डाल दिया तो क्या होगा फिर हमने एनओएच डाल दिया तो क्या होगा हाँ ये वही ना बात अब ये एनसीआर की एक्टिविटी और सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का सवाल भी है चलिए मैं आपको ये चीज बता देता हूं देखिए तो आपको ये पता है सुनील भैया की फिन कलरलेस और न्यूट्रल सोलूशन में मतलब न्यूट्रल सोलूशन और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस रहता है न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस रहता है बेसिस में पिंक हो जाता है जी भैया अब आपने ये जो तो सब्सटेंस ऐड किया ये क्या है ये आपका बेसिक सब्सटेंस है ये आपका फिर से एसिडिक सब्सटेंस है और यह आपका क्या है बेसिक सब्सटेंस है तो केस बाय केस एनालाइज करेंगे पहला दूसरा तीसरा जब आपने एनएओएच को इंट्रोड्यूस करा तो यहां पर कलर में क्या चेंज आया होगा जो कलर में चेंज आया होगा वो क्या हुआ होगा कलर आपका हो गया होगा यहां पर पिंक ठीक है जैसे ही उसके बाद आपने एच को डाला होगा अब आपने मान लीजिए इतना एच डाला है कि इसको न्यूट्रलाइज कर दे तो यहां पर भी क्या हो सकता है कि एच क्या करेगा एच सी एल न्यूट्रलाइजिस इफेक्ट ऑफ NaOH। भाई इसने इसका इसने यहां पर एक बेसिक सब्सटेंस है ना तो एक बेसिक मीडियम क्रिएट किया और बेसिक मीडियम में फिनॉप्थलिन का कलर पिंक हो जाता है

उसके बाद आपने एक्सेस में डाल दिया तो एसिडिक हो गया मीडियम पर दोनों ही केस में मजे की बात यह है कि वो कलरलेस ही रहेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा तीसरा फिर आपने क्या किया तीसरा आपने एनएच डाला अब एनएच फिर से क्या कर देगा अगेन न्यूट्रलाइज करने के बाद एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर से मीडियम को बेसिक करेगा न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज एचसीएल एंड मेक्स मीडियम बेसिक न्यूट्रलाइज एंड बेसिक मीडियम को क्रिएट करेगा तो फिर से जो रंग है वो क्या हो जाएगा फिर से रंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा पिंक तो ये आपको एक सोचने वाला सवाल मैंने यहां पर दिया था तो एनवच बेसिक है फिनॉफ का कलर हो जाएगा पिंक आपने एच सी एल डाला सबसे पहले वो न्यूट्रलाइज करेगा एनवच के इफेक्ट को उसके बाद आप कह सकते हैं अगर आपने काफी ज्यादा एक्सेल डाल दिया तो वो एसिड मीडियम भी क्रिएट कर सकता है पर दोनों में ही कलरलेस रहेगा फिर आप एनिवाइस डालेंगे जब तक कि यहां पर क्या हो पिंक कलर वापस ना आए अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि भाई या तो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया होगा इसको पहले तो एक्सेल को न्यूट्रलाइज करेगा एंड देन ये बेसिक मीडियम क्रिएट करेगा तो इससे रंग क्या हो जाएगा फिर से पिंक हो जाएगा ठीक है तो इसमें और भी केसेस बन सकते हैं और भी केसेस यहां पर बन सकते हैं ठीक है समझ में आ गई क्या बात जी भैया अब देखो ओर्डर ऑर्डर में परिवर्तन लेकर आने वाले इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अब इसमें जो शब्द है ऑल फैक्ट्री इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्मेल सुनते जाइए फटाफट फटाफट पहली कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स रंग में परिवर्तन लाती है दूसरी कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स ऑर्डर में परिवर्तन लाती है इन्हें ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं यानी ऑल फैक्ट्री शब्द का मतलब है एबिलिटी टू स्मेल साथ ही साथ ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किन के लिए मददगार है हेल्पफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल यानी ऐसे लोग जिन पर परमात्मा की कृपा नहीं है और वो देख नहीं सकते तो अब वो रंग में परिवर्तन तो नहीं देख सकते कि भाई ये लाल हुआ पीला हुआ नीला हुआ कौन सा हुआ समझ में नहीं आया तो वो कर बताते हैं उसकी गंध से बताते हैं कि जो स्मेल में चेंज आया उससे बताते हैं कि एसिडिक है या बेसिक है ठीक है तो इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन ऑर्डर इनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑल फैक्ट्री शब्द का मतलब है एबिलिटी टू स्मेल साथ ही साथ ये जो इंडिकेटर्स है दीज आर हेल्पफुल फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल ऑल फैक्ट्री से मेरे को एक चीज याद आती है आपकी नाक में एक जो नर्व होती है उसका नाम होता है ऑल फैक्ट्री नर्व ऑल फैक्ट्री नर्व इन नोज इसी से हम चीजों को सूंघते हैं ये हमारी नाक में होती है जिससे हम चीजों को सूंघते हैं ठीक है तो ऐसे इंडिकेटर्स जो अपने ओर्डर आप इसको कह सकते हैं स्मेल में परिवर्तन लेकर आते हैं यानी अपनी स्मेल को चेंज कर अगर आपको ये बताएं कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है इन्हें कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर अब यहां पर तीन आपके पास कॉमन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं पहला है ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स वनीला एसेंस क्लोव ऑयल लौंग जो तेल होता है वो वनीला एसेंस मार्केट में मिलता है तीसरा है ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स क्या मतलब है आप साफ कपड़ा लीजिए साफ कपड़ा लीजिए उसको काटिए उससे छोटी छोटी स्ट्रिप्स निकलेगी कपड़ों की

जब आप निकालेंगे कपड़े को तो कपड़े में क्या होगा क्या होगा कपड़े में कपड़े में प्याज की स्मेल होगी भाई उस कपड़े के अंदर प्याज की स्मेल होगी इसे बोलते हैं ओनियन क्लॉथ स्ट्रिप्स ठीक है अब अगर आप दो सोल्यूशन को रखते हैं मान लीजिए कि कोई इंसान है जो देख नहीं सकता परमात्मा की कृपा नहीं है उनपे और वो देख नहीं सकते और दो सोल्यूशन आपने यहां रख दिए एक एसिडिक एक बेसिक तो उनके हाथ में आपने ओनियन ओडर्ड क्लॉथ स्ट्रिप्स दिए क्लॉस्ट्रिप्स दिए, उन्होंने एक के अंदर डाला निकाल के सूंगा यहां पर इनको अभी भी प्याज की स्मेल आ रही है दूसरे में डाला बाहर निकाला प्याज की स्मेल नहीं आ रही है दो सोल्यूशन है दोनों में इन स्ट्रिप्स को डिप किया बाहर निकाल के सूंगा एक में स्मेल आ रही है प्याज की एक में नहीं आ रही है तो जिसमें नहीं आ रही है जिसमें नहीं आ रही है स्मेल वैनिश हो गई यानी कि गायब हो गई वो बेसिक सोल्यूशन होगा और जिसमें स्मेल रहेगी वो एसिडिक सोल्यूशन होगा उसी प्रकार वनीला एसेंस एसिडिक सोल्यूशन में उसकी स्मेल बनी भी रहती है क्लोवाइल स्मेल रिमेन्स देयर उसकी स्मेल एसिडिक सोल्यूशन में बनी भी रहती है बेसिक सोल्यूशन के अंदर इसकी जो तो स्मेल है वो वेनिश हो जाती है ठीक है तो जो लौंग का तेल है उसकी स्मेल बेसिक सोल्यूशन में उड़ जाएगी वनीला एसेंस की जो स्मेल है बेसिक सोल्यूशन में उड़ जाएगी ओनियन ओडर की जो स्मेल है बेसिक में में उड़ जाएगी एसिडिक रहेगी क्या बात है तो इसी तर्ज लास्ट टॉपिक ऑफ इंडिकेटर्स एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस लास्ट टॉपिक पे आ गए हम क्या है ये लास्ट टॉपिक बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आ गए हम यहां पर इस टॉपिक इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे हैं भैया ये क्यों पढ़ा रहे हो आप ये ग्रुप एक्टिविटी दे तो एनसीआरटी में रखिए ना और एनसीआरटी का मन बनकर तुम्हारे मजे लेने सीबीएसई का मन बनकर तुम्हारे मजे लेने तो वो तो लेकर चले जाएंगे फिर तुम क्या करोगे मजे दे दोगे क्या तो सुनो प्रिपेयर योर ओन इंडिकेटर अपना खुद का इंडिकेटर बनाओ क्लास सेवंथ में भी बनाया का चाइना रोज का घर पे बनाते हैं अपन या रेड कैबेज का या बीट रूट का बनाइए है ना तो बीट रूट यह लाल लाल कलर का होता है ना हम लोग सैलड के अंदर डाल के खाते हैं बीटरूट इसको आप मोर्टार में सबसे पहले क्या कर दीजिए क्रश कर दीजिए मोर्टार तो बीटरूट लिया और हमाम दस्ते में आपने इसको कूटना स्टार्ट किया पानी डाल रहे हैं कूट रहे है, पानी डाल रहे कूट रहे पानी डाल रहे कूट रहे ठीक एक्सट्रैक्ट

यह ए यह बी यह सी और यह डी पहले वाली के अंदर क्या है पहले वाली के अंदर है लेमन जूस सल्यूशन लेमन जूस है दूसरे वाली के अंदर क्या है सोडा वाटर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पीने जाते हैं ना अरे चलो भाई सोडा पी के आते हैं वही सोडा विनेगर यानी सिरका सिरका गिरा रे बरेली के बाजार में चौथा बेकिंग सोडा ठीक है दोस्त जी भैया color change इन any. नोट your observations. अब इसके अंदर beetroot solution, beetroot solution, beetroot solution, beetroot solution डालो और रंग में परिवर्तन देखो अब beetroot के कलर में क्या क्या परिवर्तन आता है वो मैं आपको बताता हूं beetroot. Beetroot आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो रंग में परिवर्तन लेकर आता है नेचुरल इंडिकेटर है जो रंग में परिवर्तन लेकर आता है एसिडिक बेसिक मीडियम के अंदर ठीक है तो अगर हम बात करें कि एसिडिक मीडियम हमारे पास या हमारे पास न्यूट्रल मीडियम है फिर हम बात करें कि हमारे पास बेसिक मीडियम है तो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में अगर आप रंग देखेंगे तो इसका रंग जो होता है वो होता है रेड और बेसिस में जो माइल्ड बेस होते हैं वीक बेसिस होते हैं उसमें क्या हो जाता है डार्कर रेड हो जाता है डार्कर रेड और अगर स्ट्रोंग बेस होगा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीला पड़ जाएगा कैसा पड़ जाएगा पीला पड़ जाएगा समझ में आ रही है क्या बात डार्कर रेड इधर कैसा हो जाएगा रेड तो बीटरूट जो है नेचुरल इंडिकेटर है एसिडिक और न्यूट्रल में लाल हो जाता है और बेसिक में अगर माइल्ड बेसिक सब्सटेंस है तो बेसिकली क्या हो जाएगा डार्कर रेड और अगर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या हो जाएगा येल्लो यानी कि पीला पड़ जाएगा कैसा पड़ जाएगा पीला पड़ जाएगा तो अब आप इन तीनों चीजों को, को देखिए यहां पर बेकिंग सोडा क्या है एक माइल्ड बेस है तो इसके केस में रंग क्या हो जाएगा डार्कर रेड हो जाएगा रंग कैसा रंग हो जाएगा डार्कर रेड हो जाएगा ठीक है यहां पर मैंने मार्क करके भी रखा है देखिए बेकिंग सोडा में कैसा रंग हो जाएगा डार्क रेड डार्क रेड ठीक है डार्क रेड कलर हो जाएगा डार्क रेड ठीक है काफी ज्यादा स्ट्रोंग बेस यानी कि आपका ये क्या है स्ट्रांग बेस है एनएओएच ड्रेन क्लीनर नालियां जब ब्लॉक हो जाती है तो उनको खोलने के लिए एनियोवच का इस्तेमाल करते हैं कास्टिक सोडा ड्रेन क्लीनर बोलते हैं अब देखिए इसके केस में रंग कैसा है इसके केस में इसका जो रंग है है वो बेसिकली क्या है? पीला है स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में जो रंग होगा होगा वो पीला माइल्ड बेसिस के केस में डार्कर रेड होगा एसिडिक और न्यूट्रल इधर एसिडिक और न्यूट्रल वाले डोमेन में कैसा रंग होगा लाल रंग होगा कैसा रंग होगा लाल रंग होगा कैसा होगा लाल रंग होगा ठीक है रेड रेड कलर है ठीक है क्या बात तो सुनील भैया जूस क्या होता है लेमन जूस तुम्हारा क्या होता है अभी तुमको बताया था इसके अंदर बेसिकली क्या है सिट्रिक एसिड है साथ ही साथ इसके अंदर क्या है एस्कॉर्बिक एसिड है तो इसके अंदर जो रंग हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा रेड कलर हो जाएगा लिखते अभी सोडा वाटर सोडा वाटर किससे बनता है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है यही सोडा वाटर है और विनेगर तो आपको पता है क्या होता है एसिटिक एसिड की डाइल्यूटेड फॉर्म है।, है।, है ना तो ए बी और सी के अंदर तो क्या रंग हो जाएगा यहां पर ए बी और सी के अंदर तो ये हो जाएगा रेड और यहां पर हो जाएगा बेकिंग सोडा में डार्कर रेड तो अगर ये सवाल आ गया तो मेरे दोस्त आप इसका आंसर करके आएंगे इस चीज की गारंटी है और सवाल कुछ भी आ सकता है सीबीएसई इस बार एनालिटिकल स्किल्स के सवाल ज्यादा पूछ रहा है ठीक है तो बीटरूट एक नेचुरल इंडिकेटर है एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में लाल है बेस में अगर माइल्ड बेस है तो डार्कर रेड है स्ट्रोंग बेस है तो पीला है यह देखिए स्ट्रॉन्गर बेस में पीला है माइल्ड बेस में डार्क रेड है बाकी एसिडिक और न्यूट्रल में क्या है लाल 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 है रेड रेड रेड, रेड है ठीक है समझ में आ गई बात तो लेमन जूस एसिडिक है तो लाल सोडा वाटर यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दैट इज कार्बोनिक एसिड होता है लाल विनेगर अगेन आपका सी थ्री सी डब्लू का डाइल्यूटेड फॉर्म है डाइल्यूटेड सी एस थ्री सी डब्लू चाहिए तो इधर भी लाल समझ में आ गए समझ में आ गया चलो आ गया तो एक बार आए भैया लिख दो इजी टॉपिक था क्लियर हो गया आए भैया लिख दो फटाफट से राइट right, आए भैया इनटू द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी आए भैया इनटू द चैट बॉक्स फटाफट से जल्दी से फटाफट से अरे वो बेटा कुछ कह रहा है उसकी बात सुन लो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है वो सुनो ना सुनो नहीं कर रहा है बालक नहीं लगते यार तुम मेरे को कहीं से नहीं बालक होते तो समझदार होते अगले महीने पेपर है बातें नहीं कर रहे होते ये सुनो ना सुनो ना करने वाले आशिक होते हैं तो यहाँ आके क्या करना है आशिकी करके हैं इस चैनल में मत आओ जरूरत नहीं है दूसरे चैनल पे करो या पढ़ाई होती भैया आशिकी करने के लिए चैनल थोड़ी बनाया पीडब्ल्यू ने पढ़ाई करने के लिए बनाया टीचर पढ़ाने आता है ईमानदारी से तुम पढ़ाई करो आशिकी करने आ रहे हैं यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस गाना ही गाने लग गया बालक सुनो ना सुनो ना सुन लो ना हाँ तो तुम तो आगे भी गा दो हम सब मुझे लो ना है ना बेटा मम्मी पापा को बताओ बेटा मैं ऐसे जाके लिखता हूं बालक ही हो स्कैम तो नहीं कर रहे इतना कहां से समय और नेट आता है कहां से आता है इतना समय हमको तो नहीं मिलता है आज की लड़ा रहे हैं आशिक टू पॉइंट तो यही आ गए सारे चलो कंसेप्ट क्या है राजा बेटा अब देखो सवालों की मदद से कंसेप्ट को भी सॉल्व कराऊंगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड अब इसके बेसिस पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा अभी हमारे पोल महाराज कभी चलते ही नहीं है कभी चलते हैं इनका मन करता है तो चल जाते हैं देखो कोशिश करते चल जाए भाई तुम चलोगे कि मन है कि नहीं है नहीं है तो बता दो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लास्ट बार कर रहे हैं तुम पे विश्वास अगली बार लेंगे सीधा आंसर वहीं पे चलो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा क्या होगा <tap> क्या होगा क्या होगा क्या होगा देखो इसका ईगो हट कर दिया चलने लग गया क्या बात है तुम्हारा इगो हट हो गया क्या बुरा लगा तुमको इनको बुरा ही नहीं लगता इगो नहीं हट होता इनको पढ़ाई नहीं कर पाते तुम्हारा इगो हट हो गया मैं रोज तुम्हारा इगो हट करूंगा तुम रोज चलोगे क्या बात है ओपी आदमी हो गया तुम तो आज क्या बात है प्रबल अलोन देखो नाम रखा अलोन बॉय भाई।, भाई क्या करोगे करोगन ही रहो क्या दिक्कत है श्रीकांत प्रियशी दिग्विजय उड़ान मैच क्या बात है प्रियांशु नमन क्रिकेट आदित्यानंद एंड जेके शॉर्ट क्या बात है अलोन भाई तुम पढ़ाई अच्छी कर रहे हो इसकी हमें बड़ी बहुत खुशी है बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलना भी था चलो ठीक है हाँ और सुनील भाई ये कौन सी रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है सुनील भाई बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जब भी हमारा धातु यानी कि हमारा मेटल डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोला मैंने डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेटल का सॉल्ट बनाता है क्या बनाता है मेटल का सॉल्ट बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है इस रिएक्शन को कौन कौन से धातु देते हैं इस रिएक्शन को वही धातु देते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ऑफ एसिड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन एसिड ठीक है बेटा अगर आपके मेटल की रिएक्टिविटी एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तभी ये मेटल यहां के हाइड्रोजन को लात मारेगा और यहां पर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ये मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद भी कराई थी कोड़ी नाल कार, मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक है ना अब देखो कोड़ी नाल कार, मांगो अल्टो जिसको जिसको फिर लेकर हम तो ये है जिंक और ये है हाइड्रोजन जिंक का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्या करेगा हाइड्रोजन को यहां से भगा देगा और बनाएगा जिंक का क्लोराइड और साथ में बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस सुनील भैया है ये हाइड्रोजन है मोहित भैया क्लोरीन है सुंदर कन्या जो क्लास में डिस्प्लेसमेंट हुआ था याद करो है ना इंटेलिजेंट बच्चे साथ में बैठेंगे तो मोहित भैया इंटेलिजेंट नहीं है और राधिका नहीं सिमाइला थी सिमाइला इंटेलिजेंट है सुनील इंटेलिजेंट है डिस्प्लेस कर दिया अब ऐसा असली में करना नहीं है तो सिर्फ एनोलॉजी है याद करने के लिए ऐसा भेदभाव नहीं करता मैं हाँ ठीक है आ, तो यहां पे जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस ठीक है जी भैया तो किस प्रकार की रिएक्शन है राजा बेटा मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया तो ये तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था ये रिएक्शन का टाइप है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है कि मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सारी की सारी रिडॉक्स होती है एंड मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक एज वेल तो इसमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी निकलेगी क्या निकलेगी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी निकलेगी प्लस हीट आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये मेटल मेटल डिस्प्ले मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया मेटल मेटल नॉन डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ है साथ ही साथ एक्सोथर्मिक भी है यानी कि इसमें से काफी ज्यादा हीट रिलीज होगी रिडॉक्स रिएक्शन भी ये है अब हाइड्रोजन गैस के लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ बबल्स अलॉन्ग विथ फिजिंग एंड फोमिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एस एफरवे क्या बोलते हैं ठीक है देखो अब इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसे निकलती है बबूले बना के बबूले बनते ऐसी फिजिंग. फिजिंग की आवाज भी आती है बहुत ज्यादा तेज होगी तब आएगी फोर्मिंग का मतलब झाग बनना जो बहुत तेज रिएक्शन होगी तो फिजिंग भी होगी और साथ ही साथ foaming भी होगी एक अच्छा एग्जाम्पल तुमको बताता हूं जो तुम थोड़ा रिलेट कर पाओगे फिजिंग के लिए जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हैं अब यहां मैं नहीं जा रहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था हाई प्रेशर पे बंद की थी खोलने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आया सोलिबिलिटी घट गई है वो अभी उस पर नहीं बात कर रहे है। बेसिक लॉज और सॉलिबिलिटी इनमें मत जाओ मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना तुम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खोलते हो तुम क्या महसूस करते हो मेरे सामने बस इतना सोचो भैया मैं कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलता हूं आवाज आती है ऐसे आवाज आती है झाग बनता है उसी प्रकार से केमिकल रिएक्शंस में जब कोई गैस निकलती है इन फॉर्म ऑफ़ बबल्स यानी बबूले बना के निकलती है साथ ही साथ फिजिंग करती है और फोमिंग करती है यानी झाग बनाती है, तो इस टेक्निकल प्रोसेस को बोलते हैं एफरवे क्या बोलते हैं राजा बेटा एफरवे ठीक है जी अब हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अरे भैया ये दिखाओगे क्या कोशिश तो कर रहे थे कि यहां पर लेके आए लेकिन हम हाइड्रोजन का जो बलून बनाए काफी बड़ा बन रहा था फिर हमने उसको छोटा किया लेकर आने की कोशिश करी गाड़ी पर लेकर आ रहे थे फूट गया आज तुमको लाइव दिखाते बट कोई नहीं रिकॉर्डिंग तो है दिखा देंगे बहुत दिक्कत होता है बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है वही मैं कह रहा हूँ बैक एंड एफर्ट बहुत ज्यादा है ना चीजें क्लास दिखती है चार पांच घंटे की लेकिन उसका बैक एंड एफर्ट बेटा बहुत है है ना अब इसका वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं सभी को पता है जैसे ही आप मान लीजिए कि आप जिस भी टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को करवा रहे थे आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था आपने जिंक का ग्रेन्यूल डाला अब जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब का मुंडा है यहां पर अगर आप एक बर्निंग स्प्लिंटर को यानी जलती हुई माचिस की तीली लाइए लाइटर लाइए तो यहां पर आपको एक स्कू की पॉप आवाज आएगी ऐसे की पॉप की आवाज आएगी एक छोटा धमाका होगा ठीक है सो ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब और बीकर इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस अ एक छोटा एक्सप्लोजन आपको सुनाई देगा दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस विच इज बेसिकली अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस विच इज़ हाईली इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोर्ड वेन इग्नाइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एक डेटोनेटिंग मिक्सर बना लेती है धमाका करने वाला कैसा मिक्सर बना लेती है डेटोनेटिंग मिक्सर ठीक है तो जैसे ही आप यहां पर एक बर्निंग स्प्लिंटर लाएंगे माचिस की तीली लाएंगे या लाइटर लाएंगे एक धमाका हुआ ठम्ब धम। क्योंकि हाइड्रोजन गैस एयर में धमाका करती है कैसे भाई एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है एंड दिस इज नथिंग बट एन एक्सप्लोजिव मिक्सचर इससे डेटोनेटिंग मिक्सचर भी हम कहते हैं समझ में आ गई बात डेटोनेटिंग मिक्सचर भी हम कहते हैं तो ये काफी ज्यादा तेज धमाका करती है हाइड्रोजन गैस जो कि कलरलेस और ओडरलेस गैस है ना तो इसका कोई रंग है ना ही इसका कोई ओडर है जैसे ये गैस निकलेगी आपने जलती हुई माचिस की तीली पास में रखी लाइटर पास में रखा जोरदार एक धमाका होगा जिसे स्क्वीकी पॉप साउंड भी बोलते हैं एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में कि हाइड्रोजन जलती है लेकिन जलाती नहीं है हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट नॉट supporter ऑफ combustion. तो मान लीजिए अगर आपने माचिस की तीली अगर आप लेकर आए हैं तो जलती भी माचिस की तीली को क्या कर देगी बुझा देगी क्योंकि ये सपोर्टर ऑफ कंबस्टन नहीं है ये खुद जल जाएगी खुद तो जल जाएगी धमाका हो जाएगा जल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन माचिस की तीली को भुजा देगी सो हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टेबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस दिस इज कंबस्टिबल बट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबस तो बिना रंग के बिना स्मेल के एक ऐसी गैस है जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आएगी आपने इसको जलाने की कोशिश करी हाइड्रोजन गैस एयर के साथ रिएक्ट करके जोरदार एक धमाका करती है साथ में वाटर का निर्माण भी होता है इस छोटे से धमाके से कंफर्म होता है कि यहां पे जो गैस निकली हाइड्रोजन गैस है साथ ही साथ एक विजिबल ऑब्जर्वेशन ये होती है कि अगर आपका बर्निंग स्प्लिंटर छोटी सी माचिस की तीली या कोई लकड़ी है उसको बुझा देगी या कोई कैंडल है उसको बुझा देगी या कोई लाइटर है तो उसको भी बुझा देगी एंड दिस टेल्स अस कि वो कंबस्टिबल है, बट नॉट अपोर्टर ऑफ कंबस्टन अब मैं यहां पर क्या करता हूं मैं यहां पर क्या करता हूं मैं आपको बताऊं मैं यहां पर क्या करता हूं मैं आपको बताता हूं मैं आपको ये दिखाता हूं ध्यान से देखना समझ में आया क्या ओपी है क्या ओपी लगा क्या मजेदार है क्या धमाका कैसा लगा धमाका ओपी है क्या हाँ तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्टन बट नॉट कंबस्टिबल ऑक्सीजन जलती नहीं ऑक्सीजन जलाती है तुम्हें ऑक्सीजन की जैसा बनना है तुम्हें जलना नहीं है तुम्हें जलाना है अबे मैं वो आग लगाने वाला जलाना नहीं कह रहा हूं जेलसी वाला जलाना कह रहा हूं हां लगा भैया रिश्तेदारों को जला दिया अहिंसा है ना हिंसा नहीं करनी हिंसा नहीं करनी दोस्त डोंट बी वायलेंट जलना नहीं है किसी से जेलसी की भावना नहीं जलना नहीं जलाना है बढ़िया काम करो एकदम जलाओ मस्त क्या दिक्कत है ठीक है चलो अब देखो राजा बेटा अब देखो राजा बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-2024 हजार एक नंबर का सवाल राजा बेटा क्या है अब तुम कर लोगे नहीं कर लोगे मुझे बताओ इस सवाल को थोड़ा कंप्लीट करूंगा ऑन एडिंग डायल्यूट कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड सवाल सीबीएसई की तरफ से मिसिंग है मेरी गलती नहीं है सीबीएसई की तरफ से मिसिंग है व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड ये ऑफिशियल सैंपल पेपर में मिसिंग है ठीक है ना When a burning मेस्टिक is brought near it, which of the following correctly represents the metal X? अब इनमें से मेटल X कौन सा हो जाएगा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट सरल सा सरल, 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 सरल। इस साल के ऑफिशियल सैंपल पेपर 2023-2024 के ऑफिशियल सैंपल पेपर का एक नंबर का सवाल है अब मुझे डिसअपॉइंट तो तुम करना मत मुझे पता है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे तुम राजा बेटा हो करेक्ट <coughs> आंसर क्या होगा सुनील भैया ओ भाई साहब ओपी ओ भाई साहब ओपी क्या बात है गुड़िया दीपाली अनन्या ऑलराउंडर अफीफा सिमी पागल डी के एक्समिट भाई क्यों खुद को पागल ले हो अच्छा थोड़ी तो लगता है ऐसा काशवी सिंह बीना मयंक कुमार पाठक क्या बात है दोस्त बहुत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सिंपल देखो डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन हो रही है किसकी रिएक्शन हो रही है तुम्हारे दिमाग में सीधा सा यहां पे सिग्नल आना चाहिए डाइल्यूट एसिड और मेटल की रिएक्शन है यानी सुनील भैया मेटल जैसे ही डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है और अगर मेटल का रिएक्टिविटी एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्या बना देता है मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ये कब पॉसिबल है कब पॉसिबल है वेन वेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज right? ग्रेटर है, तो है सवाल में बात मेटल की हो रही है तो तुम सल्फर देखकर क्या बोलना चाह रहे हो कि नॉन मेटल भाई यह तो है ही नॉन मेटल और नॉन मेटल तो वैसे भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते चैप्टर थ्री में बताऊंगा तो यह तो नहीं हो सकता देखिए उसने बोला ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट कंटेनिंग अ मेटल अब ये तो क्लास नाइन्थ की बात है कि नॉन मेटल इसको बाहर निकालो अब ये दोनों मेटल है ये मेटल metal है मेटल्स बट रिएक्टिविटी लो देन हाइड्रोजन रिएक्टिविटी लेसर देन हाइड्रोजन कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो जिसको फिर लेकर हम हम चले मथुरा साथ घूमने प्रतीक तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर की रिएक्टिविटी दोनों ही हाइड्रोजन से कम है तो ये तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे ये भी गलत हो गया बचा सोडियम सोडियम इज द करेक्ट आंसर क्या दिक्कत है अब यही सेम एनसीआरटी एक्टिविटी में जिंक वाली रिएक्शन दे रखी है जिंक वाली रिएक्शन दे रखी है जेडन प्लस एस टू एसओ फोर विल गिव जेड एन एसओ फोर प्लस एस टू हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड है ना जैसी जल्दी क्लोजर लाओगे तो इसकी की पॉप साउंड से बर्न करेगा क्लियर है बात उन्होंने क्या कर रखा गैस को भाई सोप सोलूशन में डाला है अरे सोप सोल्यूशन में डालने से क्या वो बबूले बनने लगेंगे साबुन के बबूले बनेंगे उन बबूलों के अंदर क्या होगी हाइड्रोजन गैस होगी माची तिली ले जाओ जल जाएगा ठीक है हा कुछ कुछ केसेस में मैं आपको बताता हूं जैसे ये हाइड्रोजन गैस निकलती है ना तो इसको कहां पर डाला जाता है लिख देता हूं इंटू सोप सोल्यूशन डालते हैं अब सोप सोल्यूशन में जैसे ही आप डालोगे तो आपके यहां पर जो बनेंगे साबुन के बबूले बनने लगेंगे ना सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन क्या करते हैं इस पर्टिकुलर सेटअप में डिलीवरी ट्यूब को सोप सोल्यूशन में डाल देते हैं तो अब जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी सीधा साबुन के सोल्यूशन में जाएगी तो बबूले बनाएगी ना तो उन बबूलों के अंदर क्या होगा सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस होगा तो जैसे ही आप इन बबल्स के पास में अगर जलती भी माचिस की तीली लेकर जाएंगे तो एक जोरदार धमाका हो जाएगा दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस ठीक है इस तरीके से भी सवाल आ सकता है चलो नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और बाय कार्बोनेट विद डाइल्यूट एसिड जल्दी से मुझे जल्दी से इसका आंसर देंगे फटाफट से वेन वी पुट एग इनसाइड साइड अ बीकर कंटेनिंग विनेगर दे आर बबल्स ऑफ गैस एक्स द गैस एक्स अब मैं दो चैप्टर को लिंक कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन इक्वेश और दूसरा एसिड बेसिस सॉल्ट क्योंकि सीबीएसई भी ऐसे ही सवाल पूछ रहा है ठीक है जल्दी फटाफट से क्या बात है क्या बात है ओपी बालक है अपने ओपी बालक है क्या बात है क्या बात है, क्या बात है? क्या बात है क्या बात है ओपी बहुत बढ़िया बहुत सही बहुत सही बहुत सही तो कौन सी गैस निकलेगी गैस का नाम क्या होगा गैस का नाम होगा सीओ टू क्या बात है अनुराधा शिवम संवेद्या मुखिर आदित्य एसआर गेमिंग दिव्यांश दिव्यांशु कन्हैया सिंह अच्छा ठीक है आ जाओ दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसका करेक्ट आंसर है अब कैसे हुआ क्या हुआ क्या वो मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले मेरे राजा बेटा मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना रॉ एग तो अंडा जो होता है अंडा उसका शेल किससे बना होता है सुनील भैया एग शेल किससे बना होता है फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने एक्शेल किससे बना होता है एक्शेल बना होता है सीओ थ्री से किससे बना होता है सीओ थ्री से कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे के शेल या खोखे खोल जो बाहर वाला है वो बना होता है क्या बात है आगे अब जैसे ही मेरे राजा बेटा मेटल का, का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका रॉ से कैल्शियम कार्बोनेट बीकर कंटेनिंग विनेगर विनेगर का फॉर्मूला होता है सीएस थ्री सी डब्लू एच डायल्यूटेड फॉर्म है एसेटिकॉर्म ऑफ एसे रियक्ट करेगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा बेटा यह कैल्शियम का कटायन है आप कहेंगे हाँ. ये कार्बोनेट का अनायन है आप कहेंगे हाँ. CS3COO, ये का अनायन है पढ़ा चुका हूं काफी बार और यह बेसिकली आपका कटायन है कटायन अनायन अनायन कटायन चेंज कर दो एक्सचेंज कर दो कटायन सनायन को एक्सचेंज करो ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा और ये कटायन इस अनायन के साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा अब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैल्शियम को पहले लिखा एसिटेट को बाद में लिखा या एसिटेट को पहले लिखा कैल्शियम को बाद में लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर भी ऐसे कर सकते हो एच पहले लिखो एसिटेट को बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या बनाएगा देखिए ये कटाइन और ये अनायन ये बनाएगा कैल्शियम एसिटेट क्या बनाएगा कैल्शियम एसिटेट ठीक है जी भैया अच्छा इसके साथ यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे निकला सोचना देखो ये अनायन और ये कटायन है सुनील भैया हाइड्रोजन यहां से और कार्बोनेट यहां से तो बनता क्या है एक्चुअली में यहां पर यहां पर एक्चुअली में बनता है एच टू सीओ थ्री बनता है बेटा कटायन सनाइंस का एक्सचेंज हो रहा है यह कटायन ये अनायन मिलकर के बनाएगा कैल्शियम एसिटेट लेकिन यह हाइड्रोजन कटायन और यह कार्बोनेट का बनाएगा एच टू सीओ थ्री ये एच टू सीओ थ्री आपका टूटता है एच टू और सीओ टू में यह समझना पड़ेगा आपको इस रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं पहला कटायन सनाइंस का एक्सचेंज हुआ तो कैल्शियम एसिडेट और कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एसिड टूट के वॉटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है समझ में आ गई बात जी भिया सुनील भैया किस प्रकार की रिएक्शन है मेरे राजा बेटा किस प्रकार की रिएक्शन है आपको टाइप बताते हैं आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नजर आ रही है सुनील भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है नजर आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट का एक प्रकार होता है जिसका नाम होता है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के तीन प्रकार होते हैं एक प्रकार होता है प्रसिपिटेशन दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन तीसरा होता है गैस फॉर्मिंग देखिए कटायन कटायंस का एक्सचेंज हुआ सॉल्ट के साथ कार्बोनिक एसिड बना कार्बोनिक एसिड टूटा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एक गैस का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है हाँ, क्या यहां पे कोई भी रिएक्टेंट स्टेट में था नहीं था एक गैस का निर्माण हो रहा है आप कहोगे हाँ हो रहा है तो मेरे राजा बेटा फिर क्या दिक्कत है फिर क्या दिक्कत है डबल डिस्प्लेसमेंट गैस फॉर्मिंग रिएक्शन हो गई ना क्या प्रॉब्लम है फिर कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिंग एंड एंड फोमिंग दिस प्रोसेस एफरवेसेंस यहां पर जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो फिजिंग होगा यानी आवाज आएगी निकल रही है फोमिंग मतलब जाग बनेगा और गैस बबल्स के फॉर्मेट में निकलेगी बबूलों के फॉर्मेट में निकलेगी इस प्रोसेस को केमिस्ट्री की भाषा में एफर्विसेंस कहते हैं यह प्रोसेस अगर काफी ज्यादा तेज होता है तो इसे ब्रिस्क एफर्विसेंस कहते हैं कभी-कभी यह प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो सकता है तो इसे बोलते हैं ब्रिस्क एफर्विसेंस मतलब बहुत तेज हो रहा है ठीक है क्लियर है बात जीविया चलो नाउ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस काफी बार पढ़ा चुका हूं आपको पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है या लाइम वाटर को क्या कर देती है टर्बिड कर देती है दूधिया कर देती है या धुंधला कर देती है क्यों 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 देखिए ये आपके पास है लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है है ना ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जी भैया जैसे ही ये इससे इंटरेक्ट करती है तो यहां पर ये क्या बनाती है ये एक बेसिकली वाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड बनाती है वाइट इंसॉल्यूबल सॉलिड बनाती है ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं एंड साथ ही साथ पानी बनाती है ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर में आप पास कर दीजिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और आपको यह वेरीफाई करना है कि निकल रही है तो यहां से इस पर्टिकुलर सेटअप में से जो डिलीवरी ट्यूब है जहां से वो निकल रही है आप एक डिलीवरी ट्यूब को फिट कीजिए और उसको डाल दीजिए कहां पर उसको डाल दीजिए दूसरी टेस्ट ट्यूब में जहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है मैंने एक्सपेरिमेंटली भी दिखाया है जाकर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में देखना तो ये क्या कर देगी इसको इसके साथ रिएक्ट करके एक व्हाइट इंसॉलिबल सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगी जिस वजह से सोल्यूशन मिल्की या फिर टर्बेड हो जाएगा साथ ही साथ अगर आपने इसी रिएक्शन को काफी ज्यादा देर तक करा या फिर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास कराई है ना या तो आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप इस प्रोसेस को कर रहे हो कौन से ड्यूरेशन तक लॉन्गर ड्यूरेशन तक आप कर रहे हो ये तो क्या हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो गया कि भाई आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली और लाइम वाटर आपका मिल्की या फिर टर्बिड हो गया धुंधला होने लग जाएगा जस्ट बिकॉज इसका फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल रही है तो आपको ये वेरीफाई करना निकल रही है तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्विट डाल दीजिए ये सोल्यूशन यहां पर धुंधला होने लगेगा या फिर मिल्की टर्बिड धूदिया या फिर धुंधला होने लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को काफी ज्यादा देर तक पास करें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बोल सकते हैं काफी ज्यादा देर तक आप CO2 को पास करवाएं तो फिर बात बदल जाएगी अब बात बदल जाएगी अब यहां पर ये यह जो कैल्शियम कार्बोनेट आपका इनसॉल्युबल है वाटर आपके पास था यहां पर ये यह। आपने एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो ये क्या बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा क्या बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट मेरी बात समझ में आ रही है क्या भैया इससे कभी कोई सवाल भी आता है क्या कैसी बातें कर रहे हो इससे कभी कोई सवाल थोड़ी आएगा अच्छा इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं ठीक है तो जब आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को <laughs> आजकल ऐसा तो हो रहा है मैं बिलोंग कल बोल रहा था तो जी गायब तो हो गया मुझसे तो बिलोन हो गया बिलॉन बिलोंग हर लास्ट वर्ड उड़ा दे रहा हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हम लाइंग वाटर से पास करेंगे तो ये वाइट इनसॉल्यूबल सॉलिड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा अगर इसी में ही एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दें यानी कि हम बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सप्लाई कर रहे हैं तो यह क्या करेगा सीए सीओ थ्री प्लस एस टू प्लस सीओ टू विल गिव सी एच सीओ थ्री कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाय कार्बोनेट का निर्माण करेगा है ना आजकल ये हो रहा है मैं कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहा हूं जल्दी जल्दी में अब जैसे मान लीजिए सुनील बोला सुननी आगरी का वर्ड ही उड़ा दे रहा हूं या गैस बोलना तो जल्दी तो गैस गैस बोल रहा हूं गैस गैश चलो तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ठीक है समझ में आ गई बात जी भैया अब देखिए सीबीएसई 2016 में पूछा गया सवाल भैया इस इसमें सवाल थोड़ी आता है ये देखो सवाल थोड़ी आता है वॉट इज ऑब्जर्व वेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वॉटर फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन

ठीक है तो यही चीज आपको लिखनी है यहां पर कि यह अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करेंगे तो टर्न्स द लाइन वॉटर मिल्कि या फिर आप कह सकते हैं टर्बिट किस वजह से इसकी वजह से और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए करेंगे तो कलरलेस सोल्यूशन इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रही रिएक्शन ये पूरा आप लिखकर आ जाएंगे तो गेम हो जाएगा ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट जल्दी से देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद बेस अब ब्लैक मेटल ऑक्साइड एक्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए मैं आपको जानबूझ के एमसीक्यू के फॉर्मेट में करा रहा हूं सवाल क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू इस चैप्टर से ज्यादा आने वाले हैं ठीक है इसी वजह से अब ब्लैक मेटल ऑक्साइड एक्स रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अनादर कंपाउंड वाई दैट टर्न्स द कलर ऑफ द सोल्यूशन टू ब्लू ग्रीन आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन ठीक है चलो क्या बात ब्लैक मेटल ऑक्साइड रियक्ट विद डायलूट हाइड्रोक्ड टू फॉर्मरफन टू ब्लू ग्रीन आईडेंटी क्या बात है सौ परसेंट बच्चों ने सही आंसर दे दिया प्रत्युष्ट उत्कर्ष प्राज्ञान अनुष्का हितेन अमन एफिलियट मार्केटिंग मत करा करो भाई मिस्टर दिनेश साहू कुमार प्रकाश झा सुदीक्षा सिंह एंड रिजी पढ़ाई कर लो अमन भाई उम्र है अभी अपनी तो पढ़ाई करने की उम्र है कहा एफिलेट मार्केटिंग में जा रहे हो आप कर लेना बड़े हो जाओ जब अभी तो बालक हो पढ़ाई वढ़ाई करो यार भाई इधर देखो सबसे पहले क्या बोला काला मेटल ऑक्साइड एक्स ऑप्शन <coughs> में क्या दिया लेड ऑक्साइड पीला होता है भाग कॉपर अब ये क्या है कॉपर वन ऑक्साइड है क्योंकि यहां पे वैलेंसी कॉपर की जो है वो वन है तो इसे कॉपर वन ऑक्साइड बोलते हैं या क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं ये लाल होता है ये कॉपर टू ऑक्साइड है यहां पे कॉपर की वैलेंसी दो है यहां पे कॉपर की वैलेंसी एक है यहां पर दो है तो है, ये क्यूपरिक ऑक्साइड है यह काला होता है और यह है कैल्शियम ऑक्साइड यह बेसिकली आपका कैसा होता है व्हाइट कलर का होता है सीधा आंसर सी मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि ये काला है आंसर आ गया मेरा तो काम खत्म ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, नहीं पर चलो आगे चलेंगे अब अगर ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड वाई का निर्माण करता है जिसका जो रंग है ब्लू ग्रीन कलर का है रंग याद रखना ये एनसीआर एक्टिविटी के अंदर दे रखा है रंग बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल काफी ज्यादा आ रहे हैं एनसीआरटी एक्टिविटी और उससे रिलेटेड केमिकल इक्वेशन से तो कैसी रिएक्शन है अब मेरे दोस्त आप थोड़ी ध्यान से मेरी बात को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉपर ऑक्साइड मैंने यहां पर लिया देखिए ये मेटल का ऑक्साइड है कॉपर का ये पार्ट हो गया कटायन और ये पार्ट हो गया ऑक्साइड वाला अनायन एसिड कौन सा यूज किया तुमने भाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज किया तो ये मान लीजिए इसका कटायन है और ये मान लीजिए इसका अनायन है अब राजा बेटा फटाफट से कटायन अनायन एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बनाइए कॉपर और क्लोरीन कॉपर क्लोराइड और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे पानी बना देंगे देखिए कॉपर क्लोरीन कॉपर क्लोराइड हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे पानी ठीक है जी अब इसका जो कलर है वो कैसा है ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन है ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन बनता है और ये कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है काला होता है अब ये मत कहना भैया भेदभाव कर रहे हो अरे वो सही में काला है भाई मैं क्या करूं वो सही में काला है ठीक है अब आपके दिमाग में अगर टाइप ऑफ रिएक्शन तो मेरे राजा बेटाओं को पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम तो सुनील भैया के बालक है हमको तो आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे प्यारे प्यारे बड़े भैया ने हमें बताई थी यह बात क्या बात है अब डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन सा टाइप क्या कोई इंसॉल्यूबल सॉलिड बन रहा है नहीं तो प्रेसिपिटेशन हटाओ क्या कोई गैस का निर्माण हो रहा है नहीं तो उसको भी हटाओ तो बचा न्यूट्रलाइजेशन भैया न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है क्या अब देखो राजा बेटा ये एसिड है मैंने आपको बताया था मेटल के ऑक्साइड हाइड्रो एंड अमोनियम हाइड्रो एक्ट करते हैं सारे मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक नहीं है कुछ एम्फोटेरिक भी होंगे चैप्टर में बात करेंगे तो कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है तो ये मेटल का ऑक्साइड मुझे बेस लग रहा है ये मुझे एसिड लग रहा है सॉल्ट प्लस पानी बना रहा है खत्म सी बात है कि आंसर क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी क्या बात है मजा आ गया जीवन एकदम ओपी लग रहा है जीवन यही है बस एसिड प्लस बेसल सॉल्ट प्लस वॉटर आंसर आ गया जीविया आ गया तो यही बात यहां पर अपन ने लिखी है कि कुछ मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं सम लिखा है मेरे दोस्त सारे नहीं लिखा कुछ मेटल के ऑक्साइड मेटल का हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है

कटायन और यह अनायन क्या बनाएगा यह बनाएगा सी एस सी एल टू प्लस राजा बेटा क्या बनाएगा एच देखो बैलेंस बैलेंस खेल लेते हैं भैया दो है पे क्लोरीन पर एक है तो यहां दो लगा दिए दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक कैल्शियम एक कैल्शियम एक कैल्शियम एक कैल्शियम दो क्लोरीन दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस्ड है राजा बेटा कौन से कलर का सॉलिड यह हो जाएगा बेटा अपना एक्वस ये हो जाएगा बेटा अपना एक्वस और ये हो जाएगा बेटा अपना पानी क्या बात है पीते हम पानी के लिए तुमको बोरिंग ना फील हो मस्ती मजाक होते रहना चाहिए ठीक है बेटा चलो क्लियर है बात जी भैया ओ हो भारी भारी कंसेप्ट आ गए भारी भारी कंसेप्ट आने लगे अब तो भैया भारी बारी, -बारी कंसेप्ट आने लगे भैया बारी बारी कंसेप्ट आने लगे बेटा एसिड रिलीजिस एच प्लस आयन बट डू हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हा या ना क्या एच प्लस आयन जो एसिड रिलीज करते हैं उनका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है क्या क्या एच प्लस आयन कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है हाँ या ना हाँ या ना तो ऑब्वियसली नहीं है लेकिन ये H प्लस आयन रिलीज का करते हैं आप वो समझिएगा सास्वती एन गुप्ता सनातनी उत्कर्ष ब्लेज एफएक्स श्रीजन शौर्य 44 पीसफुल 2505 मास्टर गेमर अनुश्री बीस्ट समर्थ एंड फ्लैश गेमर क्या बात है दोस्तों मेरे भाइयों और बहनों बहुत बढ़िया यार बहुत मजेदार यार एसिड रिलीजेस एच प्लस बट

एक्स यहां पे कुछ भी हो सकता है कुछ भी ठीक है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये एसिड जैसे ही मेरे दोस्त पानी के अंदर आते हैं ठीक है अब पानी में आने के बाद ये टूटता है एसिड टूटता है तो ये H प्लस देगा और ये एक्स वन माइनस देगा लेकिन ये H प्लस अकेला जिंदा नहीं रह सकता तो ये क्या करता है फटाफट से कूद के पानी पे अटैच हो जाता है ये जो एच प्लस निकलता है भाई एच एसिड एच एक्स है पानी में जैसे डिजोल्व हुआ तो इसका जो ये एच प्लस आयन निकलेगा क्या वो अकेला जिंदा रह पाएगा नहीं रह पाएगा वो पानी के ऊपर अटैच हो जाता है और बनाता है एच थ्री ओ प्लस इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यहां पे, इसीलिए नहीं बता रहा हूं ठीक है अब ये तो इस पर अटैच हो गया बचा क्या एक्स वन माइनस ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल मैंने लिया ठीक है अब इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं और मान लो कि मेरा जो एसिड था एच एक्स यानी कि एक्वस भी बोल सकता हूं पानी में डिजोल्व इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो एसिड है पानी के अंदर डिजोल्व है यानी एक्वस तो ये डिसोसिएट कैसे होगा ये होगा एच प्लस एक्वस प्लस एक्स माइनस एक्वस तो ये H3O थ्रीओ और H plus क्या है एक दूसरे के सिनोनिमसली आप यूज कर सकते हैं ध्यान से देखना H प्लस एक्वस और H3O plus. इसका मतलब ये है कि यहां पर H प्लस एक्वस का मतलब ये है कि H plus जो यहां से एसिड से निकला है वो वॉटर के साथ अटैच हो चुका है ठीक है या फिर आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो o+, तो आर, आर तो ठीक है अगर मैंने बोला और एक्स माइनस निकला एच प्लस निकल के इस पानी पे अटैच होकर क्या बना देगा एच थ्री ओ प्लस बना देगा और एक्स माइनस यहां आ जाएगा अब इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर ये एच एक्स एक्वस है बनी कि ये पानी के अंदर डिजोल्व है तो आप इसको H प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस भी लिख सकते हो ये दोनों सिनोनिमस हैं इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ऊपर लिखकर दिखाता हूं आपको मेरी बात रिलेटेबल लगने लगेगी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये आपको लिख के दिखाता हूं तो यहां पर अगर मैंने लिखा एच प्लस एच तो ये क्या दे देगा ये पानी के अंदर डिसोसिएट होगा तो एच और सी एच प्लस इससे अटैच हो जाएगा तो क्या बना लेगा एच थ्री ओ प्लस बना लेगा साथ सी एल वन माइनस बना लेगा इसी बात को दूसरी बातों में अगर लिखना चाहूं तो एच सी एल एक्व लिखना चाहूं, Aqueous मतलब पानी में डिजोल्व है तो ये दे देगा एच प्लस एक्वस साथ ही साथ दे देगा सीएल माइनस एक्वस अब मैं जितना टोन डाउन करके आपको बता सकता हूं उतना टोन डाउन करके बता रहा हूं एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए अगर आपके पास है एच एन ओ थ्री प्लस है आपके पास एच टू ओ ठीक है तो ये बेसिकली हाइड्रोजन इस पर अटैच हो जाएगा तो ये हो जाएगा एच थ्री ओ प्लस प्लस नाइट्रेट निकलेगा तो हो जाएगा एनओ थ्री वन माइनस और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एच एन ओ थ्री एक्वस विल गिव एच प्लस एक्वस प्लस एनओ थ्री वन माइनस एक्वस ठीक ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको तो दीज आर द वेज टू राइट द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनटू वाटर लेकिन सुनील भाई पॉइंट हमारे सवाल का आंसर अभी तक नहीं हुआ कि ये जब एसिड है ये बेसिकली H+ में क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता मतलब जब एसिड पानी में टूट रहा है भाई ये जब पानी में टूट रहा है तो H+ अकेला क्यों नहीं जिंदा रह सकता जैसे X- जिंदा रह रहा है तो H+ क्यों जिंदा नहीं रह सकता मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अरे यार ये जो एच एक्स एसिड है पानी में जाकर टूट रहा है एच प्लस और एक्स वन माइनस तो ये एच प्लस तो फटाफट अटैच हो जा रहा है इसके साथ एक्स वन माइनस अकेला घूम रहा है तो जब ये नहीं हो रहा तो ये क्यों अटैच हो रहा है तू क्यों अटैच हो रहा है इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिखा मैंने एच प्लस एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच ओ प्लस लेकिन ये अटैच क्यों हो रहा है अरे सुनील भैया अटैच क्यों हो रहा है कोई बता सकता है क्यों अटैच हो रहा है कोई बता सकता है आप में से क्यों अटैच हो रहा है एच प्लस को एनालाइज किया कभी आपने अगर ये सिर्फ मैं एच प्लस की बात करूं ओनली एच प्लस ओनली एच प्लस की मैं बात करता हूं होता क्या है एच प्लस होता क्या है एच प्लस अगर मैं आपसे पूछता हूं एच प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एच प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो वैसे भी हाइड्रोजन में जीरो न्यूट्रॉन है अगर हम प्रोटियम की बात कर रहे हैं जो आइसोटोप है सबसे कॉमन आइसोटोप न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है इसको ऐसे लिख के दिखा देता हूं जो न्यूट्रल हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का एटम और H प्लस में क्या अंतर है ध्यान से देखो इसमें कितना प्रोटॉन है एक एक इलेक्ट्रॉन जीरो न्यूट्रॉन अब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर जाए तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज बचेगा इसी वजह से आप समझ रहे होनेट्रॉन बने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जीरो इलेक्ट्रॉन तो भी चला गया तो यहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा इसीलिए क्या आया वन प्लस का चार्ज ऊपर आ गया ना भाई अब एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन है जीरो तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस हो जाएगा अब ये एक्चुअली में क्या है ये एक्चुअली में है क्या ये अकेला क्यों नहीं रह सकता ये एक्चुअली में है क्या प्लस अरे सिर्फ एक प्रोटॉन है कैसे अकेला जिंदा रहेगा इलेक्ट्रॉन है नहीं नहीं इसके पास इट इज जस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज एक्सट्रीमली स्मॉल साइज सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है एक प्रोटॉन है ऑल्सो कॉल्ड प्रोटॉन इसको सिर्फ लोग प्रोटॉन भी कह देते हैं तो ये क्या है ये सिर्फ एक बेयर पॉजिटिव चार्ज बचा है ना सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है साइज इतना छोटा अनस्टेबल हो जाता है काफी ज्यादा अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव है फटाफट से क्या कर देता है अटैच विद एच पानी के साथ अटैच होकर एच बनाता है फटाफट से पानी के साथ अटैच होता है और एच बना लेता है ये आपको समझना पड़ेगा ठीक है क्लियर है बात एंड ऑल द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड आर बिकॉज ऑफ दिस की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलती है या महसूस करने के लिए मिलती है आपकी एसिड्स की प्रॉपर्टी इसी वजह से है भाई अब ये आपका बन चुका है तो जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो इसी की वजह से है जो आपको महसूस हो रही है ठीक है समझ में आ गया जी भैया ठीक है वीडियो के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स में आपको बता दूंगा उनको कर लेना ठीक है सुनील भैया पानी नहीं होता तो क्या एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा सुनील भैया पानी नहीं होगा तो क्या एसिड अपनी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा किसी फालतू की बातें कर रहे हो अगर पानी नहीं होगा तो एसिड ये नहीं एसिड किधर बिहेव नहीं करेगा नहीं करेगा अगर पानी नहीं होगा तो एसिड एसिड की तरह बिहेवी नहीं करेगा तुम प्रूव करके देख लो मैं तुमको दिखाता हूं ध्यान से देखो मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जहां पर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है यहां पे और दूसरी बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपके पास यहां पर क्या है सोडियम क्लोराइड है यहां पे सोडियम क्लोराइड है और यहां से आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाल रहे हैं तो ये रिएक्शन आपकी एनसीआरटी में लिखी हुई है अब इसकी दो कंडीशन होती है दो कंडीशन होती है दोनों में आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये आईसीएससी वाले बच्चों को हम पढ़ाते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये जो रिएक्शन लिखी है ये बिलो 200 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन है ठीक है अब एक इसमें अब 200 डिग्री सेल्सियस पे भी एक रिएक्शन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो सोडियम क्लोराइड और एच की रिएक्शन है ये अगर आपके पास है सोडियम क्लोराइड और ये अगर आपने यहां पे डाला H2SO4 इन दोनों की रिएक्शन अगर हो रही है तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा देखिए ये आपके पास कटायन है ये आपके पास अनायन है ये आपके पास कटायन है ये आपके पास अनायन है ठीक है अब एक कंडीशन में तो ये हो सकता है कि H2SO4 के दोनों H+ यहां पर ये दोनों के दोनों ही H+ दे दे और उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये होता है जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो एक तो यह है और एक ये होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 साथ ही साथ क्या बनेगा एच Na और SO4 एसओ फोर एन ए टू एसओ फोर साथ ही साथ बन गया एच सी एल ठीक है अब यहां पे दो सोडियम है तो यहां पे दो सोडियम लगा दीजिए दो क्लोरीन है तो यहां पे दो लगा दीजिए दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई दो एन ए दो एन ए एक सल्फेट एक सल्फेट दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो क्लोरीन बैलेंस है ये आपके पास क्या हो गया ये आपके पास सॉलिड हो गया ये आपके पास हो गया कंसंट्रेटेड ये अगेन आपके पास हो गया एक्वस और ये आपके पास हो गई गैस ठीक है क्लियर है बात तो सुनील भाई इसकी दो कंडीशन है दोनों कंडीशन आपने बता दी क्या बिल्कुल बता दी एक तो जब तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से कम है है ना और एक जब आपका तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है समझ में आ रही है क्या बात बिलो 200 डिग्री सेल्सियस अबव 200 डिग्री सेल्सियस दोनों बता दिया मैंने अब यह भी बन सकता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जब 200 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम है और सोडियम सल्फेट बनता है जब तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो ठीक क्लियर है बात जी अब यहां पर हम यह कहते हैं कि भाई एक ही H204 से एक ही हमारा हाइड्रोजन निकला इसलिए बना और पर दोनों के दोनों दो निकल के दो 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 समझने का तो मैंने आपको बता दिया कि यहां पर आपको रिएक्शन को समझना कैसे है ठीक है कौन सी रिएक्शन है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का जो टाइप होता है गैस फॉर्मिंग वो है क्या प्रकार है ये ये आपका प्रकार कौन सा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका कौन सा प्रकार है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन कि सुनील भाई कटायन सनायंस का एक्सचेंज हो रहा है और कटायन सनायंस एक्सचेंज के बाद एक गैस का निर्माण हो रहा है इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप गैस फॉर्मिंग रिएक्शन तो हुआ क्या एक टेस्ट ट्यूब में आपने सोडियम क्लोराइड ले रखा था ऊपर से कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला बिलो 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे Na2SO4 बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दोनों ही केसेस में यहां पर निकलती है ठीक है है ये निकल गई हाँ। अब आपको क्या करना यहां पर जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है तो आपको सूखा लिटमस पेपर लेकर आना है इन एच तो आप देखेंगे देर इज नो चेंज इन कलर आपको सूखा लिटमस पेपर लेकर आना है यहां से आपके पास एक गैस आ रही है जो पहले से ही सूखी है और नहीं है तो कैसे सुखाना इसको वो मैं बताऊंगा और फिर आप यहां से क्या लेके आए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेके आए जैसे ये लिटमस पेपर है ना आपके पास ये तो बिल्कुल सूखा लिटमस पेपर ऐसे अपन ने सूखा लिटमस पेपर अपन को लेके आना है सूखा और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को जैसे ही हम यहां पर लेकर आए तो हम यहां क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं आ रहा इसका मतलब एच गैस लिटमस पेपर के प्रेजेंस पे कोई रंग में परिवर्तन नहीं दे रही है जब पेपर सूखा है यही अगर मैं गीला लिटमस पेपर ले आऊं तो गीले का मतलब क्या है कि इसको मैंने क्या कर दिया है इसको मैंने पानी में डुबा दिया है कैसा कर दिया है इसको मैंने पानी में डुबा दिया अब ये गीला बन गया अब जैसे ही गीला लिटमस पेपर लेकर आया तो ये यहां पर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा लाल लाल हो जाएगा टर्नस रेड In the gas. तो इससे क्या पता लगता है कि एसिड्स अपना चरित्र कहा वॉटर एज सोलवेंट कहा प्रोड्यूस करते हैं ये इन आय को अरे पानी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं ना अभी तो बताया था ये देखो एच प्लस एक्वस आयन पे प्रोड्यूस होता है भाई जब पानी में डिसोसिएट होगा तो यहां पर अगर पानी नहीं होगा तो डिसोसिएशन नहीं होगा तो एच प्लस एसिड टूटा टूटने के बाद एच थ्रीओ प्लस या एच प्लस एक्वस बना इसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर है तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए पानी की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो देखो दोनों गैस भी सूखी ये भी सूखा तो कुछ नहीं हुआ लेकिन गैस भी सूखी ये गीला तो यहां पर गीले को मिल गया पानी है ना यहां पर एच गैस को क्या मिल गया मॉइस्ट का मतलब क्या हुआ अरे गीला है ना भाई इसका पानी मिल गया गैस को तो उसने एच प्लस एक्वस या एच थ्रीओ प्लस का निर्माण कर दिया लाल हो जाएगा समझ में आई क्या बात समझ में आ गई बात क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर चलो एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन है जब आप इसको कर रहे होंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन ड्यूरिंग द ह्यूमिड क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब है कि जिस माहौल में नमी है यानी एटमॉस्फेयर में आपका मॉइस्चर है तो इसमें क्या करना पड़ेगा देखिए आपको कंडीशन को बिल्कुल परफेक्ट रखना है मान लीजिए आप यहां पर क्या लेके आए आप यहां पे सूखा लिटमस पेपर लेके आ गए थे मान लीजिए एक बच्चा यहां पे सूखा लिटमस पेपर लेकर खड़ा है लेकिन गैस जो है एयर में प्रेजेंट नमी से पहले ही गीली होकर आ रही है तो इसके रंग को चेंज कर देगी आप कहोगे अरे एसिड्स को पानी की क्या जरूरत है अब तुम्हें पता नहीं है ना कि गैस यहां पर पहले ही गीली होकर आई थी गैस को जैसे ही पानी मिल गया वाटर मिल गया वाटर में क्या करेगी डिसोसिएट हो जाएगी डिसोसिएट होकर एच प्लस एक्वस दे देगी एच प्लस एक्वस की वजह से कैरेक्टर ये लाल पड़ जाएगा तो तुम क्या कहोगे कि यहां पर ये तो बिना पानी के ही रंग बदल रही है लेकिन रियलिटी में क्या है हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट नमी इसको मिल जा रही है समझ रहे हो तो ड्यूरिंग द ह्यूमिड क्लाइमेट अगर हवा में नमी ज्यादा है तो आपको ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सबसे पहले पास करना पड़ेगा कहां से गार्ड ट्यूब से गार्ड ट्यूब को हम बोलते हैं ड्राइंग ट्यूब मतलब कहीं वो गीली ना हो जाए इसको एंश्योर करने के लिए हम इसको पहले सुखाएंगे और फिर हम अपने एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे तो यहां पर ये कुछ ऐसी गार्ड ट्यूब है जिसमें एक सब्सटेंस हमने ले रखा है इसके अंदर क्या है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है व्हिच अब्सॉर्ब्स द मॉइस्चर एंड मेक्स द गैस ड्राई तो यहां से अगर मान लीजिए आपके पास गीली एचसीएल आती है मॉइस्ट एचसीएल आ गई फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा था मॉइस्ट एचसीएल आ गई तो यहां से ये क्या कर देगा ड्राई इसको बना देगा क्या बना देगा ड्राई एचसीएल बना देगा समझ रहे हो क्या मॉइस्ट एचसीएल आ गई तो इसको ड्राई करके बना देगा ताकि आपके एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट आए गैस भी सूखी लिटमस पेपर भी सूखा ठीक है तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को हम क्या केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं डेसिकेंट बोलते हैं या फिर सरल भाषा में इसको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट सुखाने वाला ठीक है क्या बोलते हैं सुखाने वाला ये बेसिकली क्या है सुखाने वाला ठीक है इसका काम है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना और गैस को सुखाना अब इसमें भी काफी सारे प्रकार होते हैं अब जैसे अगर मान लीजिए एनएच थ्री गैस को सुखाना है तो आप कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग एजेंट अब मान लीजिए एच गैस को सुखाना है तो मैं एक बेसिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करूंगा ये चीजें भी दिमाग में रखनी पड़ती है मान लीजिए ये आपकी जो गैस है ठीक है मान लीजिए आपकी जो गैस है सॉरी अगर बेसिक गैस है तो बेसिक सब्सटेंस एसिडिक गैस है है तो एसिडिक सब्सटेंस ये बोलना था ठीक रीजन बीइंग कि अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है तो उसके लिए आप बेसिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे और अगर मान लीजिए कोई एसिडिक गैस है तो उसके लिए आप एसिडिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है अगर सुनील भैया मैं मॉइस्ट एच सी एल के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करूं तो बिल्कुल सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं क्योंकि एसिडिक चीज एसिडिक चीज से रिएक्ट नहीं करेगी लेकिन अगर आपने एसिडिक चीज के लिए बेसिक चीज को लगा दिया तो वो उससे रिएक्ट कर जाएगा तो ये चीजों का भी इस्तेमाल करना होता है दिमाग में लगाना होता है जब हम डेसिकेंट या ड्राइंग एजेंट की बात कर रहे हैं जैसे तो अमोनिया तो तो गैस को सुखाना है तो आपको फिर बेसिक सब्सटांस ही लगाना पड़ेगा वहां पे जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लगा दीजिए बेसिक गैस के लिए बेसिक सब्सटांस एसिडिक गैस के लिए एसिडिक सब्सटांस लगा दीजिए यह समझना पड़ेगा ठीक है तो अगर एटमोस्फियर में नमी ज्यादा है और हमें अगर ये टेस्ट करना है तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहीं गीली ना हो जाए या गीली ना आ रही हो तो ये इंश्योर करते हैं कि कि हम सबसे पहले उसको गार्ड ट्यूब से पास करेंगे ताकि इसके अंदर प्रेजेंट एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो एक ड्राइंग एजेंट है डेसिकेंट है वो फटाफट से इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके इसको सुखाकर बाहर भेजे जैसे मैंने डीहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ाया था ड्राइंग एजेंट तब भी पढ़ा था कार्बन कंपाउंड में रिविजन दे, दे देता हूं मैं ना कराया मैं गीला हूं तो मेरे पे आपने टॉवल से मुझे पोच दिया या मैंने खुद से टॉवल को खुद को पोच लिया तो टॉवल क्या है दोस्त ड्राइंग एजेंट डेसिकेंट पानी था एक्स्ट्रा हटा दिया अब मैं पहले ही सूखा हूं मैं जा रहा हूं मेरे को मिल गया मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड ही मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मस्त बात यह कि वो ड्राइंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है ठीक है अब वो मिल गया मेरे को मैंने कहा भैया मैं तो सूखा हूं पानी नहीं है क्या भैया अपना तो पानी निकाले काम है तुम्हारे शरीर पे लगा होता तो वो ले लेते शरीर पे नहीं लगा तो शरीर में से तोड़ के ले लेंगे तो शरीर के अंदर से तोड़ के निकाल लेगा तब एजेंट कहलाता है समझ मेरी बात? तो सल्फ्यूरिक तो और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है याद रखना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ड्राइंग एज वेल एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट है याद कर लीजिए आईसीएससी का कोई बालक होगा तो वो रिलेट कर पा रहा होगा ठीक है जैसे तो मान लीजिए मैं गीला हो गया हो हम तुमको सुखा देते हैं पानी ले लिया अब मैं सूखा हुआ हूं वो कह रहा भैया अपने को मतलब नहीं है अपन को पानी चाहिए पानी नहीं दोगे आगे नहीं जाने दूंगा मैंने कहा भैया फिर बोले तुम्हारे से अंदर से तोड़ के निकालेंगे पानी पहले पानी दो फिर आगे निकलो ऐसा है सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है चलो सवाल 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 जो करेंगे बवाल डू एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्वा सोल्यूशन का मतलब है कि डिजॉल्व इन वॉटर जल्दी से बताएंगे फटाफट से फटाफट से बताएंगे हा कि ना हा कि ना हा कि ना कि ना हा कि ना कि कि ना ना डू एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हा कि ना हा कि ना कि ना कि ना कि ना हर एक चीज कवर करवा दूंगा आखिरी तक रुकना मेरे दोस्त हर एक चीज कवर करवा दूंगा हर एक चीज कवर करवा दूंगा आखिरी तक रुकना क्या एक्वा सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बिजली को कंडक्ट करते हैं क्या बात है नमन रितेश जुनैद हितेन अरे नहीं भैया क्या कर रहे हो तुम कहां से आ गए चलिए कोई ना नाम ही नहीं पढ़ पाए बीच में पता नहीं क्या होने लगा चलो तो डू एक्वे सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हा कि ना देखिए यस और नो यस एक्व सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब देखिए तो एसिड्स का डिसोसिएशन अभी आपने पढ़ा एसिड्स कैसे पानी में डिसोसिएट होते हैं है ना एसिड्स कैसे डिसोसिएट होते हैं सुनील भैया हमने उनका स्मॉल रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाया कि भाई पानी के अंदर ये डिसोसिएट होते हैं तो गिव एच प्लस एक्वस साथ ही साथ एक्स माइनस एक्वस ये एच प्लस एक्वस को हम और क्या बोल सकते हैं एच थ्री ओ प्लस भी बोल सकते हैं बताया था अभी उसी प्रकार से बेसिस को अगर रिप्रेजेंट करता हूँ एम ओ एच अपने बातें कर रहा हूं मैं कि माइनस दे दे रहा है बेस, H दे रहा है 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 बेस प्लस एक्वस एसिड अपने हिसाब हिसाब सिलेबस के से ना पे चल रहा हूं भाई हाँ ऐसा नहीं आगे चल के तुम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ो या तुम लेविस एसिड बेस कंसे पढ़ो ओलंपियाड चैलेंजर में तो पढ़ा ही है मेरे से फिर ऐसा ना हो कि मेरे को बोलो ये तो गलत है ये अरिनियस कंसेप्ट है एसिड बेसिस का पर तुम्हारे एग्जाम के लिए इतना काफी है ठीक है तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा बेसिक सबस्टांस का डिसोसिएशन है तो जैसे आपके एसिड जो है पानी के अंदर डिसोसिएट होके देते हैं H प्लस एक्वस एच थ्री ओ प्लस कहते हैं साथ ही साथ X माइनस एक्वस देते हैं उसी प्रकार बेसिस फॉर एग्जांपल अगर MOH अगर हमारे पास कोई बेस हो गया तो इन द वॉटर ये एम प्लस एक्व एन ओ एच माइनस एक्वस दे देगा तो यहां पर ये डिसोसिएट होते हैं आयंस पे इन दियर एक्वस सोल्यूशन टू प्रोड्यूस एच प्लस एक्व एंडक्स तो यह आय देते हैं पे, ठीक है? तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्योंकि ये यह आयंस यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें होगा क्या कि आपके पास जो कटायन है वो बेसिकली कहां जाएगा वो जाएगा आपके कैथोड के ऊपर और जो आपके पास अनायन है वो कहां जाएगा वो जाएगा आपके एनोड के ऊपर ठीक है अब कैथोड के ऊपर क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एनोड के ऊपर क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो बन जाता है भाई एनोड से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं कैथोड पे गेन हो रहे हैं तो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है एंड आयन्स की वजह से बिजली का कंडक्शन होता है, है? ठीक तो क्या ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बिजली कंडक्ट करेंगे करेंगे, हाँ, 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 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस, इसी से बिजली करेंगे। अगला आर ऑल बेसिस सोलूबल इन वाटर जल्दी जल्दी करो मैं भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा फटाफट फटाफट करो है ना दूंगा इसके बाद ब्रेक दूंगा जल्दी से एक ब्रेक दूंगा फटाफट से एक ब्रेक दूंगा तुमको फाड़े साथ हो रही एक ब्रेक दूंगा दस मिनट का हल्का हल्का खाना का क्या नाम आर ऑल बेसिस सोलिबल इन वाटर हाँ कि ना हाँ कि ना जल्दी बताओ आर ऑल बेसिस सोलबल इन वॉटर हाँ की ना हाँ की ना हाँ की ना, हाँ की की ना ना बहुत बढ़िया आयुष संभव राजकिशोर तेजस्व अर्पित शिवम नंदनी विद्या अधिराज चाइल्डिश तो आर ऑल बेसिस सोल्युबल इन वॉटर करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वॉटर ठीक है तो यहां पर इसका स्टेटमेंट भी दे रखा है मैंने नो no! द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर एंड फर्निश हाइड्रॉक्सिल आय माइनस आयन को हम क्या बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्सिल आय को जो फर्निश करते हैं इन दी एक्वा सोल्यूशन आर नोन एज एल्कलीज ठीक है तो सारे के सारे बेसिस पानी में सोल्यूबल नहीं होते ऐसे बेसिस जो पानी में जब डिजॉल्व हो तो हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करें इन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज यानी कि हम इनको बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस क्या बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेसिस जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मैं बोलता हूं एन ठीक है मैं आपसे बात करता हूं सी मैं आपसे बात करता हूं सी यू है मैं आपसे बात करता हूं के टू ओ ठीक है और यहां पर मैं लिख देता हूं आपके पास कि इनमें से बेस कौन सा है और इनके अंदर से एलकली कौन सी है ठीक है तो सुनील भैया मेटल का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड ये सारे के सारे क्या है बेसिस है यही चीज अगर मैं पूछूं कि इनमें से सेल्कली कौन है वाटर सोल्यूबल कौन है तो सोडियम ऑक्साइड पानी में डिजो्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा कैल्शियम ऑक्साइड पानी में होकर कैल्शियम के, हाइड्रोक्साइड बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डिजो के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कॉपर ऑक्साइड पानी में डिजोल नहीं करता तो एल्कली का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन से बेसिस वाटर सोल्यूबल बेसिस ऐसे बेसिस जो पानी में डिजोल्व कर जाएंगे वो बेसिकली आपके क्या है एल्कली है तो इसका मतलब है कि जितनी एल्कली है वो बेसिस तो है बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है मैं समझा पा रहा हूं जितनी एल्कली है वो सारे के सारे आप देखेंगे बेसिस तो है लेकिन सारे बेसिस एल्कली नहीं है ठीक है तो कंक्लूजन क्या है यहां पे? कंक्लूजन यहां पर क्या है व्हाट इज द कंक्लूजन ऑल एल्कलीज बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एलकलीस ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज यह बेस तो है लेकिन एलकली नहीं है जितनी भी एल्कलीज है सारे के सारे बेस तो है लेकिन हर बेस एल्कली नहीं है दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ गया क्लियर ए बात क्लियर ए बात क्लियर है बात चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ब्रेक देंगे आपको ब्रेक देंगे एक सवाल कीजिए एक एक सवाल कीजिए सवाल कीजिए सीबीएसई 2023 में एक नंबर का सवाल आया था प्रीवियस ईयर के अंदर दिस इज बेसिकली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एन एल्ली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एक एल्कली मानते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं मानते हैं रीजन क्या है जल्दी से बता दीजिए अब देखिए सवाल आया था प्रीवियस ईयर का इस पर जल्दी 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 रुकना नहीं हारना नहीं है आखिरी तक अपन को पढ़ना है रुकना हारना थमना तो है ही नहीं भाई सुनील भैया आखिरी तक हम सब कुछ पढ़ेंगे आपसे ठीक है ठीक है, फिर यहां पर ये भाई रो गया कोई बात नहीं भाई रोता बहुत है बहुत बढ़िया कोई बात नहीं सो द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं बेटा टेक इश्यूज इनको इतना दिल पे नहीं लेना है इग्नोर करना है ठीक है आपको इस पे पढ़ाई पे फोकस करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एज एन एल्कली एल्कली अभी क्या बताया वाटर सोल्यूबल बेस यानी पानी में घुलने वाला बेस है ना तो इसको अगर मैं एल्कली बोल रहा हूं इसको नहीं बोल रहा हूं इसका क्या मतलब है सरल सा क्या मतलब है भाई ये पानी में घुल रहा होगा ये नहीं घुल रहा होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली बेस बेस इज 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 इन इन फेरिक हाइड्रोक्साइड बट इट नॉट काम खत्म यह कैसा बेस है जो पानी में घुल रहा है तो एल्कली है फेरिक हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो बेसिकली पानी में सोल्यूबल नहीं है तो सिर्फ बेस है ठीक है चलो आगे चलेंगे यू आर गिवन दी एक्स सोल्यूशन ऑफ फोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज आपके पास है ग्लूकोज एल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑफ द गिवेन सोल्यूशनो अल्बन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वाई जल्दी से बताएंगे प्रीवियस एयर में आया हुआ है सवाल जल्दी से बताएंगे फुटावट से प्लीज लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस पट्यूलर क्वेश्चन इन टू द चैट बॉक्स फुटावट से जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद भाई चलिए देखो मेरे दोस्त यहां पर अब ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है आप ये देखिए ग्लूकोज है ना ग्लूकोज अब एल्कोहल कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा है ना हमने पढ़ लिया कार्बनहाइड्रेट कंपाउंड्स में ग्लूकोज एल्कोहल uh, में ले लेता हूं मान लीजिए इथेनॉल ले, ले लेता हूं एल्कोहल कैटेगरी से इथेनॉल उठा लेता हूं. CS3, Th2, OH. फिर उसके बाद हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है पता ही है सभी को फॉर्मूला ये होता है एच टू फोर फिर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है सुनील भैया एचसीएल ठीक है तो देखिए सबके अंदर हाइड्रोजन है ठीक है अब ये बोल रहा है विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस विल ग्लो अ बल्ब व्हेन कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वाई ठीक है तो अब इनमें से किस-किस के अंदर से जलेगी भाई एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन तो बिजली कंडक्ट करते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर फ्री आयंस ये तो करेगा ये ग्लूकोस और इथेनॉल नहीं करेंगे आपको बताया था कोवलेंट कंपाउंड जनरली दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये ज्यादा जल्दी तेज बिजली कंडक्ट नहीं करते हैं या करते ही नहीं है कुछ एक्सेप्शन आप देख रहे हैं बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट यहां पर मेजरली हम कोवलेंट कंपाउंड पे नहीं जाना चाह रहे हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हमारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड है ये हमारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड है ये दोनों बिजली कंडक्ट करते हैं ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है ये भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो ये बिजली कंडक्ट क्यों नहीं करते है? तो ये इसका ये मतलब है कि क्या एवरी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज एन एसिड क्या हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड है हर चमकती चीज सोना है क्या नहीं है ना उसी प्रकार हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं है सिंपल सी बात है सो so, यहां पर बिजली कंडक्ट करेंगी ऊपर वाले दो बाकी के दो नीचे वाले नहीं करेंगे दस्वी कंक्लूड दैट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स

तो ये देगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ एच प्लस एक्वस प्लस एसओ फोर टू माइनस एक्वस उसी प्रकार से ये देगा एच प्लस एक्वस सिखा चुका हूं ये चीज थोड़ी देर पहले और सी एल वन माइनस एक्वस तो ये जो आयंस है ठीक है ना ये आयंस में जो डिसोसिएशन हो रहा है ये जो आयंस में यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है दीज आयंस ये जो आयंस है दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ना ये आयंस बिजली का कंडक्शन करते हैं बताया था कटायन जाता है कैथोड के के ऊपर ऊपर जाता है एनोड इस वजह से बिजली का कंडक्शन होता है आई होप आपको ये बात क्लियर है लेकिन हर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आपका एसिड नहीं होता यू नीड टू रिमेंबर दिस एज वेल ठीक है बेटा जी 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 भैया चलो अब अगला क्लासिफिकेशन ंग टू क्लासिफाई एसिड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन क्लासीफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या फिर यह बेसिस का क्लासिफिकेशन भी है कॉन्सेंट्रेटेड बेस भी हो सकता है डायल्यूट बेस भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी हो सकता है डायल्यूट एसिड भी हो सकता है अब यह कॉन्सेंट्रेटेड और डायल्यूट पहली चीज आपको जो जाननी है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं

ये दो फोटोज है ठीक मैं बोलता हूं ए इज मोर कंसंट्रेटेड एसिड अब ये किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं ये किसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं अगर ए को कंसंट्रेटेड बोल रहा हूं तो किसके कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में तो ये हमेशा रिलेटिव होगा ठीक है ना कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हमेशा रिलेटिव होता है किसी भी दो चीजों के बीच में रस, आ, मतलब आस्पेक्ट में हम बात कर रहे होंगे अगर ये कंसेंट्रटेड है तो किसके रेस्पेक्ट में बी के रेस्पेक्ट में ये डायलूटेड है तो किसके रेस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में अब मान लीजिएगा अगर इससे ज्यादा एसिड के पार्टिकल्स किसी और में आ जाए तो उसके रेस्पेक्ट में ये डाइल्यूट हो जाएगा और वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो ये डिफरेंस क्या है दो चीजों के बीच में है अगर ये कंसनट्रेटेड है किसके रेस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में उसी प्रकार जो बी है बी बी इज इज बी इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड या बोल सकते हैं डाइल्यूटेड एसिड ए ए के कंपैरिजन में ये आपका लेस कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है अब ये मतलब है क्या कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है क्या अगर मैं यहां पर आपसे बात करना चाहूं कि कॉन्सेंट्रेटेड का यहां पर मतलब क्या है और डाइल्यूटेड का यहां पर मतलब क्या है तो ए के अंदर यहां पर क्या है ए के अंदर इन ए अब देखो यहां पर क्या है एसिड के पार्टिकल्स यहां पर काफी ज्यादा है इसके में यहां पे लिखा लेस एसिड एडिड यहां पे एसिड कम है यहां पर एसिड ज्यादा है तो इन ए मोर एसिड देन बी एंड लेस वाटर देन बी कहने का क्या मतलब है इसके अंदर एसिड ज्यादा है बी के कंपेरिजन में और पानी कम है बी के कंपेरिजन में और बी की अगर मैं बात करूं इन बी तो लेस एसिड देन ए इसमें एसिड कम है इसके कंपेरिजन में लेकिन लेकिन पानी ज्यादा है मोर वॉटर देन ए समझ में आ गया क्या भाई इसके अंदर बेसिकली क्या है इसके अंदर पानी ज्यादा है एसिड कम है इसमें एसिड ज्यादा है पानी कम है तो सरल सी बात अगर मैं यहां पर और तीसरी बात बोलना चाहूं तो अगर मैं किसी को कंसेंट्रेटेड या डायल्यूटेड बोल रहा हूं किसी और के रिस्पेक्ट में है ना तो ए जो है ए में एसिड ज्यादा है पानी कम है बी के रेस्पेक्ट में ठीक है सिमिलरली बी के अंदर बेसिकली पानी ज्यादा एसिड कम है ए के रेस्पेक्ट में ठीक है तो ये इसका मतलब होता है रिलेटिव का मतलब आपस में दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है तो अगर ये कंसनट्रेटेड एसिड या कंसनट्रेटेड बेस है तो इसका ये मतलब है कि इसमें एसिड के पार्टिकल ज्यादा होंगे पानी के पार्टिकल कम होंगे किसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में यहां पे एसिड कम होगा पानी ज्यादा होगा यहां पर एसिड ज्यादा होगा पानी कम होगा तो ये आपस में एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स है अब कोई और आ गया जिसके अंदर एसिड और ज्यादा है पानी और कम है तो उसके रिस्पेक्ट में यह डायल्यूट हो जाएगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो हमेशा दो चीजों के बीच में यही रिलेटिव चीजें चलती हैं डायल्यूट और कंसनट्रेटेड ठीक है तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ये आपका कहां पर फंसता है ठीक है ना ये फंसता है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट ठीक है भाई जी अब मुझे बताइए आपके लिए सबसे करेक्ट वे क्या है डाइल्यूशन का ए है एसिड को पानी में डालना चाहिए या पानी को एसिड में डालना चाहिए ये क्या बात हो गई खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे बात तो एक ही है बात एक नहीं है विच वन इज अ करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड ये ये जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से बताएंगे सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे बस आपको 10 से 15 मिनट में एक पानी का ब्रेक खाना खाने का ब्रेक देंगे टेंशन मत लीजिए एक ब्रेक दे देंगे आपको फिर छोटे छोटे टॉपिक है दो छोटे टॉपिक एक बड़ा टॉपिक है फिर फिर आपके पास पीएच आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ आ जाएगा फिर सॉल्ट आ जाएगा सॉल्ट को अपन डेढ़ घंटे में निपटाएंगे सॉल्ट वाले पार्ट को अपन डेढ़ घंटे में निपटाएंगे सो विच वन इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड ए अभी फिर नहीं लिया भाई ने भाई दुखी है क्या भाई बहुत ज्यादा दुखी आत्मा है <laughs> तो एसिड को पानी में डालना है अब जो एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं शायद किताब के अंदर नहीं है इसीलिए कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको लिखना है समझना है कोई दिक्कत नहीं है आराम से समझना जरूरी है वाटर टू एसिड एसिड टू वाटर, अब पहले ये समझते हैं कि अगर मैं वाटर टू एसिड कर लेता हूं, तो होगा क्या वॉट एसिड मान लीजिए आपने क्या किया पानी को डाल दिया एसिड के अंदर पानी को डाल दिया एसिड के अंदर तो क्या होगा मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है ये आपके पास एसिड है पूरा तो सारा और ये एसिड के ऊपर आपने यहां पे क्या किया इसके ऊपर आपने यहां पे पानी गिराना स्टार्ट किया ठीक है बहुत बढ़िया ये बेसिकली क्या है वाटर है अब समझना मेरे दोस्त होगा क्या सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है घनत्व जो है एसिड का पानी से ज्यादा है तो यह पानी को ऊपर रखने की कोशिश करेगा मिक्स होंगे लेकिन एसिड की पहली प्रायोरिटी यह होगी कि पानी तो तेरी डेंसिटी कम है तो तू ऊपर रहने की कोशिश कर तो यह ऊपर रखने की कोशिश करेगा पहला कंसेप्ट आपका यह है डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेसर देन दैट ऑफ एसिड तो यह बेसिकली इसको ऊपर रखने की कोशिश करेगा या पानी ऊपर रहने की कोशिश करेगा अब दूसरी बात यहां पर यह है कि एसिड और पानी का जो इंटरैक्शन होता है यह भिड़ते हैं तो होता क्या है द इंटरैक्शन ऑफ एसिड विद वॉटर इज एक्सोथर्मिक ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वॉटर एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड जैसे ही पानी और एसिड आपस में कनेक्ट में आते हैं कॉन्टेक्ट में आते हैं एसिड पानी के अंदर डिसोसिएट होने की कोशिश करता है काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है और उस हीट से होता क्या है देखिए दो चीजें मैंने बताई जैसे ही आपने पानी को एसिड के अंदर डाला पानी ऊपर रहने की कोशिश करेगा दूसरी चीज एसिड पानी में dissolve होगा, dissolve यान, 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 में आके सबसे पहले आयिसोसिएट करता है आपको पता ही एच एक्स प्लस एस टू ओ वाला एच एक्स प्लस एस टू विल गिव एस थ्री ओ प्लस प्लस एक्स माइनस बताया था अब ये डिसोसिएशन एक्सोथर्मिक है मतलब जैसे ही डिसोसिएशन करेगा पानी के अंदर टूटेगा आयंस के अंदर पानी के अंदर जैसे ही इसके कनेक्ट में आएगा आयंस में टूटने की कोशिश करेगा काफी ज्यादा हीट एनर्जी निकालेगा और इस हीट एनर्जी की वजह से धमाका भी होगा अब क्या धमाका होगा वो समझो दो दिक्कत होगी दो दिक्कत होगी पहला जैसे ही आपने वाटर एडेड टू एसिड कन्वर्ट्स टू वाटर वेपर ऑन द इंटरफेस मतलब यहां पर जैसे ही पानी और एसिड कनेक्ट में आए इतनी ज्यादा हीट निकलेगी कि कुछ पानी जो है यहां से वेपराइज होकर उछल के निकलने की कोशिश करेगा ठीक है एंड अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वॉटर स्प्लैश आउट एंड कॉज बंस मान लो कि अगर तुम यहां पर खड़े थे ठीक है ठीक है ना ये तुम यहां पे खड़े थे तो ये सीधा फेस पे आ जाएगा और फेस को जला देगा ठीक है तो ये सीधा फेस पे आके गिरेगा और फेस को जला देगा प्रॉब्लम क्या है पानी की डेंसिटी एसिड से कम है तो ऊपर रहने की कोशिश करेगा अब जैसे ही तुमने इसको इसके अंदर डाला एसिड पानी के कांटेक्ट में आते ही पानी के अंदर डिसोसिएट करने की कोशिश करेगा आयंस में टूटेगा एक्सोधर्मिक प्रोसेस है काफी ज्यादा हीट निकलेगी अब इस हीट से क्या होगा इस हीट से होगा होगा कि यहाँ पर जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट अपने साथ कुछ एसिड की बूंदे भी लेकर उछल के ऊपर जाएगा वाटर वेपर ऊपर जाने की कोशिश करेगी उछल के मुंह पे गिर गई तो एसिड सीधा मुंह पे गिरेगा हाथ पैरों पे गिरेगा जला देगा पहली दिक्कत ये है दूसरा अब एसिड क्या है एसिड इस हीट को होल्ड नहीं करता है यहां पर जो भी हीट जनरेट होगी एसिड सीधा यहां पर ट्रांसफर कर देगा कांच पे इधर ट्रांसफर कर देगा सीधा कांच पे ठीक है सो द बीकर इन विच द डाइल्यूशन इज कैरिड आउट मे ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग पॉइंट क्या है हीट को इतना ज्यादा कंडक्ट नहीं कर रहा है तो यहां पे सीधा ट्रांसफर कर देगा कांच पे तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग हो रही है मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे काफी ज्यादा हीट एनर्जी आने की वजह से इतना ज्यादा गर्म होने की वजह से कांच ही टूट जाएगा बीकर ही आपका टूट जाएगा या चटक जाएगा तो यह एसिड सीधा हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा कांच के ऊपर अब एक स्पेसिफिक जगह पे ही अगर हीट एनर्जी पे मिल रही है तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग होने की वजह से कांच आपका टूट सकता है ब्रेक हो सकता है तो ये दो दिक्कतें यहां पर है आपके लिए ये काफी ज्यादा दिक्कत है पहला ये हमारी बॉडी को जला सकता है दूसरा जिस बीकर में कर रहे हैं उसको तोड़ सकता है तो फिर क्या करूं उल्टा कर लेना भाई उल्टा कर लेना भाई एसिड को डाल ले पानी के अंदर क्यों इससे क्या होगा समझ अब देख ये तेरा पानी है तू कहेगा हां ये तो मेरा पानी है बहुत बढ़िया तो मेरे भाई इस पानी के अंदर एसिड को डालने में तेरे को क्या दिक्कत है भैया इसको अंदर डालूंगा तो क्या होगा देख तू मान एसिड को यहां से डालता है ठीक है जी भैया मैं डालता हूं डाल दिया अब डेंसिटी किसकी ज्यादा है मेरे राजा बेटा मेरे को बात बता डेंसिटी किसकी ज्यादा है तो कहेगा सर डेंसिटी ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर नीचे जाने की कोशिश करेगा हाँ नीचे जाने की कोशिश करेगा हाँ अब मेरा राजा बेटा क्या बोलेगा बोलेगा सुनील भैया डिसोसिएशन होगा ना एसिड का इनटू आयंस डिसोसिएशन ऑफ एसिड इनटू आयंस होगा मैं कहूंगा हाँ राजा बेटा होगा ना ये चीज इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है आयंस में टूटेगा तो तू कहेगा सुनील भैया ये तो एक्सोथर्मिक है मैं कहूंगा हां है एक्सोथर्मिक जैसे ही एसिड और पानी इंटरैक्ट करेंगे एसिड का डिसोसिएशन होगा पानी के अंदर प्रोसेस एक्सोथर्मिक मार कर लो तो अब एसिड नीचे जाने की कोशिश करेगा लेकिन जैसे ही कनेक्ट में आएगा आयंस में डिसोसिएट होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हीट निकलेगी अब यहां से जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी हीट इज रिलीज्ड अब जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी सबसे पहली चीज पानी की पानी की एक बहुत बढ़िया बात है वो हीट को होल्ड करता है और उसकी हीट होल्डिंग कैपेसिटी सबसे बढ़िया है वाटर विल होल्ड दिस जनरेटेड हीट एंड वेरी लेस इज ट्रांसफर्ड

एक जगह पे कंसंट्रेट कराओगे बीकर टूट जाएगा या जिसमें करा रहे हो कंटेनर टूट जाएगा ठीक है तो ये तीन कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए कि भाई डेंसिटी एसिड की ज्यादा है पानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराएंगे एसिड डिसोसिएट करेगा आयंस में इन द कॉन्टेक्ट ऑफ वॉटर ठीक है ना यहां पर इन टू प्रोसेस एक्सोथर्मिक है मतलब हीट निकलेगी वॉटर की हीट होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज़्यादा अच्छी है ट्रांसफर करेगा ग्लास एक, एक यूनिफॉर्मली कर ट्रांसफर साथ साथ करवाने के लिए जेंटल स्टेयरिंग करनी पड़ेगी मतलब अगर आप ऐसे लेके इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे जेंटल स्टेरिंग करेंगे ठीक है ना तो एक्सेसिव लोकल हीटिंग नहीं होगी ठीक है ना जेंटल स्टेरिंग एंश्योर्स दैट एक्सेसिव लोकल हीटिंग डजेंट हैपन एक्सेसिव लोकल हीटिंग डजेंट हैपन समझ में आ गई मेरी बात जी यानी एक ही जगह पर हीट कंसनट्रेट ना होगी बी का टूट जाए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है भैया लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का यहां पे लास्ट टॉपिक इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का फिर ये खत्म हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ब्रेक देंगे इसके बाद इसके बाद आपको एक ब्रेक मिलेगा दो घंटा उनचालीस मिनट पे अपन ब्रेक ले रहे हैं मतलब बस पांच से दस मिनट और दो घंटा दो पैंतालीस मिनट में पहला ब्रेक अपन दे देंगे ध्यान से देखो ध्यान से देखो राजा बेटा अब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका नाम हम रखते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स कैसे मेटल्स एम्फोटेरिक मेटल्स एम्फोटरिक मेटल्स आपके वो मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस तो सबसे पहली बात तो सारे के सारे मेटल्स आपके बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और सारे ही मेटल्स आपके एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं लेकिन जितने मेटल्स आपके एसिड के साथ रिया करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बना रहे हैं उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे ही मेटल्स हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं उन्हें एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हैं तो ये एसिड एज एस वेल एज बेस दोनों के साथ रिया करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं इसकी एक लिस्ट है एस ए बी पी जेड है ना तो कौन कौन सा एम्फोटेरिक मेटल्स है टेन एल्यूमिनियम बेरिलियम लेड जिंक, ठीक है जिंक सब पीज टिन, एल्यूमिनियम बेरिलियम लेड एंड जिंक नाम याद रहेगा क्या टिन, एल्युमिनियम बेरिलियम लेड एंड जिंक ठीक है ये एम्फोटेरिक मेटल्स है एम्फोटेरिक मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं अब यहां पर हमने बेस क्या लिया है वॉटर सोल्यूबल बेसिस को लिया है दैट मीन एल्कली को लिया है और मेटल हमारा कौन सा है एम्फोटेरिक मेटल है तो जैसे ही हमारा एम्फोटेरिक मेटल एल्कली के साथ इंटरेक्ट करता है अब भैया हमारी एनसीआरटी के अंदर तो ये वाटर नहीं दे रखा आप एनसीआरटी वाली भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर विल गिव दिस मेटेलिक सॉल्ट साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है इंपॉर्टेंट बात सुनना मजा आएगा जो मैंने हाइड्रोजन गैस का धमाका किया था वो इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करके किया था कि मैंने बहुत सारा पानी लिया उसमें कास्टिक सोडा को डिजॉल्व करवाया उसमें एल्यूमिनियम का फॉइल डाला और उसके ऊपर गुब्बारा रख दिया तो फूलकर उसमें हाइड्रोजन गैस आ गई थी मैंने ऐसे घर पे हाइड्रोजन गैस बनाई थी ठीक है जी भैया तो, तो जैसे ही आपका मेटल एम्फोटेरिक मेटल रिएक्ट करेगा वाटर सोल्यूबल बेसिस यानी एल्कली है ना इनसे, इन द प्रेजेंस ऑफ वॉटर इट विल गिव द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एज वेल एज दाइड्रोजन गैस अब तुम कहोगे भैया आपने इसका नाम सोडियम जिंकेट कैसे रखा है हमारी बुक में तो Na2ZnO2 को सोडियम जिंकेट कहते हैं बेटा सोडियम जिंकेट इसको भी कह सकते हैं और इसको सोडियम एल्यूमिनेट कह सकते हैं मैंने रीजन भी दिया है द केमिकल रिएक्शन इन अब केसेस विल फॉर्म अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट जिंकेट एंड एल्यूमिनियम अनायंस एंड नॉट ऑल मेटल्स विल रिएक्ट विद बेसिस में जिंकेट और एल्यूमिनेट जो होते हैं वो एक मिक्सर है अनायंस का जिन्हें ऑक्सी अनायंस कहते हैं काफी सारे यहां पे अनायंस बनते हैं जिसमें से एक मैंने यहां पर लिखा है आप एनसीआर वाला भी लिख सकते हो गलत नहीं है दैट इज नॉट 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 रॉन्ग दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट अगर आप ये लिख के आते हो तब भी गलत नहीं है तो हमारी एनसीआरटी में इसको ऐसे दे रखा है जिंक प्लस एन विल गिव एन ए टू प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे दे रखा है एम्फोटेरिक मेटल प्लस एल्कली विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे दे रखा है है ना तो टू है तो यहाँ पर टू लगा दीजिए टू एन O2 हो गया O2 हो गया दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई तो ये आपके पास सॉलिड ये आपके पास है एक्वस ये आपके पास अगेन एक्वस एंड ये आपके पास हो जाएगी गैस तो आप ये वाली रिएक्शन जो एनसीईआरटी में मेंशनड है ये भी लिख के आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दिस इज आल्सो करेक्ट दिस इज आल्सो करेक्ट ठीक है क्लियर है बात तो ये रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद बेसिस तो मेटल्स जिसके अंदर कौन से हम चुनेंगे मेटल हम चुनेंगे एम्फोटेरिक मेटल और बेस कौन सा हम चुनेंगे बेस हम चुनेंगे बेसिकली हमारा एल्कली तो एम्फोटेरिक मेटल प्लस एल्कली विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर ये जो अनायंस आपके बन रहे हैं यहां पर मिक्सचर ऑफ अनायंस एंड कटायंस बनते हैं ये भी जिंकेट है और ये भी जिंकेट है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात ध्यान से देखिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताता हूं प्रीरिक्वेजिड कंसेप्ट क्या है इसको समझने का इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा वो कंसेप्ट क्या है ध्यान से देखिए नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं ध्यान से देखिए या तो वो मेरे दोस्त आपके एसिडिक हो सकते हैं या मेरे दोस्त वो आपके न्यूट्रल हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं एसिडिक की तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ड्राइक्साइड एटसेट्रा ये एसिडिक है न्यूट्रल की अगर मैं बात करता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड वाटर ये सारे के सारे आपके क्या है न्यूट्रल है ठीक है ये सारे के सारे आपके क्या है ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल है समझ में आ गई क्या बात जी भैया अब देखो ध्यान से देखना। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है इधर आपके एसिडिक हो सकते हैं और इधर वो आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं ये एसिडिक है और ये आपके न्यूट्रल है नॉन मेटलिक ऑक्साइड जी है अब फॉर एग्जाम्पल एक नॉन मेटलिक ऑक्साइड मेरे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी रिएक्शन मैं एक बेस के साथ करवाता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर लाइम वाटर का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है तो एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का साथ ही साथ पानी का निर्माण होता है याद आया जी भैया अब इस रिएक्शन का प्रकार दो है यह भी याद रखना यह रिएक्शन जो तुम्हारी लिखी हुई है फर्स्ट रिएक्शन जो यहां पर लिखी हुई है ये वाली ये ये वाली जो रिएक्शन लिखी हुई है ठीक है ये तुम्हारी क्या है ये तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट में किसका टाइप है सुनील भैया ये तो प्रेसिपिटेशन में आनी चाहिए इनसॉलिबल सॉलिड बन रहा है बिल्कुल सही बात है लेकिन सुनील भैया सुनील भैया सुनील भैया ये बेस और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा होगा यहां पे एसिड की तरह बिहेव करेगा सीओ टू तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वॉटर तो ये क्या है एंड न्यूट्रलाइजेशन भी है तो एक रिएक्शन एक से ज्यादा टाइप को शो कर सकती है कोई दिक्कत नहीं है मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है क्या तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव सी ए सीओ थ्री प्लस एस टू दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर एक इंसोलिबल वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेशन भी है साथ ही साथ ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यह बेस है सोल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन भी है समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या बात समझ में आ गई क्या बात? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल्स के केसेस में हम पढ़ेंगे है ना मेटलिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं और या फिर बेसिक होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड हाइड्रो बेसिक या फिर एम्फोटेरिक ठीक है वो नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है अब उसी प्रकार अगर हमारे पास SO3 थ्री एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा एनओएच हमारा क्या है कट्टर बेस है। एसिड प्लस बेस विल गिव देखो सॉल्ट प्लस वॉटर क्या बात है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात, बात? बात? जीबिया चलो एक बस सवाल कर लो उसके बाद ब्रेक दे देता हूं सीबीएसई 2017 का एक सवाल कर लो फिर ब्रेक दे रहा हूं खत्म ये ओवर ब्रेक दूंगा इसका देख लो इसका ब्रेक ही है ना इसका हंड्रेड परसेंट ब्रेक है देखो लगाओ जल्दी लगाओ एक बच्चा कह रहा है कार्बोनेट कंपाउंड भाई पढ़ा चुका हूँ कार्बोनेट कंपाउंड फटाफट से बता दो जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो

सुनील भाई अभी तुमने बताया कि नॉन मेटल का ऑक्साइड अरे हाइड्रोजन क्या है नॉन मेटेलिक है ना तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नहीं होगा क्या ये नॉन ऑक्साइड हो गया हाँ. इसका इससे रिएक्शन हुआ ये ये बना राजा बेटा ये भी तो बेस है सुनील भैया इससे क्या साबित होता है अरे तुम बताओ क्या साबित होता है ये बताओ क्या साबित होता है अगर ये बेस है ये न्यूट्रल होगा तभी तो बेस बनेगा इसका मतलब यहां पे इसका जो नेचर था वो क्या था लेकिन अब क्योंकि भैया के स्टूडेंट हो तो एग्जाम में ये भी लिख के आना दूसरा केस भी तो बन सकता है देखो सीबीएसई सिर्फ सेकंड केस की बात कर रहा है तुम पहला केस भी लिख कर आओ उसको बताओ कि देखो पहला भी तो हो सकता था तुम पहले को क्यों इग्नोर कर रहे हो तो तुमको एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलेंगे सीबीएसई दूसरा ही पूछ रहा है तुम पहले वाला और दूसरा वाला दोनों बताओ यह पहले वाला बता दिया अब दूसरा बताओ देखो क्या भाई साहब सुनिए बोले क्या बोले बेस लेंगे और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे वो कहेंगे बढ़िया लीजिए उनको लग रहा है कि आप बोलेंगे -मेटलिक सारे हम केवल ले लीजिए चलो इसको ब्लू से लिखते हैं अच्छा लगेगा पैटर्न बढ़िया बन जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखिए भैया तो आप कहोगे हाँ जी भैया देखो अभी लिख के दिखाते हैं ये देखो भैया यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया यार अब देखो भैया

एच टू थ्री और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में कटाइन सटाइन का एक्सचेंज होता है इसलिए प्रोडक्ट बनते हैं ठीक है चलो अभी यहां फोकस करते हैं पहले यहां फोकस करते हैं एक चीज को निपटाते हैं, फिर दूसरी चीज पे चलेंगे ठीक है सुनील भाई हाँ तो ये क्या बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर ठीक है भैया अच्छा लग रहा है अब पहले बैलेंस बैलेंस का खेल खेलें एक कैल्शियम एक कैल्शियम दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन बैलेंस है तो भाई ये सॉलिड था ये आपका लिक्विड था ये आपका एक्वस बनेगा साथ में काफी ज्यादा हीट निकलती है ठीक ये बेसिकली एक कैल्शियम एक कैल्शियम एक कार्बन एक कार्बन दो ऑक्सीजन दो और दो चार तीन और एक चार दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बैलेंस है ये आपका एक्वस ये आपका गैस ये आपका इंसॉलिबर वाइट प्रेसिपिटेट और ये आपका लिक्विड ठीक अब सुनील भाई यहां पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेस तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है एसिड तो आप वहां पर ये बताएंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी हो सकता है एसिडिक भी हो सकता है दोनों सही है सिर्फ ये सही नहीं है ये भी सही है अरे मजा आया कि नहीं आया बता दो यार ओपी लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लियर है बात हां अब इस रिएक्शन का इस रिएक्शन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट चलो इसको एक्स्ट्रा पार्ट अभी बताएंगे तो फिर तुम और कंफ्यूज होगे नहीं बताते हैं इसके लिए एक शॉर्ट्स बना के डालेंगे एक शॉर्ट्स आएगी इस पे कार्टायन सरेन्स कैसे एक्सचेंज में अरे इसका वाटर मीडियम इसको मिल जाता है तो बन जाता है H2CO3 तो यहां कार्बोनेट कार्बोनेट एनायन और कैल्शियम तो बन जाएगा CaCO3 और H2O और OH मिलके बनाएंगे वाटर ऐसे बनता है, है? हाँ, चलो चलो अच्छा टाइप ऑफ रिएक्शन बता के जाना सीबीएसई को बोले यार टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है यहां बताना कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ ही साथ एक्सोथर्मिक भी है ये न्यूट्रलाइजेशन है और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन भी है मैं एक ही साथ काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को ओवरफ्लो नहीं कराना चाहता वरना ये वाला बता देता मैकेनिज्म पर वो ओवरफ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट्स हो जाएगा आप लोग कहोगे सर एक ही क्लास में सब पढ़ा दोगे तो दिमाग फट जाएगा पर हल्का का आइडिया दे दिया ना मेरे तुमको ये इसमें पानी में डिजॉल्व हो जाएगा तो एच टू सी ओ थ्री बन जाएगा CO3 और कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट एच टू और टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो गया मेरे भाई कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये दो कंपाउंड मिलकर कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन साथ ही साथ ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप बनेगा न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन तो एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है इनसॉल्युबल सॉलिड ठीक है भाई जी भैया चलो क्लियर है बात जी भाई चलो समझ में आ गया तो एक बार आए भैया लगा दे जल्दी से फटाफट से फिर आपको एक दस मिनट का ब्रेक देते हैं फटाफट से खाना खाके आइए जल्दी से खाना वाना खा के आ जाओ जल्दी से आए भैया लगा दो चलो पंद्रह मिनट का दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आए भैया लगा दो फटाफट से जल्दी से आए भैया लगा दो क्लियर है बात अब ये दस मिनट का है टेन प्लस फाइव मिनट और पंद्रह मिनट का ब्रेक दे देता हूं मैं आपको इससे ज्यादा का नहीं दूंगा टेन प्लस फाइव मिनट ठीक है ना इक्वल टू फिफ्टीन मिनट दोस्त खाना खा के आ जाओ इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा समझो अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स और हैं जो मुझे करवाने हैं तुम्हारा ही बेनिफिट होगा ज्यादा से ज्यादा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा सवाल कराऊंगा एग्जाम्पलर के तुम्हारा ही फायदा है वरना तुम्हारा ही नुकसान है ठीक है तो देख लो फ़ायदा करना है कि नुकसान करना है है ना चलो दोस्तों अगर मेरी आवाज आ रही है आपको तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मेरे को सही से सिग्नल दे दीजिए आय लिख दीजिए फटाफट से अगर मेरी आवाज आपको आ रही है अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो एक बार आए लिख दीजिए ये क्या हो गया प्लीज राइट आय इफ यू आर एबल टू सी मी एंड इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी प्लीज राइट आई एंड टू द चैट बॉक्स जल्दी से एक बार आय लिख दीजिए फटाफट से एक बार आय लिख दीजिए राइट आई एंड टू द चैट बॉक्स अगर आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं और मेरे को सुन पा रहे हैं तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से आए लिख दीजिए फटाफट से एक बार आई लिख दीजिए इनटू द चैट बॉक्स जल्दी से क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो चलिए अब आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं एसिडिटी एंड एल्किनिटी इन टर्म्स ऑफ पीएच अब देखिए इसको पढ़ने के पीछे का कारण क्या है भाई पी वगैरह है क्या तो यहां पर देखिए जब आप इंडिकेटर्स की मदद से एसिड और बेस का पता लगाते हैं कि सुनील भाई मैं तो यह पता लगाऊंगा कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है हेल्प ऑफ इंडिकेटर जैसे ये रंग बदल के बता रहा है लेकिन चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक एसिड हो वीक बेस हो वो रंग सेम ही बदल रहा होगा है ना तो इससे यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है कौन सा बेस कितना स्ट्रॉग है कौन सा बेस कितना वीक है कौन सा एसिड कितना वीक है यह तो नहीं पता लगेगा तो अगर आपको यह क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है तो आपको इसको पीएच के फॉर्मेट में पढ़ना होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें इस चीज को करना पड़ता है ठीक है सिंपल सा मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप इंडिकेटर्स की यहां पर चर्चा करते हैं तो इंडिकेटर्स रंग में परिवर्तन लाते हैं एसिड्स में कलर बदलेंगे बेसिस में कलर बदलेंगे लेकिन अगर आपको यहां पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है कौन कितना ज्यादा वीक है कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग एसिड है कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग बेस है यह सब चीजें बतानी है तो आपको पीएच में जाना पड़ेगा अब इसका कितना पार्ट हमारे इसमें है हम उस चीज पर फोकस करेंगे तो सोरेन्सन महाराज ठीक है जो एक डेनिस केमिस्ट थे उन्होंने 1909 में एक तरीका बताया टू एक्सप्रेस दाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच कि भाई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होगी यानी एच प्लस एक्वस आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी उसको एक्सप्रेस किया कि भाई ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक है ये जितनी कम कम होगी उतना एसिडिक है तो फिर इसको बोला इसको इन्होंने बोला पीएच जहां पर जो पी है दैट फॉर हैच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर पी रिप्रेजेंट करता है जर्मन वर्ड पोटेंस को जर्मन वर्ड पोटेंस को एंड हाइड्रोजन इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन मतलब एच इज द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन तो पी एच में जो एच है वो तो केमिकल सिंबल हाइड्रोजन का है और जो हमारे पास पी एच में जो एच है, है वो हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है एच और जो पी है दैट फॉर द जर्मन वर्ड पोटेंस पोटेंस और potence का मतलब होता है पावर तो एक तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं ठीक है ये बात आपको ये बेसिक सी बात क्लियर हुई क्या ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको आई क्या जी अब आगे चलते हैं नाउ इंट्रोडक्शन टू दी पी एच इंट्रोडक्शन टू पी एच ठीक है तो एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस यानी कि एट रूम टेम्परेचर अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे सोल्यूशन का जो पीएच है दैट कैन रेंज फ्रॉम जीरो टू फोर्टीन डिग्री सेल्सियस ठीक है मैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे पीएच का रेंज जीरो से चौदह हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन का जो पीएच रेंज है वो ये है मान लीजिए तो अगर न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो पीएच होगा इसका अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो पीएच होगा सात से कम और अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो पीएच होगा सात से ज्यादा समझ में आ रहा है तो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे सोल्यूशन का पीएच 0 से 14 तक रेंज करता है जहां पर न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच है वो है सात एसिडिक का होता है सात से कम और बेसिक का होता है सात से ज्यादा समझ में आ गई क्या बात क्लियर हो गई क्या बात यह बात क्लियर हो गई क्या जी यह बात क्लियर है भैया उसके बाद पीएच स्केल की हम थोड़ी सी चर्चा यहां पर कर लेते हैं ठीक है ना अब देखिए अगर मैं यहां पर पीएच जब आपका पी जीरो से फोर्टीन तक है ना तो ये रहा आपका जीरो 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं टेम्परेचर चेंज करेंगे रेंज भी चेंज हो जाएगा जीरो से लेकर चौदह 25 डिग्री सेल्सियस पे तो जब हम सात की बात करते हैं पीएच इज इक्वल्स टू सात है तो यहां पर क्या होता है सुनील भैया यहां पर क्या होता है कि आपका एच प्लस एक्वस आयन का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज इक्वल्स टू ओ एक्वस आयन कंसेंट्रेशन तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया यहां पे? ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा तो एसिडिक और बेसिक पर समान है, यानी कि इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल क्या बोलेंगे दोस्त इसको बोलेंगे न्यूट्रल ठीक है यही चीज तो यहां पे लिखी थी मैंने पीएच अगर सात है तो न्यूट्रल सोल्यूशन है सात से कम है तो एसिडिक और सात से ज्यादा है तो बेसिक ठीक है तो जब 7 है तो h+ एक्वासाइन का कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू द oh- एक्वासाइन कंसेंट्रेशन। लेकिन अगर 7 से नीचे जाते हैं 7 से नीचे जाते हैं मेरे दोस्त 7 से नीचे जाते हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर देखिए साफ-साफ लिखा है एसिडिक नेचर बढ़ता है एसिडिक नेचर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है कि h+ एक्वस आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ ओ एच माइनस एक्वस आयन का कंसेंट्रेशन घट रहा होगा ठीक है एक्वस आयन का जो कंसेंट्रेशन है, वो घट रहा होगा ठीक है तो अगर हम बात करें 6, पांच चार तीन दो एक जीरो यानी ये एसिडिक कैरेक्टर यहां पर बढ़ रहा है जितना ज्यादा पीएच घट रहा है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर एसिडिक नेचर आपका बढ़ रहा है ठीक है मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या तो यहां पर जब पीएच सात है तो एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन ओ एच माइनस एक्वस आयन के कंसेंट्रेशन के बराबर है अगर यहां से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर H+ प्लस एक्वस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक कैरेक्टर घट रहा है क्योंकि OH माइनस एक्वस आयन का कंसेंट्रेशन घट रहा है उसी प्रकार अगर सात से ऊपर जाता हूं आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो बेसिक नेचर बढ़ता है क्यों क्योंकि ओ एच माइनस एक्वस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा सोचो ऑब्वियसली सुनील भाई बढ़ रहा होगा और एच प्लस एक्वस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो घट रही होगी सात पे दोनों की बराबर है सात से ऊपर जाएंगे तो ओ एच माइनस एक्वस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी H प्लस एक्वास एन की कंसेंट्रेशन घटेगी सात से नीचे जाएंगे तो OH एच माइनस एक्वास की कंसेंट्रेशन घटेगी H प्लस एक्वास एन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी ठीक है मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या क्लियर है क्या आपको मेरी बात क्लियर है क्या आपको मेरी बात सही है क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या ठीक है ये बात क्लियर है क्या है, जी भैया चलो अब यहां पर एक टॉपिक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर देखिए इसका नाम ही बता रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर है ठीक है अब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में क्या होता है द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ थाइमोल ब्लू फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज काफी सारे इंडिकेटर्स का मिश्रण होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर जो अलग अलग पीएच रेंज पे अलग अलग रंग दर्शा के ये बताता है कि यह एसिडिक है बेसिक है या न्यूट्रल है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने विबग्योर पढ़ा होगा तो इस विबग्योर का वॉयलेट और इंडिगो को उड़ा दीजिए या नीले से चालू करते हैं कहां से नीले से चालू करते हैं तो नीला ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड देखो वॉयलेट और इंडिगो को तो हटाओ ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है तो देखो जो इतना ज्यादा स्ट्रांगली आपका बेसिक होगा उसका पीएच लगभग क्या है 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 14 इसका पीएच है याद रखना यह किसके लिए यूज किया जाता है यह ड्रेन क्लीनर की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है अभी आगे इसके काफी सारे यूजेज में बताऊंगा लेकिन इसका वन ऑफ द दूजेज में यहां पर ड्रेन क्लीनर इसीलिए लिख रहा हूं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा गया था कि एक सब्सटेंस है जिसका पीएच फोर्टीन है ड्रेन क्लीनर की तरह यूज होता है क्या है वो तो वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ड्रेन का ड्रेन क्लीनर आता भी है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं इधर की तरफ यानी न्यूट्रल जोन की तरफ आ रहे यहां पे बेसिक कैरेक्टर घटता जा रहा है तो देखिए ब्लू से क्या हो जाएगा ब्लू से धीरे धीरे क्या होने लगेगा ब्लू से धीरे धीरे क्या होगा 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 लाइट लाइट ब्लू 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 ये ये देखो डार्क से ठीक है ना फिर उसके बाद ये बेसिकली ग्रीन की तरफ जाएगा येलो की तरफ जाएगा इसमें काफी सारे जोन बन सकते हैं अगर आप इनको क्लासीफाई करना चाहे तो इनको आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं जैसे ये वाला जोन क्या है जैसे ग्रीन है तो ये वाला जोन क्या ग्रीनिश येलो जोन है कैसा जोन है ग्रीनिश येल्लो फिर येल्लो आ गया है ना ये वाला जो जोन है वो कैसा है येलोइश ऑरेंज है कैसा है येलोइश ऑरेंज कैसा जोन है ये वाला ठीक है येलोइश ऑरेंज ठीक है फिर ऑरेंज रेड ये अलग अलग जोन यहां पे बनती है तो जो मेजर आपको याद रखनी है कि दोस्त यहां से ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड यानी यहां पर अगर हम जब सात की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा आपका ग्रीन रंग होगा और काफी ज्यादा रेड है इसका मतलब काफी ज्यादा एसिडिक है लाल मतलब डेंजर और काफी ज्यादा ब्लू है इसका मतलब काफी ज्यादा बेसिक है समझ में आ गया क्या पीएच स्केल जीरो टू फोर्टीन तक होती है रूम टेम्परेचर पे सात पे ग्रीन यानी न्यूट्रल है फोर्टीन पे बेसिक यानी कि ब्लू है स्ट्रॉन्गली बेसिक यानी नीला है और यहां पे जीरो पे रेड एक्सट्रीमली रेड यानी एक्सट्रीमली एसिडिक है समझ में आ रही बात इस तरीके से एक रेंज रन करती है है ठीक दोस्त ठीक है दोस्त ठीक है, है, है दोस्त चलो अब देखिए इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसी पर्टिकुलर टॉपिक में पीएच पेपर क्या होता है अब पीएच पेपर क्या होता है कुछ नहीं करना आपको यह मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है फॉर एग्जाम्पल यह आपके पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर क्या करना है आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर एक पेपर को डिप करवाना है ठीक है ना डिप अ पेपर एंड कीप इट ड्राइंग यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपने एक पेपर को डुबाया और सुखाने के लिए रख दिया ये जो आपका पेपर बनेगा ये जो आपका पेपर बनेगा ये आपका पीएच पेपर बनेगा मेरी बात समझ में आ रही है क्या अरे भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर अगर आप एक पेपर को डिप करके सुखाने के रख दें तो ये जो पेपर आपका करेगा ये पीएच पेपर है जैसा अपन करते हैं ना भाई रेड लिटमस और ब्लू लिटमस सोल्यूशन बन जाता है जब अपना तो रेड लिटमस पेपर में अगर रेड लिटमस सोल्यूशन में अगर अपन एक पेपर को डिप करके सुखाने के लिए रखते हैं तो रेड लिटमस पेपर बनता है उसी प्रकार ब्लू लिटमस सोल्यूशन में एक पेपर को डिप करके सुखाने के लिए रखते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर बनता है पता है ना हा जी भैया तो जनरली अ पेपर इंप्रिग्रेटेड इम्प्रिग्रिनेटेड द यूनिवर्सल इंडिकेटर और इन द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग द पीएच ऑफ द दिस पेपर स्ट्रिप इज नोन एज पेपर इमेट का मतलब क्या होता है इसका इसका मतलब मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है है कि आपने इसके अंदर डिप किया एंड देन सुखाने के लिए रख दिया ठीक है तो दैट इज बेसिकली नोन एज पीएच पेपर इसी के साथ एक और आता है एक पीएच मीटर भी आता है जो आपको मार्केट में मिलता होगा ठीक है ना मेजरिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली इसको डालते हैं और सोल्यूशन का पीएच को पता लगाया जाता है यानी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन में क्या बदलाव है कितनी है उस बेसिस पे एक्स्ट्रा पोलियड किया जाता है कि एसिडिक है कितना एसिडिक है बेसिक है तो कितना बेसिक है न्यूट्रल है तो क्या है ठीक है वो सारी चीजें बताई जाती है चलो अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जल्दी जल्दी सीखेंगे फटाफट फटाफट भैया पीएच का इंपॉर्टेंस डेली जिंदगी में क्या है डेली जिंदगी में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है सुनील भैया ठीक है ना बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर अभी तो बताया ब्लू मिथाइल ऑरेंज फलीन इन सारी चीजों के मिश्रण को यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं बताया तो था अभी भाई क्या कर रहे हो मेरे दोस्त मेरे भाई ये अभी तो बताया था मिक्सचर ऑफ थाइमॉल ब्लू फिनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज इतने सारे इंडिकेटर्स का जो मिक्सर है दैट इज बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर चलो अब इसकी रियल लाइफ में रियल जिंदगी में क्या क्या इंपॉर्टेंस आई है मैं आपको बता देता हूं नाउ सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन सुनना वेन एवर वी आर स्टंग बाय हनी बी और एन रेड आंट या कोई चीटी हमें काट लेती है वेन वी आर स्ट्राइ अनी पेन एंड इरिटेशन दिस इज बिकॉज आंट एंड बी स्टिंग इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड अब यह एनसीआरटी का आउटडेटेड कंसेप्ट है ठीक है यह आउटडेटेड कंसेप्ट हो जाता आपकी है आपकी एनसीआरटी का ठीक है सुनील भैया अब क्योंकि एनसीआर बहुत समय से अपडेट नहीं हुई तो इसमें हिस्टमाइन का जो कंसेप्ट है वो आता ही नहीं है बट मैं आपको वो भी वही बता रहा हूँ जो एनसीआर में लिखा है तो जैसे ही आपको मधुमक्खी या लाल चीटी काट लेगी तो आपको जहां पर उसने काटा है वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा इरिटेशन होने लगेगी क्योंकि आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करवा दिया गया है इसके पीछे की साइंस और भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है बट ठीक है अभी एनसीआरटी एनसीआरटी खेलना है बोर्ड के हिसाब से तो अभी इतना ही बताएंगे सल्यूशन क्या है to nullify its effect and to provide relief a solution of mild base like baking soda should be applied अब आपको यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी क्योंकि यहां पर फॉर्मिक एसिड या फिर जिसको हमने बोला था मीथेनोइक एसिड उसको आपके हाथ में या आपके किसी भी रिलेट बॉडी पार्ट में उन्होंने इंजेक्ट करवा दिया है तो भाई जहां पर वो चीज हुई है जहां पर भी काटा डंक मारा है वहां पर आपको एक बेसिक सब्सटांस को अप्लाई करना पड़ेगा जिसका नाम यहां पर क्या है जिसका नाम यहां पर है बेकिंग सोडा इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने लगे ठीक है जी एक और बता देते हैं मान लीजिए मधुमक्खी ने आपको डंक मारा तो वह एक ही बार डंक मार सकती है जैसे वो डंक मारती है उसका डंक आपके शरीर में रख जाता है उसका एबडोम पेट वेट छाती वाती सब फट जाती है ठीक है ना तो एक ही बार डंक मारती है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है टा टाणा टा टा टाणा टाणा टा अटाना टटाना टाणा वो डेड हो जाती है खत्म टाटा बाय बाय ठीक है खत्म टाटा बाय बाय हो जाता है उसका समझ रहे हो ना क्यों ये देखो ऐसा बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा गहरा अधिक देखो जितना उतना फिर बुरा फल मिलेगा अपन ने थोड़ा चेंज कर दिया मेहनत के ऊपर था बट बुरा करोगे तो बुरा तो मिलेगा भाई समझना की बात जी अब ये डंक मार के गई तो भगवान ने बोला ठीक है भैया ऐसा होगा तुम्हारे साथ ठीक है हाँ। चलो अब देखो एक नंबर का सवाल है सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023-2024 में एक नंबर का सवाल है पोल को नहीं दे रहा हूं चैट बॉक्स में आंसर कर देना माइल्ड नॉन कॉरोजिव बेसिक सॉल्ट इज इनमें से कौन सा माइल्ड नॉन कॉरो बेसिक सॉल्ट है कौन सारे कौन सारे कौन सारे कौन सारे कौन सा कौन 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 है सुनील भैया भले यहां पर हमने एनसीआरटी की लैंग्वेज में माइल्ड बेस लिखा है लेकिन आपको भी आगे ये क्लियर हो जाएगी चीज ठीक है ना तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बिल्कुल सही दे रहे हैं बच्चे करेक्ट आंसर आप लोग सही दे रहे हैं करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी ठीक है ना अब देखिए सबसे पहली चीज इसने बोला माइल्ड माइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा माइल्ड का मतलब क्या हो जाएगा दैट नॉट या आप कह सकते हैं कि नॉट टू बेसिक या नॉट टू हाई पीएच होगा इतना ज्यादा हाई पीएच नहीं होगा ठीक है ना नॉट एक्सट्रीमली बेसिक बिल्कुल एकदम कास्टिक सोडा वाली रेंज में नहीं है नॉट एक्सट्रीमली बेसिक ठीक है नॉन कॉरोजिव का मतलब क्या है कि आपकी चमड़ी पे अगर कॉन्टेक्ट में तो जलाएगी नहीं डोंट डोंट डैमेज द स्किन और डोंट क्रिएट बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन मतलब हाथ पे जलने वाला सेंसेशन नहीं आएगा ठीक है ना ना तो आपकी चमड़ी को जलाएगी और साथ ही साथ ना ही आपकी चमड़ी को डैमेज करेगा अब क्या है बेसिक सॉल्ट है क्या ये बेसिक सॉल्ट है हाँ जी ये बेसिक सॉल्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा बाकी गलत क्यों है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है काफी ज्यादा स्ट्रोंग बेस है सॉल्ट नहीं है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है आप इस कंसेप्ट के बेसिस पे भी कर सकते थे बेसिक सॉल्ट है अभी आगे क्लियर करूंगा बेसिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है ये बेसिकली आपका क्या है ये न्यूट्रल सॉल्ट है ये आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है अब इनको अगर तुम लगाओगे तो ये उल्टा तुम्हारी चमड़ी जला देंगे इनको मत लगा देना तो ये आपका क्या है जो क्वेश्चन में दिया है माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक सॉल्ट ठीक है माइल्ड नॉन रोजिव बेसिक सोल्ट इज बेसिकली थ्री ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात जीविया चलो अब सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स की दूसरी चीज पढ़ते हैं मैंने आपको पढ़ाया था नेटल प्लांट की जो लीव्स होती हैं ये काफी ज्यादा तीखी होती है देखिए काफी ज्यादा तीखी है ये ऐसे स्टिंगिंग हेयर इसमें से निकल रहे हैं भैया अगर ये चुप जाएंगे हमारे शरीर के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा दर्द देते हैं तो लीव्स ऑफ नेटल प्लांट्स हैव स्टिंगिंग हेयर दैट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड वेंट टच एक्सीडेंटली गलती से टच कर गया आ, दर्द होगा तो क्या करना है इसने फिर से एसिडिक सब्सटेंस बॉडी में डाला तो बेसिक सब्सटेंस लगा दो अब इसकी ट्रेडिशनल रेमेडी एनसीआरटी में ट्रेडिशनल एरिया विदीव ऑफ द डॉग प्लांट दैट ग्रोज इन दिसटल प्लांट तो यह अगर आपका नेटल है तो विसिनिटी का मतलब होता है नियर टू सॉरी नियर टू दिस ये डॉक प्लांट उगता है डॉक प्लांट तो इसकी पत्तियों को लीजिए और वहां पर आप अपना घिसने लगिए ठीक है अगेन कह रहा हूं इसके पीछे की साइंस बहुत डीप है एनसीआरटी के हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूं इसीलिए आपको ये बता रहा हूं हिस्टेमाइन का कंसेप्ट यहां पर दिया ही नहीं गया है बट ठीक है वो अपडेट नहीं भी इसीलिए नहीं आया है तो एक ट्रेडिशनल रेमेडी ये है कि इसके जस्ट पास में नेचर ने एक रेमेडी दे रही है कि डॉग प्लांट की लीफ उगती है आप लीजिए और इसको घिसने लग जाइए ये।, ये इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगी क्योंकि ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और हम बच जाएंगे ठीक है दर्द होने से मतलब जो दर्द हो रहा है वो हट जाएगा चलिए अब देखो अब देखो मेरे राजा बेटा ध्यान से देखो जो जो ब्रश नहीं करता है यह उसके लिए है जिसके मुंह से बहुत बदबू आती है यह उसके लिए है जो बच्चा ब्रश नहीं करता है या जिसके मुंह से बहुत बदबू आती है, है ना उसके लिए है भैया मैं ब्रश नहीं करता अब बेटा तुमको पता लगेगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था इतने दिन से तुमको पता ही नहीं था अब भैया बताएंगे तो सबसे पहले तो ये तुम्हारा मान लो ऐसा दांत है ठीक है हाँ। अरे भाई भैया ये क्या कुपोषित सा दांत बनाया आपने यार ठीक है ये मान लो तुमने दांत बनाया ठीक अब इस दांत की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है ये इस आउटर मोस्ट कवरिंग को ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है Hardest part of human body. दूसरी इंपॉर्टेंट बात इट डीग्रो यह ऐसा टिश्यू है अगर एक बार टूट गया तो रीग्रो नहीं करता अब यह किसकी बात कर रहे हैं हम टूथ इनेमल की बात कर रहे हैं यानी दांत का दांत के ऊपर जो ये सबसे बाहर वाली ले सबसे हार्डेस्ट ले और ये वापस रीग्रो नहीं करती इस पर्टिकुलर लेयर को दांत के ऊपर ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का साथी साथ ही साथ साथ ही साथ ये ऐसा टिश्यू है इट ड रीग्रो इसको बोलते हैं टूथ इनेमल अब तुम्हारे दांत कितने तुमको पता ही है ना ये चार इंसाइज फिर कैन लगते हैं प्रीमोलर लगते हैं मोलर लगते हैं है, ये सेट तुमको सब पता है है ना बचपन में पढ़ा है हा जी भैया अब देखिए तुम्हारा जो टूथ इनेमल है किससे बना हुआ है ध्यान से सुनना सो अवर टूथ इनेमल पुरानी एनसीआरटी में कैल्शियम फॉस्फेट लिखा है सिर्फ लेकिन क्लास इलेवेंथ का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में भी कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है और नई एनसीआरटी में भी यही है तो जो पुरानी फॉलो कर रहे हैं ये मत बोलना ओ, क्या लिख दिया ये तुमने क्या लिख दिया HCL तुमको लगी तो नहीं इधर बैठ जाओ मुझे जला मत देना बस ठीक है हाँ मैं जलता नहीं हूँ किसी से तुम मत मुझसे जलना ठीक है हाँ अर टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइटलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दैट इज सी एर होल्ड अब इसका फॉर्मुला भी तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे एकदम भेजे के ऊपर जाएगा इसलिए उस पर फोकस मत करो तो यह जो टूथ इनेमल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है यह किससे बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है ज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ये ऐसा टिश्यू है जो रीग्रो नहीं करता है अच्छा अब क्या ये पानी में घुल जाता है एक बात बताओ पानी में घुलता तो अभी अगर अगर ये पानी में घुलता तो मेरे दात के ऊपर से कवरिंग घुलंदर चली जाती है पेट में है ना मान लो मेरे दात के ऊपर लगा हुआ है अब मैं पीता हूं पानी में घुल रहा होता तो आउटर कवरिंग बट इट गेट्स बिलो फाइव पॉइंट फाइव मॉडरेटली एसिडिक कोरोडेड का मतलब क्या होता है डेटीट होने लगेगा डेटीरियोरेट या फिर इसकी सरफेस डिग्रेड होने लगेगी खराब होने लगेगी जैसे ही आपके माउथ का पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और जनरल कंडीशन जो एनसीआरटी बताती है 5.5 है अब ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है मैं आपको बता दूं लेकिन ये लगभग जनरल रेंज है कि 5.5 से अगर नीचे चला गया पीएच तो भैया यहां पर तुम्हारा टूथ इनेमल हार मानना चालू कर देता है और टूटना और बिखरना चालू कर देगा तो तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा सुनील भैया ये कैसे होता है सुनील भैया ये कैसे होता है तो तुम्हें शायद पता नहीं है अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है तुम्हारे मुंह में बैक्टीरिया की नहीं है बिल्कुल है तो बैक्टीरिया होते हैं हमारे मुंह में सबके मुंह में है क्या भैया सबके मुंह में है है ना बैक्टीरिया इन आर माउथ अब ये भी जैसे अपन क्या रहते हैं अपन कॉलोनी में रहते हैं भाई तुम क्या रहते हो मैं न्यू हाउसिंग बोर्ड शास्त्री नगर कॉलोनी में रहता हूं तो हर कोई 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 ना कोई कॉलोनी में रहता है है ना बहुत बहुत धन्यवाद भाई जल सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है भाई हमारी जल सेवा कर रहे हैं बहुत बड़ी सेवा होती है जल पिलाना बहुत बड़ा पुण्य काम है भाई हमको पिला रहे भाई का एकदम पुण्य बढ़ते जा रहे हैं तो दोस्त ये दांतों में कॉलोनी बना लेते हैं सरल भाषा में समझने से बोलते हैं प्लेग आपने सुना भी होगा डेंटिस्ट बोलते हैं मैं प्लेग रिमूवल करूंगा प्लेग रिमूवल करूंगा यानी तुम्हारे जो दांत में डेंटल कॉलोनी है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है वो लेकिन ये मुंह में बैक्टीरिया जिंदा कैसे रहता है इसको जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा पीना पड़ेगा रहना पड़ेगा हाँ क्या खाता है ये? अब ये बिल्कुल बायो में चल जाना यूनिसेलुलर है वॉल लेकिन इस पर फोकस करो केमिस्ट्री पे तो ये क्या करता है तुम्हारे मुंह में जो लेफ्ट ओवर शुगर रह जाता है उसको फीड करता है ओके ये उसको फीड करता है अच्छा मतलब मेरे ही मुंह में जो खाना बच जाता है उसी को ये फीड करता है इसीलिए घर वाले का कहते हैं बेटा खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर कर लेना वरना वो बैक्टीरिया इसी खाने खाने को लगेगा है ना वरनाटीरिया हाँ। अब तुम्हारा खाना हो गया तो तुम फटाफट से मुंह धो लो भैया कुल्ला उल्ला कर लो वीरेश कर लो वरना उसके बाद बैक्टीरिया उस खाने को खाएगा और फिर वो क्या करेगा वो मैं बताता हूं अब क्या करेगा अब वो खाना खाएगा हाँ खाना खाया हा ग्रो करेगा हाँ अब ग्रो भी कर रहा है अब रिप्रोड्यूस भी करेगा मैं और बढ़ूंगा दो के चार ने चार के छठ के दस नी बारह बीस पच्चीस हाँ। अब इतनी आबादी बढ़ेगी अपलोडिंग करेगा तो डाउनलोडिंग भी करेगा भैया करेगा एक्सक्रीट भी करेगा भैया अपलोडिंग करेगा तो डाउनलोडिंग भी तो करेगा मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं बायो में इसको वेस्ट बोल देंगे अपन एक्सक्रीट अभी अभी क्या है वेस्ट है फिर वो समझना तो खाया बड़े रिप्रोड्यूस किए अब जहां पर उसने खाया बिल्कुल एकदम देसी भाषा में मतलब वहीं पर उसने डाउनलोडिंग कर दी और वो डाउनलोडिंग कैसी होती है एसिडिक होती है आची, वा, वा, आची, हमारे मुंह में बैक्टीरिया वेस्ट निकालता है हाँ, ये वेस्ट कैसा होता है ये वेस्ट एसिडिक एस्ट होता है छी ब्रश करके आओ ओ, इससे क्या होता है एसिडिक होता ही है। एसिडिक हाँ, होता है मतलब बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर हमारा ही लेफ्ट ओवर शुगर को खाता है ईट करता है ग्रो करता है रिप्रोड्यूस करता है फिर वहीं पर ही हाँ वहीं पे एक्सक्रीट कर देता है और वो वेस्ट एसिडिक है मतलब सोचो बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर अपने वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहा है हम उसको कैरी करके चल रहे है। खून की उल्टी खून की उल्टी ऐसा हो रहा है क्या ऐसे ही तो हो रहा है और अगर ये वेस्ट बहुत बढ़ गया तो दांत खराब तुम्हारे बाय बाय टाटा तो अब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा तो मान लो पीएच अगर साढ़े पांच से कम हो गया तो इससे नीचे चला गया तो तो फिर तो क्या होगा फिर आपका टूथ डी के स्टार्ट होता है या जिसको डीमिनरलाइजेशन कहते हैं क्या कहते हैं डी मिनरलाइजेशन यानी कि ये कैल्शियम और फास्फेट मिनरल्स अलग होने लगते हैं कैल्शियम एंड फास्फेट ये अलग अलग होने लग रहे हैं आपके आयंस डीमिनरलाइज हो रहा है यानी कि जो टूथ इनेमल है ये एक तरीके से आपका खराब हो रहा है डिग्रेड हो रहा है इसे टूथ डीके या डीमिनरलाइजेशन कहते हैं भैया ये कैल्शियम फॉस्फेट में अलग अलग हो रहा है खराब होने लग रहा है दांत सड़ने लग जाते हैं कोई लोग इसको कैविटी भी कहते हैं कोई कहता है दांत में कीड़ा लग गया ठीक है हाँ समझ में आया हाँ अब भैया मैं को मेरे को जल्दी जल जल्दी बताओ मैं मैं तो इसको उपाय करना चाहता हूं तू देख उपाय करना चाहता है भगवान हमसे ज्यादा होशियार है उन्होंने नेचुरल उपाय पहले ही भेजा था ठीक है उन्होंने एक नेचुरल उपाय पहले ही भेजा पहला उपाय जो उन्होंने दिया नेचुरल वे ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेचुरल वे ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन माउथ तुमने ये नहीं सोचा कि फाइव फाइव पॉइंट एट फाइव पॉइंट नाइन सिक्स इस पे क्यों नहीं है खराब हो रहे क्योंकि उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कोई ना कोई चीज वहां पर है न्यूट्रल वे ऑफ़ है सलाइवा नहीं बोला बोला मुंह के अंदर होता है थूक देखा है ना हा तो saliva, भगवान ने पहले ही दिया था भैया ठीक है ना हा ये बेसिकली स्लाइटली एल्कलाइन होता है लेकिन अब जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर ये भी हार मान लेगा ये कहेगा येगा ये दांत ही गंदे हैं ये कहेगा आदमी गंदा है इसके यह तो कहेगाड़ा मान ही नहीं रहा मेरी बात ब्रश ही नहीं कर रहा कुल्ला नहीं कर रहा तो फिर तो खराब होने ही है हाँ। अच्छा मान लो भैया मैं इसका प्रोडक्शन बढ़ा दू तो इसको एक तरीका बताता तो, हूं तुमने देखा लोग चुंगम चबाते रहते हैं है ना शुगरलेस चुंगम आती है अब शुगर वाली चुनंगम मत खाना नहीं तो बैक्टीरिया मजे मस लेगा एकदम तुम्हारे कहेगा ले बेटा ला शुगर भी ला तू तो बढ़िया ला बेटा मैं तो मस्त खाऊंगा ईट ग्रो रिप्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट तो शुगरलेस स्विंगम खाते हैं कुछ लोग देखा है कभी हाँ। इससे क्या होता है सुनील भैया इससे बहुत सारी चीजें होती है इसका एक एडवांटेज और भी है शुगरलेस स्विंगम से क्या होता है सलाइवा की प्रोडक्शन बढ़ती है सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीजेस तो जो लोग बहुत दिन तक ब्रश ब्रश नहीं करते वो शुगरलेस स्विंगम डाल के चल रहे होते हैं या तो माउथवॉश लेते हैं नहीं तो शुगरलेस चुविंगम खाते रहते हैं शुगर चुविंगम खाने से क्या हो जितना उतना निकलेगा, उतना वो को कर देगा क्या बात है, इतनी लगती है, इतनी लगती है बेटा। अब देखो राजा बेटा ये दूसरा तरीका अब ये दूसरा तरीका बहुत प्रचलित है बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टूथ दी टू क्लीन द अ बेसिक सब्सटेंस लाइक टूथपेस्ट दैट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द माउथ ठीक है ना

समझ गए हाँ मेरी बात सही है समझ में आ गई जी क्लियर है बात हाँ तो अब कितने बच्चे रात को ब्रश करके सोएंगे चैट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन रात को ब्रश करके सोएगा चैट बॉक्स में बताएगा भैया करें जल्दी से भैया मैं रात को ब्रश करूंगा हाथ ऊपर करें इन द चैट बॉक्स <laughs> एक कह रहा है मैं तो चुंगम खाऊंगा

तो ब्रश करना है और पेट भी साफ होना चाहिए पेट साफ नहीं होगा तब भी मुंह से बदबू आती है पता है कि नहीं पता है हाँ पेट मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट निकला होना चाहिए हमारा वेस्ट जो है वो निकला होना चाहिए समझ गए नहीं तो फिर भी बदबू आती है समझे कि नहीं हाँ एक कोरा मैं करूंगा एक कोरा मैं नहीं करूंगा जो नहीं करेगा बेटा वो गया दांत खराब हो जाएंगे बेटा तेरे मत कर दू <laughs> एक टूथपेस्ट ही खत्म हो गया मेरा <laughs> आजा बेटा मैं तेरे को दे देता हूँ पेस्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अब देख बेटा कभी कभी ऐसा देखा बहुत ज्यादा खा लेते हैं जब अपन बहुत ज्यादा खा लिया अपन ने है ना या बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया तीखा खाना खा लिया ईटिंग टू मच स्पाइसी फूड और तीसरी चीज मेरे साथ होती है लेकिन वो अभी भी मैं करूंगा तुम्हारे सामने क्या ड्रिंकिंग कैफिनेटेड ड्रिंक्स ड्रिंकिंग कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक टी कॉफी एटसेट्रा ठीक है तो ज्यादा खाने से ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा तीखा खाने से ये कैसी चाय लाया भैया जी और अब कुछ खाए नहीं तो चाय पिए और ऐसी चाय को बार बार पीने से एसिडिटी बढ़ती कहते ना और एक खाली पेट तो चाय मत पियो एसिडिटी हो जाएगी या ज्यादा चाय मत पियो एसिडिटी हो जाएगी क्यों में भी एक है? का नाम क्या, क्या? चाय के अंदर कौन सा एसिड है कोई चैट बॉक्स में बताएगा क्या है कौन सा एसिड है तो <laughs> 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 <toh> तो कभी कभी अपन जब ज्यादा खा लेते हैं या बहुत ज्यादा तीखा खा लेते हैं या ज्यादा ड्रिंक्स पी लेते हैं सो द मोर अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन रिक्वायर्ड नाउ दिस रिजल्ट इन पेन एंड इरिटेशन इन द लोअर चेस्ट एरिया एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एसिडिटी या फिर इस कंडीशन को बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स या फिर इसको बोलते हैं हार्ट बन बन या फिर चेस्ट बन बोलते हैं ठीक है मतलब होता क्या है, basically, कि कभी कभी क्या होता है कि जो अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है बायो में पढ़ा होगा तुमने गैस्ट्रिक जूस में तुम्हारा एच होता है, है ना फिर उसके बाद पेप्सिन होता है लाइपेज होता है, है एटसेट्रा गैस्ट्रिक जूस होता है तो गैस्ट्रिक लैंड कभी कभी ज़्यादा ज़्यादा कर देती है, है? तो होने की वजह से क्या होता है? में उल्टा ट्रेवल करता है है ना? तो इसे बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स या चेस्ट बन या हार्ट बन बोलते हैं ठीक है ना चेस्ट बन या फिर हार्ट बन बोलते हैं तुम्हें एग्जाम में एसिडिटी ही लिखकर आना है

होल्टवाइज जो कि आपके एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेगा इसको ले लीजिए जो अपन ने पीछे एक फोटो देखी थी ना जहां पे ड्रेन क्लीनर में सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा था वहां पर ये भी दे रखा था इसका पीएच अप्रोक्सीमेटली टेन पे आता है है ना जी भैया ठीक है अच्छा भैया मैं और क्या ही ले सकता हूं बेटा तो ठंडा दूध भी ले सकता है कोल्ड मिल्क कोल्ड मिल्क कैन ऑल्सो भी टेकन समझ गया समझ में आ गई बात ठंडा दूध भी पी सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है और ठंडा होने की वजह से हमें काफी ज्यादा राहत मिलती है गर्म मत पीना ठंडा दूध पीना है ना हाँ अम्ल वर्षा अरे भाई साहब अम्ल वर्षा भी होती है क्या हाँ बिल्कुल होती है भाई क्या होती है सुनील भैया अम्ल वर्षा कोई बताएगा चैट सेक्शन के अंदर अम्ल वर्षा में कौन कौन से एसिड है ये भाई देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये देख मेरे भाई लिखा तो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज नथिंग बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सल्यूशन फॉर्मेट में लेंगे तो इससे सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं टैबलेट के फॉर्मेट में भी मिल जाता है सल्यूशन फॉर्मेट और टैबलेट के फॉर्मेट दोनों में मिल जाता है ठीक है अब देख भाई एसिड रेन में कौन कौन से एसिड रिस्पॉन्सिबल है जल्दी जल्दी बता मुझे फटाफट से एसिड रेन में कौन कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है हाँ बहुत बढ़िया सल्फ्यूरिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है और नाइट्रिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है और एक और ये टार्ट्रिक एसिड हाँ निशांत भाई बहुत बढ़िया आदमी है निशांत भाई ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ठीक है तुमने बताया नहीं चाय में कौन सा एसिड है जो मैं पी रहा हूं टेनिक एसिड है क्या चाय में सर्च करो चलो थोड़ा गूगल गूगल भी खेला करो हर चीज भैया ही बता देंगे तो तुम क्या करोगे है ना अब देखो वेन द एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट अब पॉल्यूटेंट क्या होता है अनवॉन्टेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस यानी एक तो तेरी जरूरत नहीं ऊपर से तू तो घातक है अनवॉन्टेड एंड हार्मफुल सब्सटांसिस को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट तो जब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके बारिश के पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं तो ये एसिड्स का निर्माण करते हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड जैसे मान लो बेटा ये तुम्हारे बादल हैं और ये तुम्हारी धरती है तो ये पॉल्यूटेंट मान लो इधर पड़े हुए हैं एयर पॉल्यूटेंट है कभी कभी सुना भी होगा कि जब ये पोल्यूटेंट्स की वजह से धुंध यानी स्मॉग वगैरह हो जाता है, बारिश आने के बाद विजिबिलिटी बढ़िया हो जाती है क्योंकि होता क्या है बारिश का पानी में डिजोल्व कर जाते हैं अब ये डिजोल्व कर जाते हैं तो सीधा जमीन पे जाके गिरते हैं तो ये जो बारिश बन रही है ये एसिड रेन है तो सुनील भैया

है ना ये एच टू सीओ थ्री एक्वस यानी कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देगा ये रहा ठीक है कार्बोनिक एसिड का निर्माण कर देगा ये रहा दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड से ये देखो मैं बताता हूं तो ये जो एसओ टू है मेरे राजा बेटा ये बेसिकली एच टू ओ यानी बारिश के पानी में रिएक्ट करके बनाता है H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने पे क्या बनता है H2SO4 टू एक्वस बन जाता है ठीक है उसी प्रकार नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है मेरे राजा बेटा ध्यान से देखो नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ठीक है ये आपका पानी में डिजॉल्व करता है तो ये एक साथ दो एसिड का निर्माण कर देता है एक होता है एच एन ओ टू एक्व यानी नाइट्रस एसिड और एक होता है एच एन ओ थ्री एक्वस जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड ठीक है वाले रिलेट कर पाएंगे इसको डबल एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं एक साथ दो एसिड का निर्माण करता है ये ठीक है so, सो दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन तीन और दो पांच चार और एक पांच दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है अब होता क्या है आगे आगे क्या होता है फर्दर ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और एच एन ओ थ्री बना लेता है ठीक है ना अगर आपको यह लग रहा है कि ओटो लिखने की जगह आप ऑक्सीडेशन लिख दो समझ नहीं आ रहा तो मैं लिख देता हूं वो भी लिख देता हूं इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यह बनेगा और इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यह बनेगा अभी और अच्छे से समझा रहा हूं ध्यान से सुनना देखो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से डिसॉल्व करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा यह तो हमेशा बारिश के पानी में बनता ही है ये तो हमेशा बनता है इसकी वजह से हम कहते हैं माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन एसिड रेन का माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका इसीलिए हम इसको इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं देते क्यों अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा ही अवेलेबल है ना पॉइंट जीरो थ्री परसेंट एटमोसफेयर में हमेशा अवेलेबल है पानी से रियक्ट करेगी तो कार्बोनिक एसिड बनेगा ही बनेगा तो हमेशा बारिश का पानी एसिडिक हल्का हल्का होता ही है लेकिन इसने बोला पांच पॉइंट छह से नीचे गिरेगा पांच पॉइंट छे से नीचे गिराने के लिए काफी खतरनाक एसिड का और निर्माण होना चाहिए तो ये बाकी के दो तो खतरनाक एसिड बनते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड पानी में तो क्या बना सल्फ्यूरस एसिड एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन हुई तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिकता है।, है।, है, है नाइट्रिक नाइट्रस एसिड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन दोनों का है यह है सल्फ्यूरिक और यह है बेसिकली नाइट्रिक इन दोनों का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से काफी ज्यादा पीएच जो है रेन का नीचे चला जाता है और अगर इसका पीएच पांच पॉइंट छह से नीचे चला गया तब हम इसको अम्ल वर्षा एसिड रेन घोषित कर देते हैं सर इससे दिक्कत क्या है होने दो भाई अम्ल वर्षा ऊपर से एसिड बरस बरस जाए बादल बरस जा अमल वर्षा लेके बरस जा दिक्कत धरती पे होगी क्या मैं बताता हूं देखो पानी के अंदर कुछ जानवर रह रहे हाँ उनको जिंदा रहने के लिए कुछ स्पेसिफिक पीएच की जरूरत है हाँ तुम एसिडिक रेन डाल दोगे पीएच टेढ़ा मेढ़ा इम्बेलेंस हो जाएगा मर जाएंगे सो एसिड रेन मेक्स द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट बाय लोवरिंग द पीएच ऑफ रिवर वाटर दूसरा प्रमोट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन जंग लगने को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है तीसरा मार्बल की बिल्डिंग्स को कोरोड कर देता है क्योंकि मार्बल क्या हो जाएगा मेटल का कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेगा बनाएंगे और एसिड इस बन जाएगा मार्बल तो साथ साथ करते हैं बाइ किलिंग दल न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम एंड पोटेशियम सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देते हैं बाय किलिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक पोटेशियम एंड कैल्शियम तो ये इतने सारे हार्मफुल इंपैक्ट्स है एसिड रेन के एक्वेटिक लाइफ यानी जो आपके पानी में जो ऑर्गेनिज्म जिंदा उनके लिए स्पेसिफिक पीएच की, की जरूरत है उसको लोअर डाउन कर देगा मरने लगेंगे लोहे पे जंग लग रही है उसको प्रमोट करता है एसिडिक मीडियम और ज्यादा जंग लगे लोहे की चीजों पे तीसरा मार्बल की बिल्डिंग्स को खराब करता है जैसे ताजमहल का ताजमहल इज आल्सो मेड अप ऑफ मार्बल है ना तो एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा था है ना इसे मार्बल कैंसर भी कहते हैं साथ ही साथ बेसिकली सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है बाई किलिंग पोटेशियम एंड कैल्शियम समझ में आ रही है बातें भैया दो किताब में तो है नहीं सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर में पूछा था कक्षा में पढ़ाया पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में पढ़ा देती है इसीलिए बोर्ड पूछ लेता है फिर ठीक है हा अब आगे चलो पीएच ऑफ द सॉइल सॉइल का पीएच भी मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए सॉइल के पीएच पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है क्यों देखिए एवरी क्रॉप ग्रोस बेटर इन अ पर्टिकुलर पीएच रेंज हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक आइडल पीएच रेंज की जरूरत होती है जैसे चावल उगाना है तो हल्का स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए पीएच शुगर केन उगाना है तो न्यूट्रल पीएच होना चाहिए स्लाइटली एसिडिक पीएच ऑफ सॉइल न्यूट्रल पीएच ऑफ सॉइल चाहिए शुगर केन के लिए सिट्रस फ्रूट्स लाइक आपका लेमन वगैरह ऑरेंज वगैरह इनके लिए एल्कलाइन सॉइल चाहिए पीएच ऑफ सॉइल क्या होना चाहिए पीएच ऑफ सॉइल एल्कलाइन होना चाहिए तो हर पर्टिकुलर तरीके की क्रॉप को उगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की जरूरत होती है अब राइस के लिए जो सॉइल होनी चाहिए स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए शुगर केन के लिए पीएच ऑफ द सॉइल न्यूट्रल होना चाहिए उसी प्रकार के लिए सिट्रस फ्रूट्स के लिए एल्कलाइन पीएच होना चाहिए ठीक है अब इससे रिलेटेड एक सवाल करा तो जो एनसीईआरटी के अंदर भी है कवर करो इसको फटाफट से जल्दी से अ फार्मर वांट्स टू ग्रो शुगर केन ऑन इस फील्ड एक किसान गन्ना उगाना चाहता है अपनी फील्ड के ऊपर एंड हैज ट्रीटेड द सॉइल ऑफ इस फील्ड्स विथ क्विक लाइन या फिर स्लेक्ड लाइन या फिर चौक इनसे करता है अंडर वॉट कंडीशन ऑफ द सॉइल ही तो सॉइल की कंडीशन क्या हुई होगी एसिडिक एल्लाइन या बेसिक एलक्लाइन या बेसिक जल्दी बताओ एक मिनट दोनों सेम ही तो बात लिख दी मैंने एसिडिक और बेसिक, आप करो मैं भी सवाल बनाता हूं अब ये तुम्हारी किताब का ही सवाल है उसको मैंने मॉडिफाई किया है ठीक है अब सोच के बताना सोच के बताना थिंक एंड देन आंसर जल्दीबाजी में आंसर मत करना सीबीएसई घुमाने के लिए सवाल पूछेगा घुमाने के लिए ही पूछ रहा है वो तो सोच समझ के आंसर करना हम्म <laughs> जादू हो जाता है बिल्कुल सही अब देखो तुम कंफ्यूज हो ए बी ए बी लिख रहे हैं बच्चे देख राजा बेटा मेरी बात समझ एसिडिक कंडीशन हुई है इसलिए उसने किया पहले अपन समझते हैं शुगर केम के लिए कैसा चाहिए शुगर केन यानी गन्ना उगाना है किसान को ठीक है ना तो उसको कौन सा पीएच चाहिए होगा न्यूट्रल पीएच ऑफ सॉइल चाहिए ठीक है भाई पहले उसके रिक्वायरमेंट को समझो सुनील भैया उसको शुगर के नगाना है शुगर के नगाने के लिए सॉइल का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए बात क्लियर हो गई ठीक अब वो बेसिक सब्सटेंस का यूज कर रहा है क्यों कर रहा होगा अरे सॉइल एसिडिक होगी तभी तो बेसिक सब्सटेंस डाल के न्यूट्रलाइज कर रहा होगा ना एक मेरे को बात बता रहा बेटा मैं तेरे से एक बात पूछता हूं क्विक लाइम होता है सीएओ लाइम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है तू कहेगा हाँ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा ये हो जाएगा सीएस थ्री हो जाएगा ठीक, कॉमन नेम ठीक अब सुनील भैया कैल्शियम ऑक्साइड जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा लाइम है ठीक हा भैया ये क्या है ये हमारे पास, है। ये पास, ये पास लाइम है ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास स्लेग्ड लाइम है और ये हमारे पास क्या ये हमारे पास चौक है ठीक है अब इनका जो नेचर है वो बेसिकली क्या होगा सुनील भी इनका नेचर क्या होगा तीनों का नेचर आपके पास जो आएगा वो तीनों का नेचर आएगा बेसिक बेसिक नेचर है ठीक है तो अब ये बेसिक नेचर है इसको न्यूट्रल पे लेके आना है तो ये ऑब्वियसली क्या कर रहे होंगे ठीक है ना ये ऑब्वियसली क्या कर रहे होंगे ये बेसिक है न्यूट्रलाइजिस द एसिडिक मीडियम ऑफ सॉइल क्यों क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है समझ में आ रही क्या बात हर एक चीज को एनालाइज करना सीखो 22 शुगर के इनके लिए न्यूट्रल पीएच सॉइल का तो किसान ये क्यों कर रहा है किसान को यह पता है कि ये 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 तीनों बेसिक है अब वो बेसिक सब्सटेंस क्यों डाल रहा होगा क्योंकि सॉइल एसिडिक हो चुकी होगी उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है ताकि यहां पर न्यूट्रल पीएच अटेन कर सके और शुगर गेन को उगा सके मैं समझा पा रहा हूं क्या यार अरे क्लियर करवा पा रहा हूं क्या यार समझ में आ रही है बात चलो अब तुम्हें दही बनाने का प्रोसेस भी सिखाते हल्का हल्का हाँ यहां पर मेरे से वो मत एक्सपेक्ट करना अभी कि मैं तुम्हें टैगाटोस पाथवे बताऊंगा

सबसे पहले दूध को गर्म करती है बहुत हाई टेम्परेचर पे फिर ठंडा करने रखती है रखती है हाँ। क्यों करते हैं अगर उसमें कोई बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह हो तो मर जाए और निकाल दे ठीक हाँ ठंडा करने रखा अब उसमें क्या करते हैं पैतालीस चालीस पैतालीस डिग्री पर आ गया अब एक दिन पुराना दही लेके ठपा करके अंदर उसमें डाला देखो थपा करके डाला ठपा करके गिर गया ठीक है तो दूध को अपन ने गर्म किया 40-45 डिग्री तक वापस टेम्परेचर आया थपा करके एक दिन पुराना दही उसमें डाला अब होगा क्या होगा क्या ठीक है ना तो सबसे पहला स्टेप वॉर्म द मिल्क दूसरा स्टेप वॉर्म द मिल्क एंड कूल इट सो दैट इट्स टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर इज एट अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एड वन डे ओल्ड कर्ड वन टी स्पून को एड करना होता है याद है ना भाई एक टी स्पून अगर आपने एक दिन पुराने दही का एक टी स्पून आपने गर्म दूध में डाल दिया तो दही बनने लगेगा कैसे बनने लगेगा शॉर्ट में समझाइए दूध में दो प्रोटीन होते हैं एक होता है वे प्रोटीन और दूसरा होता है केजीन प्रोटीन दूध के अंदर दो प्रोटीन होते हैं एक होता है वे दूसरा होता है केजी अब आपको यह पता है कि जैसे आपने कर्ड को इसके अंदर डाला है तो एसिडिक मीडियम क्रिएट होगा कौन क्रिएट करेगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बैक्टीरिया क्या क्रिएट करेगा एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा बाय रिलीजिंग दी लैक्टिक एसिड है ना जीविया अब इससे क्या होगा आपका

आपका जो प्रोटीन है फ्रजाइल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है दही बोलते हैं मिल्क मिल्क इस्तेमाल करते हैं आपको पता नहीं है उनको भी नहीं पता उनको बस इतना लगता है अगर हम बेकिंग सोडा डालेंगे तो हमारा दूध नहीं फटेगा हम ज्यादा देर तक दूध को रख सकते हैं और बेच सकते हैं अब होता क्या है क्यों दूध वाले भैया कोई बात नहीं कोई बात नहीं आज तुम्हारा गिरने का दिन है सुनील भैया क्या कर रहे हो आप बोर्ड के ऊपर पानी गिरा दिया कोई बात नहीं दूध वाले भैया गुस्सा आ गया होगा इसीलिए यहां पर पानी गिर गया कोई बात नहीं बेटा ठीक है <laughs> पूरा पानी डाल दिया मैंने नॉटी बॉय ना मैं भी अरे भाई साहब पूरा पानी पानी हो गया चलो कोई बात नहीं पानी 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 को हटाते हैं पानी तो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है अभी इसको हटाते हैं और इसको समझते हैं सॉरी भाई इधर फोकस करो अब दूध वाले भैया जब दूध बेचने आते हैं तो वो क्या सोच के आते हैं वो क्या करते हैं कि यार दूध को बेचने जा रहे हैं लेकिन जब तक सारे घरों तक देने जाते हैं तब तक, तक दूध फट जाता है तो वो क्या करते हैं बेकिंग सोडा लेके उसमें डाल देते हैं अब वो रोज ये करते हैं केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि उसके पीछे का कारण क्या है तो कारण अब हम आज जानेंगे तो मान लीजिए जैसे ही आपके पास फ्रेश या फिर रॉ मिल्क है जो दूध वाले भैया एकदम फ्रेश मिल्क फ्रेश दूध गौ माता से लेकर आए ठीक बहुत बढ़िया अब क्या है उसके अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया तो उसके अंदर भी है दूध के अंदर भी होता ही है एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो इसके अंदर प्रेजेंट शुगर को कंज्यूम करता है और फिर एसिड रिलीज करता है, है ना फ्रेश या फिर रॉ मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है, है ना? तो ये क्या करता है कंज्यूम्स शुगर ऑफ मिल्क एंड रिलीज इस एसिड ये एसिड एज अ वेस्ट आप बोल सकते हैं वो निकालता है अब इससे क्या होता है कि एसिडिक कैरेक्टर आपके दूध का बढ़ता है और इस एसिडिक कैरेक्टर के बढ़ने से दूध आपका फट जाता है फिर से सुनिए फ्रेश या फिर रॉ मिल्क जो हमारे दूध वाले भैया लेकर आते हैं उसके अंदर भी आपका क्या है

खट्टा टेस्ट हो जाता है और खट्टी स्मेल आने लगती है तो दूध जब आपका सावरिंग हो जाएगी ना खराब हो जाएगा तो जब आप दूध को सूंघेंगे आपको गंदी खट्टी बदबू आएगी और उसका टेस्ट भी खट्टा हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ चुका है इसीलिए साथ साथ ही इसका कलर अब मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं आप एक्टिव सिटीजन बने इसी के लिए आपके दूध का जो रंग है वो सफेद से पीला पड़ जाएगा लाइट येलो पड़ जाएगा जब सावरिंग होगी दूध की तो ऐसा होगा ठीक है पर इससे दिक्कत क्या है इससे दिक्कत क्या है? वो मैं आपको समझाता हूं अब क्या होता है दूध वाले भैया ऐसा क्यों करते हैं दूध वाले भैया करते हैं टू डिक्रीज द ऑफ मिल्क एड्स बेकिंग सोडा समझ रहे हो क्या मतलब अरे भाई यहां पे फ्रेश मिल्क में लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है सावरिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा तो इसको इग्नोर करने के लिए कि भाई भाई भाई, भाई ज्यादा एसिड आएगा तो मेरा दूध खराब हो जाएगा इसको इग्नोर करने के लिए वो बेकिंग सोडा डाल देता है कि भाई जैसे ही एसिड आएगा बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड आएगा बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड आएगा बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज कर देगा समझ गये? समझ गए गए टू डिक्रीज द ऑफ मिल्क मिल्कमैन एड्स बेकिंग सोडा दैट इज बेसिक इन नेचर अरे मैं समझा पा रहा हूं क्या तो दूध वाले भैया को भी ये पता है कि अगर मैं बेकिंग सोडा नहीं डालूंगा तो मेरा दूध जल्दी खराब हो जाएगा क्यों क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो दूध के अंदर प्रेजेंट शुगर को यूज करके एसिड रिलीज करता है एसिडिक बढ़ाता है है दूध हो जाएगी का मतलब कि उसका जो नेचुरल स्वीट टेस्ट है, और एक खुशबू है जो अच्छी खुशबू होती है वो खत्म हो जाएगी खट्टा हो जाएगा टेस्ट खट्टी हो जाएगी स्मेल सफेद से पीला हो जाएगा तो इसको हटाने के लिए वो बेकिंग सोडा डाल देता है क्या बढ़िया अब मैंने बेसिक सब्सटेंस पहले डाला अब तू बना ले जितना एसिड बनाना है मेरा दूध खराब नहीं होगा थोड़े समय के बाद होगा भाई जब तक बेकिंग सोडा लड़ रहा है एसिड से तब तक लड़ लेगा जब सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया आपका बेकिंग सोडा फिर अगर एसिड आया तो दूध खराब समझ गए हाँ। अब इसी से अगर आप दही बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है दही बनाने में क्यों भैया अब आपको जो भैया दूध देकर गए उसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है और दही बनाने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए कौन सा मीडियम चाहिए एसिडिक दिस मिल्क टेक्स टाइम टू सेट एस बिकॉज लैक्टिक एसिड जो आपका लैक्टिक एसिड की जरूरत होती है जिससे दही बनता है केजीन प्रोटीन आपका यहां पर फ्रेजाइल सॉलिड में कन्वर्ट होगा एसिडिक मीडियम में भाई केज़ीन प्रोटीन को एसिडिक मीडियम चाहिए दही बनने के लिए तो अब यहां पर क्या किया है दूध वाले भैया ने बेकिंग सोडा डाल रखा है आपके दूध में अब आपने क्या किया इस दूध को आपने गर्म किया एक दिन पुराना दही डाला अब इसको ज्यादा समय लगेगा दही बनने में क्यों अरे पहले ही बेसिक हो चुका है वो अब यहां पर क्या करेगा लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया रिलीज करेगा वो डायरेक्ट यहां पर दही नहीं बना पाएगा क्योंकि वो पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा बेकिंग सोडा को एंड देन वो क्या करेगा एंड देन विल स्टार्ट इसीलिए ज्यादा समय लगता है मेरी बात समझ रहे हो अरे दूध वाले भैया ने जो बेकिंग सोडा डाल के बेसिक मीडियम क्रिएट किया है तो जो लैक्टिक एसिड आएगा पहले तो बेकिंग सोडा को वो हटाएगा न्यूट्रलाइज करेगा उसके बाद अब एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जिसकी वजह से प्रोटीन एसिडिक मीडियम मिला और वो फ्रजाइल सॉलिड दही में कन्वर्ट होंगे समझ में आ गई बात तो ये पूरा का पूरा एनसीआरटी एक्सरसाइज का सवाल भी तुम्हारा निपटा दिया चलो अब बता दो कि समझ में आया कि नहीं आया आए भैया की बौछार लगा दो एकदम बहु एकदम हर एक चीज यहां पर कवर्ड हो रही है जो जो वादे तुमसे किए हैं सारे पूरे किए जा रहे हैं समझ में आ रही है क्या बात अरे मिल्क कडल नहीं करता कडल करता है। मेरे भाई कडल क्या होता है गले लगना अरे बाबू एग्जाम में कडलिंग की जगह कडलिंग मत लिख के आ जाना नेगेटिव में ना नंबर दे दे टीचर क्या इसको तो नेगेटिव में दूंगा ये देखो हमारे बाबू लोग एकदम ओपी आदमी है देख बेटा मेरी बात समझ लो सी यू आर डी एल आई एन जी कॉर्डिंग दही बनाने का प्रोसेस तो इस आर को भी डी से रिप्रेजेंट कर दे रहा है गले लगना तो तेरे को गले लगना है तो तू मेरे गले लग जा बढ़िया नंबर लिया मैं तेरे को गले लगा लूंगा ठीक है लेकिन अगर तू एग्जाम में लिख के आया तो टीचर तो बेटा पक्का तेरे को उड़ा देगा देखा इसको नंबर नहीं देने ठीक है ना एक शब्द एक लेटर तेरे शब्द का मतलब बदल दे रहा है तो क्यों लिख रहा है फिर समझ रहा है हाँ चल एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट अब बस लास्ट टॉपिक है उसके बाद कुछ एनसीआरटी एक्सामर के सवाल करेंगे कितना समय हो रहा है साढ़े नौ और नौ बज के चालीस मिनट हो रहा है दस साढ़े दस ग्यारह ग्यारह बजे तक ये हमारा खत्म हो जाएगा मुझे जहां तक लगता है उम्मीद करता हूं मैं इससे है ना आज तो बारह बजे तक भी जा सकती है क्लास कोई बात नहीं यार तुम साथ में रहोगे तो बारह बजे तक भी चला लेंगे चलो फटाफट से आ जाओ सॉल्ट क्या होता है सुनील भाई सॉल्ट क्या होता है सुनील भाई सॉल्ट सोल्ट सोल्ट आर आयोनिक कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड यानी आयोनिक यौगिक क्या होते हैं आयोनिक यौगिक आयोनिक यौगिक। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन यानी कि कटायन होता है अब ये यूजली मेटल का आयन होता है एक्सेप्ट एनएच फोर प्लस क्योंकि ये क्या है नॉन मेटलिक है तो यूजअली क्या होते हैं तो सॉल्ट्स आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक कटायन होगा एक अनायन होगा अब जो कटायन है वो यूजली मेटल का आयन है एक्सेप्ट एन एच फोर प्लस यानी जो अमोनियम है ये नॉन मेटेलिक है क्या है अमोनियम आपका नॉन मेटलिक है ठीक है एंड नेगेटिवली चार्ज आयन जो होता है अनायन ये नॉन मेटल का आयन होता है बेसिक सी बात समझा पा रहा हूं सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एक कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन एक अनायन होता है नेगेटिवली चार्ज आयन आयन क्या होता है ये नहीं आता तो केमिस्ट्री क्लास के बेसिक्स मैंने यूट्यूब पर डाले में जाकर देख लेना समझ में आ जाएगा कि आयोनिक कंपाउंड क्या है क्योंकि अभी मैं ये नहीं पढ़ाने वाला ठीक है तो सॉल्ट ऐसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक आपके पास एक कटायन होता है एक अनायन होता है कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है अनायन आपका नॉन मेटल का आयन है कटायन आपका जनरली मेटल का आयन है एक्सेप्ट अमोनियम एन एच फोर वन प्लस क्या बात है, है एग्जांपल्स देख लेते हैं राजा बेटा सोडियम क्लोराइड देखो देखो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का बेसिक सा एनालिसिस करना सबसे पहले NaCl एसीएल फॉर्मूला है सुनील भैया पॉजिटिव आयन यानी कटायन होगा मेटल का Na1+ नेगेटिव आयन अनायन होगा नॉन मेटल का सीएल वन माइनस ठीक है यहां पर है कटायन और यहां पर है अनायन ठीक है अब देखो नामकरण करने के लिए पीछे भी इसके रूल्स होते हैं जिसमें से हल्का हल्का तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो कटायन है कटायन उसका जो नाम होता है वो पहले लिखते हैं और वो कैसे लिखते हैं अगर मैं तुमसे बोलू एन का नाम क्या है तो तुम कहोगे सोडियम मैं कहूंगा एन का नाम लिखना है तो एन का नाम न्यूट्रल एलिमेंट के नाम जैसा ही लिखोगे भाई इसके न्यूट्रल एलिमेंट का नाम क्या होता है सोडियम तो बस सोडियम लिखो इनके आखिरी में अनायन के आखिरी में आईडी -E की एंडिंग जुड़ जाती है तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा एमजीसीएल ये बेसिकली देखो मेटल का आयन है और ये नॉन आयन है ठीक है तो न्यूट्रल भाई मैग्नीशियम में न्यूट्रल जो होगा जैसे कि एमजी

और ये हो जाएगा कार्बोनेट उसी प्रकार से एनएच फोर सीएल तो ये हो जाएगा अमोनियम और ये हो जाएगा क्लोराइड नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड क्लियर है बात जी भैया अब एक सवाल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आर सोल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देखिए पोल में आज कुछ टेक इश्यू आ रहा है इस वजह से मैं पोल को यूज नहीं कर रहा हूं ठीक है आप टेंशन मत लीजिए चैट बॉक्स का यूज कीजिए मैं आपका आंसर देखता हूं क्या आपको लगता है सोल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है हा या ना जल्दी से बताइए हा या ना बेटा अमलगम बेसिकली आपका मिक्सर होता है जिसके अंदर एक तरीके प्रकार का एक प्रकार का अलॉय है जिसके अंदर मरकरी हमेशा होगा और उसके अलावा कोई और मेटल का कॉन्सट्रेंट होगा जैसे जिंक अमलगम हो गया तो मरकरी प्लस जिंक डेंटल अमलगम हो गया तो मरकरी प्लस सिल्वर आर सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यस दे आर यस दे आर दैसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि नो ओवरऑल चार्ज नो ओवरऑल चार्ज मतलब कोई ओवरऑल चार्ज नहीं है इनके ऊपर नहीं है देखो नो ओवरऑल चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं एन तो एन ए वन प्लस सीएल वन माइनस एन एच फोर सी एल एनएच फोर वन प्लस सीएल वन माइनस तो देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई कटायन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है अनायन के ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज और समझदारी की बात यह है जितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया होगा उतना इसने गेन किया होगा इसने लूज किया तो कटायन इसने गेन किया तो अनायन इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ठीक है उसी प्रकार से यहां पर यह भी क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तुम कहोगे का करके दिखाओ यह देखो का करके दिखाता हूं के अंदर क्या होगा देखो एम जी सी एल टू में एक मैग्नीशियम का कटायन होगा जिसमें टू प्लस का चार्ज है और यहां पे दो क्लोरीन के अनायन होंगे जिनके ऊपर वन माइनस का चार्ज है तो टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा टोटल नेगेटिव और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज यहां पर कितना होगा टू प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा टू इन टू वन माइनस यानी यहां पर भी टू माइनस ही तो होगा समझ रहे हो भाई एक मैग्नीशियम पे टू प्लस का चार्ज है तो ये टू प्लस एक क्लोरीन पे वन माइनस का चार्ज है दो क्लोरीन है तो टू माइनस हो गया ना तो यहां पर ये यह भी क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही तो होगा जितना चार्ज सोडियम पे है उतना चार्ज क्लोरीन पे है one one minus, one one minus, और यहां पर क्लोरीन क्लोरीन पे पे क्या चार्ज हो? क्लोरीन पे है, चार्ज है दो क्लोरीन है का दो तो टू सी एल वन माइनस यानी टू नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये आपको समझना पड़ेगा ठीक है जी भैया अब आगे देखते हैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सी चीज बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सी चीज से देखना मजा आएगा अब भैया आपने इतने सारे क्लासिफिकेशन बता दिए क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द सोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ अब इसके बेसिस पे बेसिकली हमारे पास दो कैटेगरी बनती है एक बनती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी और एक बनती है वीक एसिड्स की कैटेगरी सुनील भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है वीक एसिड कौन सा है और क्या इसका मतलब है मेरी बात को पहले सुनना समझना और फिर बताना कि समझ में आया कि नहीं कंसेप्ट नंबर पहला और फिर आना कंसेप्ट नंबर दूसरे पे ठीक जी स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हम उसको बोलते हैं दैट कंप्लीटली डिसोसिएट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन टू इन एक्व सल्यूशन यानी पूरी तरीके से आयंस में डिसोसिएट हो जाए एक्वस सोल्यूशन में उसको स्ट्रॉन्ग एसिड हम यहां पर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एच को बोलता हूं कि भाई मैंने तुझे पानी में डिजोल्व किया है तो एच कैसे टूटता है एच प्लस एक्वस और Cl वन माइनस एक्वस यानी यहां पर जितने भी एच के पार्टिकल्स थे मान लो सौ थे पानी में डाला सौ के सौ टूट गए इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे स्ट्रांग एसिड बोलेंगे एरो का डायरेक्शन देखना कंप्लीट एरो लगाया है मैंने ऐसा के पूरी तरीके से डिसोसिएट कर जाएंगे सो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन दी एक्वा सॉल्यूशंस दीस आर नोन एज स्ट्रांग एसिड्स टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द वीक एसिड ध्यान से सुनना मेरे राजा बेटा ध्यान से सुनना व्हाट इज वीक एसिड वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएट करते हैं इंटू आयंस पार्शली डिसोसिएट आयंस पार्शली डिसोसिएट आयंस इन एक्वा दोल्यूशन ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगी बात पार्शली डिसोसिएट इन टू आय इन एक्वा सोल्यूशन अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उठा लेता हूं एक वीक एसिड सी एच थ्री अब इसको पानी में डिजोल्व करवाया तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता ये बता रहा है आपको क्या अभी बताता हूं ये एरो यहां पे क्या बताएगा कि यहां पे एसिड के पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे इन टू दीज आयंस और साथ ही साथ ये आपके पार्टिकल्स डिसोसिएट होंगे आयंस में

सिंबल एज वेल ठीक है बेटा जी कंसेप्ट टू क्या है सुनील भैया आपको एक लिस्ट दे रहे हैं ठीक है सुनील भैया यहां पर आपको एक लिस्ट दे रहे हैं ठीक है ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? एच टू एसओ फोर एच एन ओ थ्री एच सी एल एच बी आर एच आई एच सी एल ओ फोर एन एच सी एल ओ थ्री ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं सात जो मैंने यहां पे लेके सारे स्ट्रॉग हैं एक्सेप्ट दीज से ऑल एसिड इन सात एसिड्स के अलावा जितने भी एसिड होंगे वो बेसिकली आपके वीक एसिड होंगे इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिक एसिड जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चों को यह बात यहां पर समझ में आ रही है प्लीज लेट मी नो अदाउट द आंसर ऑफ दिस इन टू द चैट सेक्शन जल्दी से मुझे बता देंगे कि कितने बच्चों को यह बात यहां पर समझ में आ रही है प्लीज लेट मी नो द आंसर इन टू द चैट बॉक्स जल्दी से बता देंगे जल्दी से बता देंगे जल्दी से बता देंगे <coughs> क्या बात है क्या बात है मेटल नॉन मेटल अरे नहीं भाई मेटल नॉन मेटल को छोड़ो अभी ये बताओ ये बताओ अभी आए 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 तो एसिड क्या है देखो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड ये होता है परक्लोरिक एसिड और ये होता है क्लोरिक एसिड यार ये भी लिखी लो चलो फिर डाउट में आओगे इससे बढ़िया लिख देता हूं मुझे लगा नाम पता है इसलिए नहीं लिखे सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड हाइड्रो आयोडिक एसिड उसके बाद ये हो जाएगा परक्लोरिक एसिड और उसके बाद ये हो जाएगा क्लोरिक एसिड

तो सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोमिक सारे के सारों को वीक में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है जी भैया अब उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस अब देखना यहां पर एक मिसकनसेप्शन क्लियर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगेन आपके पास यहां पर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड यहां पर आ जाएगा वीक बेस अब आपको ये सेम थ्योरी यहां पर लगानी है कंप्लीटली डिसोसिएट टू आय इन दॉटर बेस, जो पार्शियली डिसोसिएट करेगा वीक बेस अब देखो सुनना सुनना मेरी बात को पहले सुनना बहुत अच्छे से कंसेप्ट वन कंसेप्ट टू कंसेप्ट थ्री सुनो पहले मेरी बात को सुनो पहले वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड हमारे सिलेबस के अंदर है इनको याद कर लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड पहले तो ये याद कर लो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड इतना तो याद कर लो ये याद कर लोगे ये, लो ये वीक बेसिस है इसका मतलब दे विल पार्शियली डिसोसिएट इन टू आय इन दियर एक्वास ये पार्शियली डिसोसिएट करेंगे ठीक है ये वीक बेसिस हो गए सुनना अभी पहले बात सुनना मेरे को पता है यहां पर तुम रोगे इधर होने लगोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो वीक बेस है सुनो पहले सुनोगे तो मजा आएगा मेरे को भी पता है कि वीक बेस लिखती है सारी किताबें इधर उधर तो मैं या फिर क्यों लेके आया मैं नेता हूँ अलग से तो मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरा सोच क्या है थॉट प्रोसेस क्या है सुनना ऑल मेटल हाइड्रो ऑफ ग्रुप वन एंड द ग्रुप टू ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट द हाइड्रो ऑफ बेरिलियम

तो मैग्नीशियम कैल्शियम, स्ट्रॉनशियम बेरियम इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं ठीक हाँ वन पे चलते हैं हमारे सिलेबस में हमारे सिलेबस में है, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाएगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड समझ में आया ना कि ग्रुप वन के और ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स है रेडियो एक्टिव वाले एलिमेंट्स को हटा दीजिए उसके बाद ग्रुप टू से आप बेरिलियम को हटा दीजिए तो इनके जो हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्ग बेसिस है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब तुम कहोगे मैग्नीशियम यहां कैसे लिख दिया ये तो गलत बात है ये तो गलत है ये तो आपने गलत पढ़ा दिया अरे सुन ले मेरे भाई गलत मैं नहीं पढ़ाता कोशिश करता हूं कि हंड्रेड परसेंट सही कंटेंट दू अब सुन ले मैं अगर ये चीज बोल रहा हूं मुझे भी पता है हर जगह लिखा है है वीक बेस है। लेकिन अगर कुछ बता रहा हूं तो सुनना देख मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए अगर अपन बोले तो बहुत बढ़िया टर्म पता है, क्या है? ये है। सुनना मेरी बात लेकिन वीक एल्कली है अब कहेगा ये क्या बोल रहे हो आप ये क्या बोल दिया आपने मैं बता रहा हूं देख होता क्या है मेरे भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रॉब्लम क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो बच्चा है जो जितना पड़ेगा उसमें सौ परसेंट नंबर ले आएगा मतलब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो बच्चा है जो जितना पड़ेगा अगर सौ कंसेप्ट है उसमें से अगर पचास पड़ेगा तो पचास में फुल नंबर लेके आएगा यही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है यह है तो हंड्रेड परसेंट स्ट्रॉन्ग बेस लेकिन वी कैल्के है मतलब क्या होता है इसकी सॉलिबिलिटी पानी के अंदर कम है समझ गया अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे लेवल पे डिसोल्व हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा अब ये क्या है कि मान कि पूरे सौ पार्टिकल डाले सौ तो में से सिर्फ पचास डिसॉल्व है तो पचास ही डिसोसिएट हो रहे होंगे अब पचास के पचास पूरे डिसोसिएट कर देगा अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है मैग्नीशियम एक हाइड्रो बेस है लेकिन वीक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोलिबिलिटी पानी में कम है लेकिन जितने भी डिसॉल्व करेंगे सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे इसीलिए बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग में रखा है समझ रहे हो ये स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एल्कली है मतलब पानी में पुअर सोलिबिलिटी लेकर चलता है अब अगर इसमें तुमने 100 पार्टिकल इसके डाले 100 इसके डाले इसके 100 के 100 डिसॉल्व करेंगे 100 के 100 डिसोसिएट करेंगे NaOH के इसके 100 में से सिर्फ 50 डिसॉल्व करेंगे लेकिन 50 के 50 पूरे तोड़ेगा इसीलिए मैंने बोला स्ट्रांग बेस है सुनील भाई ये वीक बेस कब होता जब इसके 100 के 100 घुलते लेकिन टूटते 50 तो वीक बेस होता लेकिन इसको मैं स्ट्रॉग बेस की कैटेगरी में अपनी अंडर आपको क्यों रख के बता रहा हूं आप देखना इसके ऊपर बहुत सारी जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट आपको मिलेगा बहुत सारी सोर्सेज बेस लिखती है बहुत सारी सोर्सेज बेस लिखती है लेकिन एक्चुअली बेस वीक मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको ये बता रहा हूं प्रॉब्लम इसकी सॉलिबिलिटी में है अगर इसके 50 पार्टिकल भी डिजॉल्व होंगे तो 50 के 50 को तोड़ देगा इसीलिए स्ट्रॉग बेस है मान लो सौ घुलते और 50 ही टूटते तब तो वीक हो गया लेकिन इस भाई की सॉलिबिलिटी कम है तो जितना डिजॉल्व होगा उतना पूरा तोड़ेगा उतना खुद को पूरा का पूरा तोड़ देगा समझ इसीलिए इसको बेस वीक मैं बोलता अपनी अंडरस्टैंडिंग से तुम्हारा बोर्ड वाले अगर इसको माइल्ड बेस लेकर चलते हैं तो तुम वहां पर टिक्का में माइल्ड बेस ही लगाकर आना ठीक है हाँ। पर मेरी अलाइनमेंट नहीं उस थॉट के साथ इसीलिए मैंने नहीं बताया ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड विल ऑलवेज बी कंसनट्रेटेड

तो इसका आंसर क्या है अरे भाई स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा कंसनट्रेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है और वीक एसिड हमेशा डायल्यूटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है अब सुन मैं बता रहा हूं देख देख मेरे बेटा स्ट्रोंग यहां लिखते हैं वीक यहां लिखते हैं कंसनट्रेटेड और यहां लिखते हैं डायल्यूटेड ठीक है जी भाई अच्छा मेरे भाई मुझे एक चीज बता HCl क्या है HCl क्या है क्या है HCl सुनील भाई HCl स्ट्रांग एसिड है अच्छा HCl स्ट्रांग एसिड क्यों है क्योंकि कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट कर जाता है इसलिए स्ट्रांग एसिड है अच्छा ठीक तो क्या ये कंसंट्रेटेड नहीं हो सकता हो सकता है क्या मैं इसको डाइल्यूटेड नहीं बना सकता बिल्कुल बना सकता हूं तो एक स्ट्रॉ एसिड कंसेंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है क्या दिक्कत है, है नाग रहेगा रहे क्यों अरे सौ या फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसा मानो तुमने एक सोल्यूशन बनाया जिसमें 95 एसिड के पार्टिकल थे पांच पानी के पार्टिकल थे ऐसा समझना और एक सोल्यून जो एसिड के पार्टिकल है 50 पानी के पार्टिकल है तो ये कंसनट्रेटेड हो गया डायल्यूट हो गया लेकिन क्या यहां पे पिचानवे के पिचानवे पार्टिकल पानी में टूटेंगे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हा क्या चा यहां पर पचास के पचास टूटेंगे तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए हा तो ये स्ट्रॉन्ग भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड कंसनट्रेटेड और डायल्यूटेड दोनों हो सकता है दूसरी चीज फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कॉन्सट्रेटेड सी एस थ्री सी डब्ल्यू एच और इसी की डायल्यूटेड फॉर्म भी मैंने तुम्हें बताई थी जिसे हम विनेगर कहते हैं बिल्कुल पॉसिबल है अब ये दोनों केसेस में ही वीक एसिड रहेगा क्योंकि इसके पार्टिकल पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं करते तो ये वीक एसिड कंसनट्रेट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ये 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 वीक वीक भी भी हो सक, भी हो सकता सकता है एसिड और डाइल्यूट भी हो सकता है उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग एसिड कंसनट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है समझ में आ रही है क्या बात है यार मजा आ रहा है क्या मिसकंसेप्शन क्लियर कर पा रहा हूं क्या सारे के सारे हाँ तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड

ये सॉल्ट है ये बेस है बताओ एसिड क्या है ये सब कुछ खाली करके दे देंगे बताओ बताओ एसिड बेस सॉल्ट का फॉर्मूला सब बता दो तो इस प्रकार से आएगा अब देखो बेटा ये बनाना आना चाहिए ये बनाना आना चाहिए ये बनाना आना चाहिए बेटा सुनील भाई कैसे बनावे बेटा हर एक चीज हर एक कंसेप्ट पढ़ा के जाऊंगा बोला था पहले ही ऐसा एक सवाल नहीं बैठेगा बोर्ड के पेपर में जो तुम कह दो ओ। तुमने तो ये पढ़ाया नहीं ऐसा कोई सवाल नहीं बैठेगा ओलंपियाड में भी नहीं बैठेगा टेंशन मत लो। देख बेटा मेरी बात को ध्यान से सुन पहले कंसेप्ट समझ मैं तुमको पहले कंसेप्ट समझाता हूं एसिड प्लस बेस विल व्हाट इट विल गिव साल्ट प्लस वाटर। आ हा क्या बात है ये तो मेरे को भी आता है भैया इसमें क्या नई बात बोल दी आपने कोई बात बात नहीं बेटा, बेटा, बेटा को को पे लिख दे नीचे। को लिख भैया। हाँ। देख क्या 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 है? 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 और फिर क्या है? CL. हा, बहुत समझदार बच्चा। इधर लगा दे हाँ। सुनील वो सिखाइए अब मैं उल्टी रिएक्शन तो अभी नहीं बता रहा सॉल्ट हाइड्रोलिस नहीं बता रहा आपको लेकिन आप इससे इसका एसिड और बेस कैसे निकालेंगे उसको समझिए हमारे कोर्स में अभी हाइड्रोक्साइड वाली चीजें क्या है बेस में है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड में है हाँ। तो देख बेटा याद रखना जब भी कटायन की हम बात करेंगे तो कटायन कहां से आ रहा होगा बेस से आ रहा होगा अब हाइड्रोक्साइड वाला बेस कौन सा होगा एनएच फोर इसकी वैलेंसी वन होती है हाइड्रोक्साइड की वन होती है तो NH4OH बन गया तो कटायन कटायन कम्स फ्रॉम द कटायन कम्स फ्रॉम द बेस तो जो इस सॉल्ट का कटायन होगा हमेशा बेस से आएगा अब अनायन बेटा कहां से आएगा एसिड से क्लोरीन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड्स तो H और Cl से मिलके कौन सा एसिड बनता है बेटा कौन सा एसिड बनता है H और ये बनता है Cl है ना तो एनायन कहां से आता है बेटा एनायन कहां से आता है बेटा अनायन कहां से आता है बेटा ये आता है एसिड से तो सॉल्ट की कटायन आती है बेस से सॉल्ट की अनायन आती है एसिड से hcl+nh4h will gives nh4cl+h2 वाह 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 सुनील वी आर वाह hcl लिख देंगे आंसर आ गया मजा आ गया लेकिन अगर बोर्ड को लगा कि थोड़ा और खेलना है तो तुम भी खेल लेना फिर मान लो बोर्ड ने बोला कि मैं तो खेलूंगा बोले कैसे बोले सोल्ट भी तो एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल हो सकता है अरे भाई साहब ये तो अलग ही कंसेप्ट हो गया ये एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल भी तो हो सकता है मतलब समझ भाई, समझ भाई मान लो मान लो मैं सेम अमाउंट का सेम अमाउंट का सेम अमाउंट का HCl और NH4OH लेता हूं और इनकी कंसेंट्रेशन भी सेम लेता हूं सेम अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस समझ में आ रही बात बेटा मैं सेम अमाउंट का एच सेम अमाउंट का अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेता हूं सेम कंसेंट्रेशन के साथ लेता हूं ठीक हाँ पर मजे की बात यहां पर क्या हो जाती है जो गेम यहां पर हो जाता है वो गेम यहां पर क्या होता है कि एसिड मेरा यहां पर क्या निकल पड़ता है स्ट्रॉन्ग एसिड निकल पड़ता है और बेस मेरा यहां पर क्या निकल पड़ता है बेस मेरा यहां पर मुझे हरा देता है और मेरा जो बेस है वो वीक निकल पड़ता है अरे बाप रे ये तो दर्द दे दिया जीवन में अब सेम अमाउंट और सेम कंसंट्रेशन का एसिड और बेस लिया तो ये स्ट्रॉंग एसिड और ये वीक बेस क्यों ये कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा आयंस में और ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो इसके H प्लस एक्व ज्यादा होंगे इसके OH हो एच माइनस एक्व से ये न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा इसको क्या ये इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो अब ये सॉल्ट कैसा बना बेटा सॉल्ट में एसिडिक कैरेक्टर घुस गया ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ पानी बनेगा अब जब भी तुम इस सॉल्ट को पानी के अंदर घोलोगे तो याद रखना याद रखना ये कंसेप्ट एसिडिक सॉल्ट जो होता है इसको अगर तुम पानी में घोलोगे तो इसका रिजल्टेंट पीएच जो आएगा वो सात से कम आएगा क्योंकि पानी में घोलने पे फिर ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को बना देगा ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा समझा पा रहा हूं क्या अरे दोस्त इसकी कटायन आती है बेस बेस से से इसकी अनायन आती है से. ये है ये क्या है ये है ये है ये बेस क्या है एसिड 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 ये 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 क्या क्या वीक है। का मतलब इसके जितने पार्टिकल तुमने लिए पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे और इसके भी जितने पार्टिकल दोनों का अपन ने अमाउंट और कंसेंट्रेशन बराबर लिया लेकिन इसके सारे पार्टिकल नहीं टूटेंगे तो ये वीक बेस बन गया अब स्ट्रॉग एसिड वीक बेस ये इसको डिसोसिएट यानी ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता ये इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता ये इसके सामने हार गया तो सोल्ट एसिडिक और पानी इस सोल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो पीएच सात से नीचे खत्म बात मजा आ गया ओपी लग रहा है ये खेलेगा सीबीएसई ये खिलाएंगे तुमको सुनील भैया एक लेवल और ऊपर खेलेंगे अपन ठीक है ताकि सवाल नहीं जाना चाहिए यहां तक सीबीएसई खिलाएगा ये सुनील भैया खिला रहे हैं सवाल गलत मत करके आना पहली कह रहा हूं अरे सही है क्या सही है क्या सही है क्या मजा आ रही है क्या वापिस बताता हूं देख बेटा सॉल्ट का नाम क्या है अमोनियम क्लोराइड फिर से देख अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का नाम अमोनियम क्लोराइड। अब सॉल्ट का एसिड और बेस पता लगाने के लिए अपन को क्या करना है एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर इतना तो कर लेगा सॉल्ट का नाम यहां लिख लेगा पानी को लिख लेगा एच टू हाँ. इसका फॉर्मुला हाँ. कटायन कहां से आएगा ये बेस से आएगा बेस हमारे कौन से हाइड्रोक्साइड वाले तो NH4 और OH वैलेंसी क्रिस क्रॉस करी तो क्या बना एन एच OH? हमारे कोर्स में यही है और Cl कम्स फ्रॉम दी एसिड तो हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड हाइड्रोजन का सेम और सेम लेता हूं। मुझे पता है कि स्ट्रॉग एसिड है ये वीक बेस है मतलब इसके सारे के सारे पार्टिकल अगर इस पे सौ पार्टिकल और सौ है तो इसके सौ के सौ डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस एन में इसके सिर्फ पचास ही डिसोसिएट होंगे तो क्या इसको न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो ये एसिडिक सॉल्ट में वाटर इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा लेसर देन सेवन होगा ठीक है चल आगे चलते हैं भाई कॉपर सल्फेट दादा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा दादा कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला सीयूएसओ फोर होगा आता है याद है भैया के बेसिक्स देखे हैं ये देखो बेटा केमिकल सिंबल वैलेंसी कॉपर सल्फेट सल्फेट पे टू माइनस का चार्ज होता है तो वैलेंसी बन गई टू इस पे टू प्लस का चार्ज होता है तो वैलेंसी बन गई टू हम यहां पर कॉपर की वैलेंसी वन प्लस और टू प्लस होती है यहां पर टू प्लस लेकर चल रहे हैं लोवेस्ट नंबर वन और वन फॉर्मुला बन गया सीयूएसओ फोर ठीक है बेटा जी सीयूएसओ फोर बन गया जी भैया बेस क्या होगा अब देख बेटा एक बात सुन अभी क्या बताया मैंने कॉपर सल्फेट ये कॉपर कटायन है बेटा हाँ कटायन बेस से आएगा कहां से आएगा कंसेप्ट वन ये एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है अब देख बेटा कटायन जो है कहां से आएगा हमेशा बेस से आएगा तो बेस क्या है मैंने बताया ना हाइड्रोक्साइड वाले लेने हैं। तो क्या हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड सल्फेट सुनील भैया एसिड्स क्या है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोजन एंड सल्फेट विल मेक एच टू एसओ फोर तो एसिड क्या हो गया एच टू एसओ फोर यह अनायन है तो सॉल्ट का कटायन हमेशा बेस से आएगा सॉल्ट का अनायन हमेशा एसिड से आएगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट है एक लेवल और ऊपर चलते हैं सॉल्ट का पीएच क्या है आइडेंटिफाई कोई कर पाएगा क्या so, कोई मेरे को बताएगा सॉल्ट का पीएच क्या है यहां पे? कैन एनिमल टेल मी द पीएच ऑफ द सॉल्ट कॉपर सल्फेट एसिडिक है न्यूट्रल है या बेसिक है तो देखो बेटा अगर अपन सेम अमाउंट एंड सेम अमाउंट सेम अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस लेते हैं सेम अमाउंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस लेते हैं ठीक है तो ये बेसिकली हमारे पास बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड साथ ही साथ ये क्या बनता है ये आपका बनता है वीक बेस स्ट्रॉ एसिड वीक बेस कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस की कैटेगरी में आता है अभी याद करवाया था एच टू एस एसिड की कैटेगरी में आता है यह भी अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया था अगर सेम अमाउंट और सेम कंसनट्रेशन का दोनों लेंगे यह इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा जो सॉल्ट बनेगी उसका नेचर एसिडिक होगा एंड साथ ही साथ यहां पर पानी बनेगा इसका सरल सा मतलब इतना है कि कॉपर सल्फेट सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट है पानी में डिजोल्व करेंगे तो उसका कम आएगा समझ में आ गई क्या बात? जी, बहुत बढ़िया। तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग बोर्ड्स में बहुत बढ़िया से मचाने वाले हो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया जो आखिरी तक टिकेगा ना बेटा वही जीतेगा yes, ठीक है बहुत बढ़िया तो ऐसे ही आपके कुछ सोल्ट न्यूट्रल भी होते हैं और ऐसे ही आपके कुछ सोल्ट बेसिक भी होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं फॉर एग्जाम्पल तुमसे एक सवाल पूछता विल बी सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड याद करो सी एस थ्री अभी फार्मर वाले एग्जाम्पल में लिया था कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सी एस सीओ थ्री चौक तो तीनों बेसिक थे तो क्या ये सत्य है क्या यस और नो यस और नो कह रहा कॉपर हाइड्रोक्साइड कहां है अरे बेटा यहां पर कटायन सनायंस का एक्सचेंज हो रहा है राजा बेटा यहां पर कटायन सनायंस का एक्सचेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही कटायन सनायंस एक्सचेंज हो रहे हैं ये आपका कटायन ये आपका अनायन ये आपका अनायन और ये आपका कटायन और अनायन कटायन अनायन, कटायन अनायन। अब देख ये दोनों एच टू बनाएंगे ये मिलके कॉपर सल्फेट बनाएंगे। ठीक है मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑब्वियस हाँ बात है हा देखिए कैसे कुछ नहीं करना बेटा आपको यहां पर यह लिखना है एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस इतना तो लिख लोगे अब आप बस मेरे को फॉलो करना आप बस मेरे को फॉलो करो आपको हर एक चीज समझ में आएगी अब सॉल्ट क्या है ध्यान से देखो यानी ये आपने रख दिया Ca और उसके बाद आपने क्या रख दिया ठीक है जी यहां ठीक सुनील भाई ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है अब आपको यह पता है कि कटायन जो आता है वो कहां से आता है वो आता है बेस से तो बेस क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड वाला कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड वाला जो बेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट और हाइड्रोजन वाला जो एसिड बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा वो हो जाएगा बेसिकली एच टू थ्री कार्बोनिक एसिड ठीक है ना ये आपके पास हो जाएगा अनायन और ये आपके पास हो जाएगा कटायन तो कटायन कम्स फ्रॉम द बेस अनायन कम्स फ्रॉम द एसिड इतनी बात को समझने में कोई दिक्कत है क्या भाई नहीं भैया ठीक है ठीक है भाई एच टू सीओ थ्री प्लस कैल्सियम हाइड्रो विल गिव सी एस सीओ थ्री प्लस एच टू ठीक है जी भैया। ये बात समझ में आई? हाँ। कंसेप्ट पहला समझ में आया जी भैया समझ में आ गया कंसेप्ट दूसरे को समझते हैं अब ये जो है ये आपका वीक एसिड है और ये रिलेटिवली आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड विल गिव अब ये वीक एसिड इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा तो ये जो सॉल्ट बनेगा कैसा बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा साथ ही साथ यहां पे क्या बनेगा यहां पर बनेगा पानी ठीक है ये बात समझ में आ गई

एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस तो आमे क्या देखने के लिए मिलता है कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वेल गिव बेसिक सोल्ट प्लस वॉटर अब बेसिक सोल्ट का जो पीएच हो जाएगा बेसिक सॉल्ट इसीलिए आपने देखा था कि फार्मर बेसिक सोल्ट का यूज कर रहा था सीएसियोत्री का सीएस पीएच जो हो जाएगा वो सात से ज्यादा हो जाएगा ठीक है भाई मेरी बात आपको क्लियर है जी भैया बहुत अच्छी तरीके से आपकी बात हमको क्लियर है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया आगे चलेंगे कैन सोल्ट बी ओनली फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं कैन सोल्ट बी ओनली फॉर्मड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हा कि ना क्या सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनेंगे मतलब एसिड प्लस बेस वेलग सॉल्ट प्लस वाटर क्या सिर्फ इसी से बनेंगे सॉल्ट प्लस वाटर से मेरे पास आ गया है वाटर जिसको मैं पी लेता हूं <laughs> क्या बात है बहुत बढ़िया नहीं ऐसा नहीं है नो नो एज दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड वेन द मेटल रिएक्ट विथ डायल्यूट एसिड्स और बेसिस मेटल बाइकार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स ठीक है तो ये तब भी बन सकते हैं जब मेटल आपका रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड और बेसिस के साथ साथ ही साथ मेटल बाय कार्बोनेट और बायल बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तब भी आपके सॉल्ट बन जाएंगे तो सिर्फ ये कहना कि सॉल्ट आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं ये शत प्रतिशत गलत है ये तब भी बन सकते हैं जब आपका मेटल डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है साथ ही साथ ये तब भी बन सकते हैं जब मेटल बाय कार्बोनेट या आप कह सकते हैं कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए अब मैंने वैसे पे गैप दिया था पर फाइव मिनट का ब्रेक दूंगा या बीच में टेन मिनट का ब्रेक दे दूंगा ठीक है ना एक दो सोल्ट को मैं अच्छे से पढ़ा दू फिर मैं आपको फाइव मिनट का ब्रेक दे दूंगा ठीक है चलो आगे चलते हैं अब देखो सबसे पहला आता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड अब सॉल्ट स्टार्ट हो गए ध्यान से देखो फटाफट से चैप्टर को खत्म करेंगे सोडियम क्लोराइड आम जनता का नेम क्या है कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट पर आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो होता है उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है उसके अलावा इम्प्योरिटीज भी होती है लाइक एम जी सी एल टू सी एस सी एल टू एंड पोटेशियम या फिर सोडियम आयोडाइड भी होता है एक स्टार मार्क कर लीजिए एक स्टार मार्क कर लीजिए आउट ऑफ द सिलेबस की बात बता रहा हूँ कॉमन सॉल्ट इज नॉट प्योर सोडियम क्लोराइड इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर आपके पास एन ए सी एल तो होता ही है साथ ही साथ सी एस सी एल टू होता है एम जी सी एल टू होता है साथ ही साथ पोटेशियम या फिर सोडियम आयोडाइड होता है बॉडी की आयोडीन की इनटेक को फुलफिल करने के लिए ठीक है तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती है यह बॉडी की आयोडीन की इनटेक को फुलफिल करता है जिसको बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट ठीक है ना हाँ तो कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट जो होता है वो मिक्सचर होता है एनएससीएल सी एस एल टू एनजीसीएल टू पोटेशियम हाइड्राइट एंड सोडियम आयोडाइड का अच्छा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है राजा बेटा बहुत होशियार है हमारे एन ए सी एल क्या बात है, अब कैसे -कैसा है इसका आइए पढ़ लेते हैं सिंपल सी बात है अरे बेटा रुक जाओ इधर चलो यार क्या भाग रहे हो तुम चलो ऑकरेंस एंड एक्सट्रेक्शन कहां ऑकर करते हैं और कैसे कैसे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पहला समुद्री पानी सी वॉटर समुद्र का पानी तो समुद्र के पानी से इस पानी को ये जो तो समुद्र का पानी है ना इसको लेकर ऐसे शैलो शैलो छोटे छोटे ऐसे खड्डों के अंदर डाला जाता है ठीक है हाँ फिर मेरे दोस्त यहां पर क्या होगा यहां पर सूर्य देवता आएंगे है ना हाँ तो सूर्य देवता क्या करेंगे यहां पे सनलाइट आएगी हाँ और वायु देवता आएंगे तो विंड आएगी हाँ तो इससे क्या होगा सुनील भाई अरे तुम खुद समझदार हो मेरे राजा बेटा जब इसके ऊपर धूप पड़ेगी और हवा चलेगी तो क्या होगा अरे क्या होगा अरे क्या होगा वॉटर इवेपोरेट कर जाएगा बाप बन जाएगा ना वॉटर विल इवेपोरेट एंड ओनली सॉल्ट इज लेफ्ट विद इंप्योरिटीज ठीक है तो ये बेसिकली आपका क्या होगा यहां पे आपको समुद्र के पानी से मिलता है तो समुद्र का जो पानी होता है उसको बेसिकली क्या किया जाता है ऐसे शैलो शैलो टैंक्स बनाए जाते हैं ऐसे खड्डे बनाए जाते हैं और इसमें जैसे आपकी धूप पड़ेगी या हवा चलेगी तो इस पानी की एवैपरेशन होगी पानी की इवेपरेशन होगी तो सिर्फ नमक बचेगा साथ में इंप्योरिटीज भी होगी अब आप इंप्योरिटीज को हटाएंगे साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रेड या सोडियम हाइड्रेड की एडिशन करेंगे ताकि हम आयोडीन के इनटेक को नमक के थ्रू फुलफिल करें ठीक है जी दूसरा होता है आपके पास रॉक सॉल्ट रॉक सॉल्ट क्या है बेसिकली सॉलिड डिपॉजिट है सॉलिड डिपॉजिट ऑफ कॉमन है ना सॉलिड डिपॉजिट ऑफ कॉमन सॉल्ट है ना ये बेसिकली इसके सॉलिड डिपॉजिट है अब ऐसा माना जाता है कि जो कुछ सीज है वो बेसिकली सूख गए कुछ समुद्र जो थे वो बेसिकली सूख गए तो ये सॉलिड फॉर्मेट में आ गए सॉलिड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट ट आर फॉर्म्ड दैट आर फॉर्मड वेन बाइगॉन सीज ड्राइडअप है ना जब कुछ समुद्र आपके सूख गए तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि आपके कुछ सॉलिड डिपॉजिट बिकॉज ये पानी के अंदर डिजॉल्व था अब वो सूख गए तो यहां पर आपके पास कुछ सॉलिड डिपॉजिट इनके बन गए जिन्हें हम रॉक सॉल्ट कहते हैं अब दोस्त यहां पर ये ब्राउन क्यों है अर्थली इंप्योरिटीज की वजह से इनका कलर ब्राउन हो जाता है ब्राउन ब्राउन ड्यू ड्यू टू टू अर्थली 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 इंप्योरिटीज 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 की वजह से इनका जो रंग है वो बेसिकली क्या है ब्राउन है सुनील भैया इसको कैसे निकालते हैं इसके निकालने का तरीका है इसकी माइनिंग की जाती है और इसको माइनिंग के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है है ना एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ठीक है अब जैसे मान लो कि बहुत अंदर अपन को जाना पड़ रहा है जहां पर तो डिजोल्व हो जाएगा नमक फिर इसको बाहर खींचेंगे फिर इसकी वेपरेशन करवाएंगे फिर नमक पाएंगे तो काफी लंबा प्रोसेस है इससे ऑप्टेन करने का तो दीज आर नथिंग बट द डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट आर फोर्म बाइगन सीज अप extracted by mining करनी पड़ती है इसकी ब्राउन हो जाते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ अर्थली इंप्योरिटीज तीसरा आता है इनलैंड लेक्स अदर जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एक इनलैंड लेक है ठीक है इसका नाम क्या है इनलैंड लेक का सांबर लेक ठीक है ना राजस्थान के अंदर आपको मिलेगी सांबर लेक है ना सांबर लेक ठीक है ना अब ये रॉक सॉल्ट के डिपोजिट भी आपको पता ही होंगे अगर नहीं पता है तो खेवड़ा एक करके जगह आप जाके सर्च कीजिएगा उस पर आपको मिल जाएगा उसी प्रकार सांबर लेक की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर क्या नेचुरल इवेपोरेशन से सॉल्ट को ऑप्टेन किया जाता है बाय नेचुरल इवेपोरेशन ठीक है इससे बेसिकली हम सॉल्ट को ऑप्टेन करते हैं ठीक है ना समझ में आ गया तो समुद्र के पानी से करते हैं रॉक सॉल्ट से मिलती है और इनलैंड लेक से मिलती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सांबर लेक है ना जी भैया अब इसके यूजेस क्या क्या है सुनील भाई तो इट इज एन असेंशियल असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर डाइट असेंशियल कॉन्स्टिटेंट इसीलिए है बिकॉज ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स में भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रेंट एटसेट्रा तो इसी वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिटुएंट है

अभी बनाएंगे सारी चीजें इसकी मदद से तो आपको ये चीज समझ में आएगी ठीक है भैया चलो अब पढ़ते हैं यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आ जाइए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी जो कॉमन नेम है सुनील भैया वो क्या है इसकी कॉमन नेम क्या है इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा या इसको बेसिकली बोलते हैं लाए क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा या फिर इसको बोलते हैं लाए क्या बोलते हैं लाए कास्टिक सोडा या फिर इसको बोलते हैं लाए इसकी केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाती है इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या है इसका केमिकल फॉर्मुला है NaOH इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोर एल्कली प्रोसेस प्रोसेस भी इसको हम कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है कॉमन नेम है कास्टिक या फिर लाए केमिकल फॉर्मुला मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफेक्चर एलकली प्रोसेस ध्यान से फोकस कीजिए क्लोर यहां पर किस लिए स्टैंड करता है और यहां पर किस लिए स्टैंड करता है एल्कली स्टैंड्स फॉर द मेन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस हम ये प्रोसेस जिस मेन प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं उसके लिए एल्कोलीम का इस्तेमाल हो रहा है और मेन प्रोडक्ट इस प्रोसेस का है एन एच टॉकिंग अबाउट क्लोर क्लोर इज बेसिकली स्टैंडिंग फॉर क्लोरीन विच इज नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस अब आप कहोगे बाय प्रोडक्ट क्या होता है देखिए यह प्रोसेस हमने जिसके लिए करवाया है उसे हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट और जो मेन प्रोडक्ट के अलावा यहां पर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट फिर से समझाता हूं प्रोसेस हम जिसके लिए करवा रहे हैं उसे कहते हैं मेन प्रोडक्ट अब उसके साथ साइड बाय साइड अगर हमें कुछ और मिल जाए तो इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट तो ये बाय प्रोडक्ट है प्रोसेस का तो क्लोर एल्कली प्रोसेस जिसमें इज द मेन प्रोडक्ट दैट स्टैंड फॉर एनी एंड क्लोर इज बेसिकली क्लोरिन दैट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस तो ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ पैलेट्स हैं ये देखिए एनएच पैलेट्स ये कुछ ऐसा दिखता है छोटे छोटे पीसेस या छोटे छोटे टुकड़े आपको दिख रहे होंगे ये रहे ठीक हाँ। है क्लियर है क्लियर है सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली द केमिकल नेम कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा और लाए फॉर्मूला इज NaOH मैन्युफैक्चर्ड बाय क्लोरल काली प्रोसेस क्लोरीन आपका बाय प्रोडक्ट है मेन प्रोडक्ट आपका NaOH यानी कि कास्टिक सोडा है अब सुनील भाई इसके अंदर क्या-क्या होता है जल्दी से बता दीजिए सबसे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करवाते हैं अब आपको पता है सोडियम क्लोराइड जैसे ही पानी में डिसॉल्व करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है आयंस में ब्रोकन ब्रोकन डाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा एन ए वन प्लस एक्वस और दूसरा बनाएगा Cl1 वन माइनस एक्वस ठीक है ना तो यहां पर याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा एन ए सी एल इन एच टू ओ इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इसका टेक्निकल नेम है क्या नेम है सुनील भैया ब्राइन सोल्यूशन क्या बोलते हैं बेटा ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं तो सोडियम क्लोराइड को अगर आपने पानी के अंदर डिजोल्व करवाया है तो इसको बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन यहां पर अगर आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व कराया तो वो आय में डिसोसिएट करेगा एन एन प्लस एक्व एंड सीएल एक्वस यानी चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है एक्वस आयन है हाइड्रेटेड आयन है NaCl को पानी में डिजोल्व कराया NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट इट ब्रेक्स इनटू आयंस टू गिव Na1+ ए वन प्लस एक्व एंड सीएल एक्व इंपॉर्टेंट एन को जब हम पानी में डिजोल्व करवाते हैं तो इस रिस्पेक्टिव सोल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन क्या बात है तो यहां से देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां से आपका कंसंट्रेटेड ब्राइन इस वाले पार्ट पे एंटर कर रहा है कर रहा है हा एंटर कर रहा है तो यहां से आपने ब्राइन सोल्यूशन को अंदर डाला ब्राइन सोल्यूशन में एन ए वन प्लस एक्वस एंड सीएल एक्वस के आय बिल्कुल दिख रहे हैं जी भैया अब यहां पे ध्यान दीजिए यहां पे ध्यान दीजिए यह बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यह आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसका मतलब यह क्या है यह आपका एनोड है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है इसका मतलब यह आपका कैथोड है यह जो मेटल का इलेक्ट्रोड है यह एनोड है यह जो मेटल का इलेक्ट्रोड है यह आपका कैथोड है तो सुनील भाई यहां पर भी क्या हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं हां यहां पर हम जो करवाते हैं बिजली देकर तोड़ेंगे ब्राइन सोल्यूशन को तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन हम ब्राइन सोल्यूशन को बिजली देकर तोड़ेंगे समझ गए जी भैया अब देखो मेरे दोस्त मेरे भाई सुनील भाई यहां पर ये यह Cl1- एक्वस एक्वस CL1 ये नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो ये अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ हाँ यानी अनायन एनोड की तरफ तो अट्रैक्ट होता है अनायन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है क्या बात है सुनील भैया तो जो अनायन है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहां पर हम मानते हैं कि ये जो दो क्लोरीन के अनायन है ये बेसिकली हर एक अनायन भाई क्या हो जाएगा इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है एक अनायन पे सी एल वन माइनस यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सत्रह प्रोटोन अठारह इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पर आपका अनायन तो टू सी एल माइनस विल गिव सी एल टू प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है अब यह मान लीजिए अगर यहां से कनेक्टेड है तो ये यह यहां से ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ समझ रहे हैं आप तो ये जो क्लोरीन के अनायंस है ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे जो ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स द कैथोड एनोड के ऊपर क्या हो रहा है एनोड के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसीलिए हम ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है ये देखिए क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है ये नहीं क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है ये रही क्लोरीन गैस ठीक है अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे कौन इनको यूज करेगा उसको समझते हैं तो सुनील भैया यहां पर सोडियम के कटायन का क्या हुआ सोडियम का कटायन ये आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन से पास कर जाएगा ये एक आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टिवली आपके सोडियम के आयन को यहां से ट्रेवल करने देगी तो यहां से जो कटायन है ये ट्रेवल करके इस तरफ चला जाएगा ठीक है ना ये फॉर एग्जाम्पल नेफियन की बनी होती है एक आयन एक्सचेंज बैम का एग्जाम्पल दे दू तो ये नेफियन की बनी होगी तो यह क्या करेगी ये बोलेगी कि भाई सोडियम के कटाइन ट्रेवल करके इस तरफ आ जाओ इधर आ जाओ आ गए हाँ अब यहां पे पानी का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है आपको पता है सेल्फ आयोनाइेशन ऑफ पानी सेल्फ आयोनाइेशन ऑफ वॉटर या इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलेसिज ऑफ वॉटर तो पानी किसमें डिसोसिएट करता है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस में डिसोसिएट करता है ठीक OH है हाँ. तो अब यहां से सोडियम का कटायन आ रहा है और यहां पर हमारे पास पहले ही H प्लस अवेलेबल है ये रहा H प्लस तो ये इसकी साइज छोटी है तो फटाफट से कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा ठीक है हाँ यहां पर सोडियम के कटाइन पहुंचेंगे हाइड्रोक्साइड के अलायंस है और ये जो एच प्लस है सीदा का सीदा पे जाएगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से आ रहे थे भाई क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहां यहां पे 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 दान किए वो पे कैथोड पे कौन ले लेगा एच प्लस ले ले लेगा तो ट्वाइस ऑफ एच प्लस विल टेक टू इलेक्ट्रॉन टू तो फॉर्म हाइड्रोजन गैस इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर क्या हुआ रिडक्शन हुआ एंड रिडक्शन इज वॉट नथिंग बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पर कौन सी गैस का निर्माण हो गया है यहां पर कौन सी गैस का निर्माण हो गया है सुनील भैया पर कौन सी गैस का निर्माण हो गया है हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया है कौन सी गैस का निर्माण हुआ है हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है क्लियर है बात क्लियर है बात जी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है साथ ही साथ यहां पर अब क्या बचा है यहां पर अब क्या बचा है रिमेनिंग चीज क्या बची है उस पर हाईलाइट करता हूं मैं ओ एच माइनस और साथ ही साथ यहां पे जो एन ए वन प्लस आ रहा है वो यहां पे अवेलेबल है ठीक तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी ट्वाइस ऑफ एन ए सी एल एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ एच टू लिक्विड आपकी ओवरऑल रिएक्शन होगी आप ये वाली रिएक्शन भी लिखकर आ सकते हैं कि कैथोड पे ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है एंड जो रिमेनिंग आयन से जो नियर द कैथोड बचेंगे ये होंगे सोडियम हाइड्रोऑक्साइड के तो नियर द कैथोड क्या बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा ठीक है यहां पर आप देख भी रह होंगे सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्लियर है बात जी भैया क्लियर है बात क्लियर है बात कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत चलो तो यहां पर सबसे पहली चीज जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास इस प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है मेन प्रोडक्ट है हमारे पास एनएच जो हमें कहा मिलता है नियर द कैथोड मिलता है मिलता है नियर द कैथोड कैथोड के पास में हमें मिलता है एनएच फिर उसके बाद हमारे पास दो बाय प्रोडक्ट है यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्ट जिसके लिए हमने प्रोसेस नहीं किया था बट ये हमें मेन प्रोडक्ट के साथ मिल गए बाय प्रोडक्ट का मतलब है मैंने मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस किया साइड बाय साइड मुझे दो और चीजें मिल गई जो मेरे काम मतलब जिसके लिए मैंने प्रोसेस नहीं किया बट मिल गई तो इन्हें बाय प्रोडक्ट बोलते हैं या सेकेंडरी प्रोडक्ट बोलते हैं तो इसमें से जो कैथोड पे मिलेगा वो है हाइड्रोजन गैस और जो एनोड पे मिलेगा वो है क्लोरीन गैस अब इनके यूजेस क्या क्या है समझ लीजिए डीग्रीजिंग मेटल्स डीग्रीजिंग का मतलब होता है कि इनसे मेटल से आपने ऑयल को हटाया आपने ग्रीस को हटाया एटसेट्रा आपने इनको हटाया साथ ही साथ सोप्स एंड डिटर्जेंट बनाने के लिए पेपर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स ये सब बनाने के लिए

जर्म्स ऑन नॉन लिविंग सर्फेसिस नॉन लिविंग सर्फेसिस तो जो क्लोरीन है वो नॉन लिविंग सर्फेसिस के ऊपर कीटाणुओं को मारती है एंटीसेप्टिकटाणुओं को मारता है जैसे रेक्टिड स्प्रिट कार्बन कंपाउंड में बताया था उसी प्रकार डिस इनफेक्टेड जर्म्स को मारती है नॉन लिविंग सर्फेसिस पे जैसे पानी में या कहीं और आपने यूज कर लिया ठीक है उसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें तो इट इज यूज एज फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन एज अड एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स इन रॉकेट्स उसी प्रकार मार्गेन ये पता है क्या होती है ये ब्रेड स्प्रेड होती है ब्रेड पे लगा के खाते हैं और ये वेजिटेबल हाइड्रोजिनेशन कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल पढ़ा था उसी से ये बनाई जाती है मार्गेरिन उसी प्रकार अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स बाई नाइट्रोजन गैस आपकी जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा अमोनिया गैस बनेगी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में याद है याद है रिएक्शन ठीक है तो अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स के लिए बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं देखिए सबसे पहला बाई फ्यूल्स में यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन इज एज फ्यूल इन रॉकेट्स पहला यूज ये है मार्गरिन ब्रेड स्प्रेड होती है ब्रेड पे लगा के खाने के काम में आती है तीसरा अमोनिया बनाने के काम में आता है अमोनिया गैस दैट विल बी फर्दर यूज फॉर फर्टिलाइजर्स इसको बनाने के काम में आता है वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल्स पीवीसी डिस इन्फेक्टेंट पेस्टिसाइड बनाने के काम में आता है क्लोरीन सीएफसी मतलब क्लोरोबन जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्री ऑन है ये बेसिकली सी एफ सी वो कंपाउंड होते हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर एसी में यूज होते थे या एज प्रोपेलेंट यूज होते थे एरोसोल स्प्रेज में ठीक है अब इनसे बेसिकली आप एचसीएल बना सकते हैं फर्दर भाई आपको क्या करना है हाइड्रोजन गैस जैसे ही आपका रिएक्ट करेगा विद क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर सनलाइट आपने रिएक्शन करवाई तो ये आपको दे देगा ट्वाइस ऑफ एचसीएल गैस दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दे देगा इसको आपने पानी में डिजोल्व करवाया तो ये क्या दे देगा एच सी एल एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपको दे देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये रहा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने काम में भी आता है कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विल रिएक्ट टू गिव हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फर्दर पानी में डिजोल्व करा दिया तो एच सी एल एक्वस यानी एसिड का निर्माण करता है ये होप आपको चीज समझ में आ गई है तो यह सवाल बहुत आता है कि कैथोड पे क्या बना हाइड्रोजन बनी एनोड पे क्या बना क्लोरीन बनी ये दोनों बाय प्रोडक्ट थे मेन प्रोडक्ट एनिवच था जो नियर कैथोड मिलता है अब देखो बेटा सैंपल पेपर 2023-2024 में चौतीसवें सवाल का लॉन्ग आंसर सेक्शन डी से सवाल का पार्ट बी है मतलब जो पहला सवाल है ना उसका ए पार्ट तो है रिएक्शन का और बी पार्ट है वाला वाला और फिर और फिर जो सवाल है वो कार्बन का पूरा, का पूरा सवाल तो पूरा पूरा आप इजीली कर पाओगे ब्राइन इलेक्ट्रोलाइसूशन राइट द केमिकल इक्वेशन टू आइडेंटिफाई द अदर दोडक्ट फॉर्मड इन प्रोसेस एंड वन एप्लीकेशन ऑफ इच डन कर लोगे अब बताओ कर लोगे कर लोगे कर क्लोरीन गैस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इलेक्ट्रोलाइस्यन राइट द केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द चेंज केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बता दी प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनेंगे क्लोरीन गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर कैथोड क्लोरीन एट द एनोड एंड हाइड्रोजन एट द कैथोड एक एक यूज आपको बताना है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिग्रीजिंग द मेटल हाइड्रोजन यूज एज फ्यूल क्लोरिन यूज इज डिसइंफेक्टेंट एक एक यूज बताए काम खत्म क्लियर जी चलो अगला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइट सी ए सी एल टू ठीक है केमिकल फॉर्मुला है इसका सीएओ सी एल टू इसका एक्चुअल फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है जिसको जानने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल क्वाइट कॉम्प्लेक्स इसको जानने की भी जरूरत नहीं है आपको इतना जानना है तो केमिकल नेम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मूला सीओ सी एल टू आम जनता का नाम ब्लीचिंग पाउडर कैसे कलर का पाउडर होता है अगर आपको देखने का है मन तो ये होता है येलोइश व्हाइट पाउडर होता है कैसा होता है येलोइश व्हाइट पाउडर होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर्ड बाय हेजन क्लेवर प्लांट में इसको बनाया जाता है या फिर एक और प्लांट होता है और बैकमैन प्लांट यहां पर इसको बनाया जाता है तो सॉल्ट का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्मला एस एल टू आम जनता का नाम है ब्लीचिंग पाउडर येलोइश लोइ व्हाइट कलर का पाउडर होता है क्लेवर प्लांट या फिर बैकवेंड प्लांट में बनाते हैं बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है आपको क्या करना होता है जैसे हैसे क्लेवर प्लांट की बात करूं तो उसके अंदर या बेसिकली बैकवेंड प्लांट की बात करूं दोनों में सेम ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है तो मान लीजिए कि आपके पास आप ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गिरा रहे हैं और नीचे से क्लोरीन गैस को आप ऊपर लेकर गए ठीक है सो so, जो क्लोरीन गैस आपको एज बाय प्रोडक्ट मिली है फ्रॉम द क्लोर एलकली प्रोसेस जैसे ही ये ड्राई से रिएक्ट करेगी आपने ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप गिरा रहे हैं और नीचे से क्लोरीन गैस आपकी जा रही है ये दोनों आपस में जब इंट्रैक्ट करेंगे तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे अब इनका सेटअप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ता है लेकिन आपको हल्का हल्का आइडिया तो लगी गया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि भैया आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गिराया ऐसे बीच में काफी सारे पार्टीशन होते हैं अब एक पार्टीशन है वहां पे ऐसे रेक्स लगे हुए ऐसे घुमा रहे हैं कि भाई तू नीचे गिर तो ऐसा एक रोटेटिंग रेक है वो ऐसे ऐसे वैसे घुमा रहा है कि नीचे गिर नीचे गिर नीचे गिर फिर दूसरा रेक लगा है वो नीचे गिरा रहा है फिर तीसरा भी लगाया वो कह रहा है नीचे गिर यानी एक तरीके से झाड़ू लगा के उसको नीचे गिरा रहे हैं आपने ऊपर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिराया पहले पार्टीशन पे आया ये क्या करेगा नीचे भेजेगा इसको फिर दूसरा वाला भी नीचे भेजेगा तो कैल्शियम तो इस वाटर वेपर को फिर फर्दर हटाने के लिए हम क्या करते हैं नीचे से गर्म हवा भी छोड़ते हैं ताकि ये बेसिकली पूरी तरीके से उड़ जाए ठीक है और ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल नीचे आके इकट्ठा हो जाता है नीचे आके गिर जाता है फिर उसको यूज कर लेते हैं ठीक है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ड्राई रहा है क्लोरीन गैस यहां से नीचे से जाती है ये दोनों जैसे ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो किसका निर्माण होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर वेपर का निर्माण होता है नीचे से गर्म हवा इसलिए भेजी जाती है ताकि इसको हम उड़ा सके यहां से क्लियर है बात क्लियर है बात भैया चलो बहुत बढ़िया

करना है। तो आप ये कर सकते हैं जैसे मान लीजिए ये क्या है थोड़ा है। थोड़ा-थोड़ा हल्का सा तो अगर आपने ब्लीचिंग दूसरी चीज इट इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिस इनफेक्टिंग द ड्रिंकिंग वॉटर बैक किलिंगजम्स इसकी ये दोनों प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ड्रिंकिंग वॉटर किस वजह से है बिकॉज ऑफ क्लोरीन दैट इट हैज़, बिकॉज़ ऑफ क्लोरीन दैट इट हैज ठीक है ना यह पानी को कीटाणुओं से मुक्त करता है या बेसिकली आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है ये दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर क्यों है क्लोरीन की वजह से है. समय कम है वरना यह भी चीज आपको बताते हैं ऐसा कैसे करता है लेकिन इतना जानना आपके लिए सफिशियंट है ठीक है चलो अब देखो कॉमन नेम ध्यान से देखो जल्दी जल्दी बस फिर बीच में एक पांच मिनट का ब्रेक और लेंगे फिर सवाल करने बैठेंगे ठीक है तो सोडा एश और बेकिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या है एन ए टू थ्री केमिकल फॉर्मूला क्या है एन ए एच थ्री केमिकल नेम क्या है इसका इसका केमिकल नेम क्या है जल्दी से बताइए सोडियम कार्बोनेट है सुनील भैया इसका केमिकल नेम क्या है सुनील भैया इसका केमिकल नेम क्या है सोडियम कार्बोनेट है बेटा इसका केमिकल नेम क्या है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब बस सवाल करेंगे इन दो इसके बाद एक दो टॉपिक और है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है बेटा जी नाउ दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय अमोनिया सोडा प्रोसेस जिसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं सॉल्वेस प्रोसेस तो इस सॉलवेज प्रोसेस का जो मेन प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपका क्या है Na2CO3 आपका मेन प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है इस प्रोसेस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है अब देखिए मैंने बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शब्द का इस्तेमाल किया बाय प्रोडक्ट का मतलब ये होता कि जब मेरे पास मेन प्रोडक्ट एन एन मिल जाए लेकिन मैंने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसीलिए बोला कि बीच में NHCO3 मिलेगा उसको तोड़ के मैं इसको बनाऊंगा तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलता हूं मैंने क्या बोला अमोनिया सोडा प्रोसेस में बीच में मुझे एन एच मिलेगा इसको फर्दर में तोड़ूंगा तो मुझे एन मिलेगा मेरी बात समझ में आई इस एच को मैं फर्दर तोड़ूंगा तो मुझे मेन प्रोडक्ट मिलेगा इसीलिए मैं इंटरमीडिएट बोलता हूं मेन बोलता हूं इसको बाय प्रोडक्ट तब बोलता जब इसके साथ आखिरी तक ये मुझे मिलावा रहता या इसके साथ मुझे साथ मुझे में ये मिल जाता तो मैं इसको बाय प्रोडक्ट बोलता लेकिन यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ठीक है चलो अब देखिए अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सोल्वेस प्रोसेस क्या होता है सुनील भैया अमोनिया सोडा प्रोसेस या सोलवेस प्रोसेस क्या होता है चलिए तो सबसे पहले आपने लिया आपका ब्राइन सोल्यूशन एनएसीएल इन वॉटर क्या किया आपने सबसे पहले लिया ब्राइन सोल्यूशन NaCl डिजॉल्व इन वॉटर फिर इस ब्राइन सोल्यूशन में डाली आपने अमोनिया बन गया अमोनिएटेड ब्राइन बात समझ में आई ब्राइन सोल्यूशन बनाया उसको अमोनिया टावर में डाल दिया कहां पे डाला अमोनिया टावर में अमोनिया टावर में डाला तो बन गया अमोनिएटेड ब्राइन ब्राइन सोल्यूशन था एन एस इन वॉटर अमोनिया टावर में डाला तो अमोनिया गैस भी आ गई अब बन गया अमोनिएटेड ब्राइन फर्दर इस अमोनिएटेड ब्राइन को कहां डाला कार्बोनेटिंग टावर में डाला जहां पर बेसिकली क्या हो जाएगी जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर मिलेगी अब ये पूरा चार्ट में आपको समझाता हूं तो ध्यान से सुनना सबसे पहला सबसे पहला ब्राइन सोल्यूशन लिया इसको अमोनिया टावर में हमने डाला कौन से टावर में अमोनिया टावर में डाला कहां पे डाला बेटा अमोनिया टावर में डाला अमोनिया टावर का क्या मतलब हुआ कि वहां पर अमोनिया गैस आई ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया टावर में डाला यहां से अमोनिया गैस आई तो बन गया अमोनिएटेड ब्राइन इसको फर्दर कार्बोनेटिंग टावर में डाला जहां पर हम इस पर्टिकुलर अमोनेटेड ब्राइन को कार्बन डाइऑक्साइड से इंट्रैक्ट कराएंगे तो ब्राइन सोल्यूशन में था एनएसीएल और वॉटर अमोनिया यहां से अमोनिएटेड ब्राइन में अमोनिया गैस आई तो एनएसीएल प्लस एस टू प्लस अमोनिया हम क्या डालेंगे सीओ टू डालेंगे तो यह चारों मिलकर क्या देती है हमें देती है एनएच सीओ थ्री एंड एन एच फोर सी एल एक्वस एनए सीओ थ्री यहां पर बहुत कम सोलिबिलिटी रखता है एन एच एन एच फोर सी एल डिजोल्व हो जाएगा हम क्या करेंगे इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को यह इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसको बेसिकली हम क्या करेंगे इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम फिल्टर कर देंगे बस अब फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा तब तक दूसरी चीजें बताता हूं भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बोनेटिंग टावर में कहां से आई और अमोनिया गैस अमोनिया टावर में कैसे आई ये समझाइए तो देखिए राजा बेटा आपके पास है लाइमस्टोन यानी आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट आप चूना भट्टी में जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डीकॉम्पोजिशन से देगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आप कार्बन डाइऑक्साइड तो डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर कर देंगे आपने कैल्शियम कार्बोनेट उठाया चूना भट्टी के अंदर उसको गर्म किया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सीओ टू सीओ टू मिला सीधा कार्बोनेटिंग टावर में आ गया अमोनिया कहां से आई अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने वॉटर से इंट्रैक्ट करके क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनवाया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था और यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था तो ये बेसिकली क्या है कटायन है और ये बेसिकली क्या है अनायन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम फिर कटायन है और क्लोरीन फिर अनायन है कैल्शियम कटायन हाइड्रोक्साइड अनायन अमोनियम कटायन और क्लोरीन फिर क्या हो जाएगा अनायन हो जाएगा है ना

यहां पे अमोनिया टावर में सप्लाई कर देते हैं तो एक बार और रिवाइज करवाता हूं सबसे पहले ब्राइन सोल्यूशन लिया ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया टावर में दिया अमोनिया टावर के अंदर अमोनिया गैस आती है अमोनिया टावर के बाद कार्बोनेटिंग टावर में डाला जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है इनकी रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा ब्राइन मतलब NaCl अमोनिया आ गया तो NH3 कार्बन डाइऑक्साइड आ गई तो CO2 ऐड करा क्या बना एन एच सीओ ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसको फिल्टर करके बाहर निकाल दो अब आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगा अब अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा यह भी देखो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी सीएसओ को चूना चूनाबट्टी में हीट किया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिला CO2 को कार्बोनेटिंग टावर में दे दिया कैल्शियम ऑक्साइड बचा इसकी स्लेकिंग करवाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना इसकी अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा दी तो क्या मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो टूटेगा एच टू और एनएच थ्री में एनएच थ्री अमोनिया गैस का सप्लाई हो गया टू अमोनिएटेड टू द अमोनिया टावर यह होता है अब जब आपके पास NaHCO3 आ गया अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे ध्यान से सुनना आप क्या करोगे तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया आपके पास ठीक है ना थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा विच इज बेसिकली द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सुनील व्या बाय प्रोडक्ट क्यों नहीं है क्योंकि अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मेरे को मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है बाय प्रोडक्ट में तब बोलता जब मेन प्रोडक्ट के साथ ये रहता अब इसको तोड़ के मैं इसको पा रहा हूं तो यहां पर ये ये तो तो खत्म हो हो गया ना इसकी एग्जिस्टेंस ओवर तो गई मिल रहा है मेरे। हाँ है मेरे को भाई मुझे अलग से यूज करना सौ ग्राम बना सौ में से पचास ग्राम से एनए टू सी बना दिया बाकी पचास ग्राम को रख लिया तब भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ही कहलाएगा बाय प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा समझ रहे हो अब जैसे ही हमने एनए को हीट किया क्या किया हीट किया तो ये देगा एन ए टू सीओ थ्री साथ में देगा एच टू ओ और साथ में देगा सीओ टू तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे मित्र ये एन ए टू सीओ थ्री क्या है सोडा एश सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है ये मेन प्रोडक्ट है अमोनिया सोडा प्रोसेस यानी सॉल्वेस प्रोसेस का क्लियर है बात जी अब इसकी क्रिस्टलाइजेशन से सोडा ऐश बनता है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया आपने क्या कर दिया आपने सैचुरेटेड सल्यूशन बना दिया इसका ठीक है ना सैचुरेटेड सल्यूशन ऑफ सोडा ऐश इन वॉटर ठीक है सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि जितना मैक्सिमम डिजोल्व कर सकता था एन वो आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजोल्व करवा दिया अब इसके एक सैचुरेटेड सोल्यूशन को जैसे ही आप कूल cool करोगे अलाउ टू कूल ठीक है तो यहां पर क्या होगा एन टू सीओ थ्री क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आने लगेगा ठीक है ना एन टू सीओ थ्री विल सेपरेट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स क्लास नाइन्थ में पढ़ा है तो जैसे ही मैं सोल्यूशन बनाता हूं सोडा एश का पानी के अंदर और उसको ठंडा करने के लिए रख देता हूं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो एन ए टू सीओ थ्री डिजोल्व है वो क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में बाहर आने लगेगा किसके फॉर्मेट में क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में और क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में सिर्फ वो नहीं होगा या उसका क्रिस्टल्स का चुपके हुए पर दस पानी के मॉलिक्यूल्स चुपके हुए होंगे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक फॉर्मूला यूनिट है एन का इसके ऊपर दस पानी के मॉलिक्यूल्स एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये दस पानी के मॉलिक्यूल्स इस पे चिपके हुए हैं एक सोडियम कार्बोनेट के यूनिट पे दस पानी के मॉलिक्यूल्स चिपके हुए होंगे इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो आपका ये Na2CO3 वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैच हो जाएंगे तो बन जाएगा एन ए टू सीओ थ्री डॉट टेन एच टू जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दूसरी कॉमन भाषा में इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा क्या बोलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा यही है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होगा जिसे हम कॉमन भाषा में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं फिर से सुनना भाई मेरे को क्या बेकिंग सोडा मिला इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसको मैंने बेसिकली हीट किया सिंगल रिएक्टेंट को हीट किया मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिले NaH को हीट किया तो साथ में में और CO2 मिला ये बेसिकली सोड़ा ऐश है। अब अब इसका जितना मैक्सिमम मैं मैं पानी करा करा सकता हूं, मैंने करा दिया बना दिया। बना जब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखता हूं तो इसमें से कुछ एनए टू सीओ थ्री इस पानी की वजह से क्रिस्टल्स क्या होता है बताता हूं तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि इस Na2CO3 के ऊपर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स छुपके हुए हैं नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा अब ये 10 पानी के मॉलिक्यूल्स है क्या सो so ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है द फिक्स्ड नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल्स दैट आर अटैच टू द वन फॉर्मूला यूनिट अरे इस Na2CO3 के ऊपर दस पानी के मॉलिक्यूल्स छुपके हुए है ना वन फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट एंड दिस मेक्स द सोल्ट क्रिस्टलाइन यानी कि किल फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप देने वाले पानी को वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं वो पानी जो एक सॉल्ट के ऊपर जब ऐड हो तो उसे क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दे यानी एक फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप दे एक सही आकार दे तगड़ा आकार दे इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला पानी मजे की बात यह है कि कुछ केसेस में यह रंग देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है अगर यह उड़ेगा तो रंग भी उड़ेगा फॉर एग्जाम्पल तुमको पढ़ाया भी था जैसे मानो सी यू एसओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ तुमने पानी को उड़ा दिया रंग उड़ जाएगा तुमने पानी डाल दिया रंग आ जाएगा यह नीला है पानी की वजह से नीला है पानी उड़ा दिया तो ये बेसिकली व्हाइट हो जाएगा पानी डाल दिया तो वापस नीला हो जाएगा ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकिन ये कुछ केसेस में होता है इट आल्सो गिव कलर्स टू द क्रिस्टल्स इन सम केसेस वॉट इज वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अरे भाई जो फिक्स नंबर ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स एक फॉर्मुला यूनिट सॉल्ट पे चुपकेंगे जिसकी वजह से उसका एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप आएगा एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आएगा क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर आएगा इसे वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं ये कुछ केसेज में रंग देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं समझ गए जी भैया चलो नाउ वॉट आर द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा जल्दी से समझना फटाफट से समझना बेकिंग सोडा ये आपका एक लीवनिंग एजेंट है लीवनिंग एजेंट ठीक है ना लीवनिंग एजेंट है तो <coughs> लीवनिंग एजेंट है आपका अब ये क्या करता है इट इज यूज टू मेक द बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर क्या होता है ये एक कैलकुलेटेड मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा माइल्ड एडिबल एसिड सच एंड साथ ही कॉन स्टार्च का ये भी आपका एक लीवनिंग एजेंट होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर बेकिंग सोडा भी लीवनिंग एजेंट है मतलब कि ये आपके बेकरी के प्रोडक्ट्स बनाने के काम में आता है और बेकिंग पाउडर भी एक लीवनिंग एजेंट है लीवनिंग मतलब की इसमें से कोई ऐसी चीज है जो छोड़ के चली जाएगी और जो चीज छोड़ के जाएगी वही आपके इस फ्लग को फुलाएगी है ना जिसको आप बाटर वाटर कहते हैं ना इसको जो फुलाने का काम करती है जो फ्लफियर बनाती है फुलाती है वो इसमें से जो गैसेस निकलती है वो फुलाती है तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीवनिंग एजेंट किसके अंदर से जो गैस निकलेगी वो आपकी बेकरी वाले आइटम्स को फुलाने का काम करेगी ठीक है समझ में आ रही है बात जी भैया अब इट इज यूज टू मेक बेकिंग पाउडर ध्यान से देखिए बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का माइल्ड एडिबल एसिड सच एज योर टार्टरिक एसिड एंड साथ ही साथ कॉन का मिश्रण होता है क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बताऊंगा लेकिन सबसे पहले देखिए कॉन्स्टार्ज क्या करता है देखिए अब इसके अंदर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड यानी कि टार्टरिक एसिड है तो मेटल बाय कार्बोनेट और एसिड है तो सॉल्ट प्लस एच टू प्लस सीओ टू होगा सीओ टू निकलेगी और चीजों को फुला देगी तो कॉन्स्टार्ज क्या करता है यह मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर टू प्रिवेंट अन इंटेंशनल रिएक्शन रिएक्शन बिटवीन बी एस इज बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड को लिख रहा हूं टी ए शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन बी एस एन टी ठीक है देखिए बेकिंग सोडा और माइल्ड एडिबल एसिड सच सचे स्टार्ट्रिक एसिड जो है यहां पर आपका क्या है ड्राई एसिड यूज होता है ये 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 ड्राई ड्राई एसिड 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 है 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 बेटा यहां पर जो यूज होता माइल्ड एडिबल ठीक है बेकिंग सोडा प्लस ड्राई एसिड प्लस आपका कॉन्स्टार्च का काम ये है कि इन दोनों के बीच में कहीं हवा से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके रिएक्ट ना करने लग जाए इसके लिए कौन स्टार चूज होता है अब मान लो कि आप रिएक्शन करवाना चाहते हो कुछ नहीं करना एड वॉटर एड वॉटर क्या होगा इसके अंदर जो बेकिंग सोडा है टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा इज बी एस बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा टार्टरिक एसिड के साथ और क्या बनाएगा यह बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बोनिक एसिड तो कार्बोनिक एसिड टूटता है वाटर प्लस टू और ये सीओ टू क्या करेगी आपके चीजों को फुलाने का काम करती है ठीक है जी तो ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों लिवनिंग एजेंट है बेकिंग पाउडर एक कैलकुलेटेड मिक्सचर है जो मार्केट में मिलता है और ये चीजों को बनाने काम में आता है जैसे केक घर पे बना रहे हैं आप कोई भी बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर इसको डालते हैं अब इसमें बेकिंग सोडा होता है माइल्ड एडिबल एसिड होता है टार्ट्रिक एसिड ये सूखा एसिड होता है ड्राई एसिड होता है साथ ही साथ इसमें कॉन्स्टार्स होता है का काम ये है कि इन ये दोनों अनइंटेंशनल रिएक्शन करके पाउडर अपनी मर्जी से ऐसा ना हो कि रिएक्शन कर दे और ये खराब हो जाए भाई हम जब पानी डालें तब रिएक्ट कर है ना तो अनइंटेंशनल रिएक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टार्स डालते हैं आपने जैसे ही पानी डाला बेकिंग सोडा रिएक्ट करेगा टार्ट्रिक एसिड के साथ सॉल्ट प्लस वाटर प्लस यो टू बनेगा और ये बेसिकली आपके डफ को फुला देगा

अब सुनील भैया अगर मान लीजिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें तो क्या दिक्कत है देखिए अगर आपके घर में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम क्या है कि आपको बेकिंग सोडा अगर यूज करके चीजों को फुलाना है तो आपको नींबू या सिट्रिक एसिड डालना पड़ेगा भाई आपको नींबू से लेमन जूस या बेसिकली सिरका डालना पड़ेगा मान लीजिए आपके घर पे बेकिंग पाउडर खत्म हो गया तो आपकी मम्मी का यूज कर रही है बेकिंग सोडा यूज्ड बाय मदर फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी क्या यूज कर रही है बेकिंग सोडा यूज कर रही है अब अगर इसको यूज करना है तो शी हैज टू एड शी हैज टू एड या तो लेमन जूस डाल दे क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है या फिर आप विनेगर का इस्तेमाल कर लो एटसेट्रा अब इससे क्या होगा अगे? अगेन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वन रियक्ट विद एसिड विल गिव्स सॉल्ट प्लस एच टू ओ प्लस सीओ टू और ये आपकी चीजों को फुला देगा ठीक है लेकिन क्या होता है मान लीजिए कि अगर आपकी कैलकुलेशन खराब हो गई रॉन्ग कैलकुलेशन हो गई मतलब कि रॉन्ग मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ एसिड मतलब अगर आपकी मम्मी ने बेकिंग सोडा को ज्यादा डाल दिया और लेमन जूस या विनेगर कम डाल दिया तो दिक्कत क्या है अगर इसका अमाउंट कैलकुलेटेड है तब तो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसीलिए मार्केट में बेकिंग पाउडर आने लगा ये कैलकुलेटेड अमाउंट में सब चीजें देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है लेकिन मान लीजिए बेकिंग पाउडर खत्म हो गया और अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो अब आपको क्या करना पड़ेगा नींबू डालना पड़ेगा नींबू का रस या बेसिकली आपको विनेगर डालना पड़ेगा ताकि आप सीओ को निकाल सके अब मान लीजिए कि यहां पर रॉन्ग मेजरमेंट हो गई इन दोनों की मेजरमेंट रॉन्ग हो गई ठीक है ना नाउ लेस एसिड बेकिंग सोडा काफी कम है बेकिंग सोडा अब अब आप क्या करेंगे कुछ नहीं होगा अब पता है क्या होगा अब आपका यहां पर ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्योंकि अगर आप केक को गर्म कर रहे हैं तो गर्म तो हो गई, अब ये क्या बना देगा ये डिकम्पोज होके Na2CO3 बनाएगा साथ में एच टू ओ गैस बनाएगा एंड सीओ टू बनाएगा अब ये CO2 केक सीओ टू आपके बनाने में मदद करेगी लेकिन इस केक के अंदर एक मेटेलिक तो अगर आपको कभी भी बेकरी प्रोडक्ट्स में मेटेलिक या फिर बिटर टेस्ट आए तो याद करना मेरे राजा बेटा कि वहां पर क्या हुआ है वहां पर क्या हुआ है सुनील भैया वहां पर आपका बेकिंग सोडा और एसिड का जो अमाउंट है उसमें गड़बड़ी हुई है वरना मार्केट में बेस्ट सब्सिट्यूट क्या है बेकिंग पाउडर लीजिए ये कैलकुलेटेड अमाउंट में सारी चीजें देता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है पर मान लो बेकिंग पाउडर खत्म हो गया बेकिंग सोडा है और आपको लिपनिक एजेंट की तरह यूज करना है तो आपको एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो मेटल बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस सीओ टू और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और फूलेगा अब मान लीजिए रॉन्ग मेजरमेंट ले लिया लेस एसिड देन बेकिंग सोडा तो ये तो टूट जाएगा Plus plus CO2 में टूटेगा इसकी वजह से आपके खाने की चीजों में कड़वा टेस्ट आएगा याद रखना इससे रिलेटेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है देख लेना ठीक है क्लियर है बात यही वाली रिएक्शन यहां पर होगी चलो सुनील भैया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है जल्दी से देखेंगे ये तुम्हारा छिपा हुआ ज्ञान जो था उसको कवर कर रहा हूं ग्रुप एक्टिविटी टू थी ध्यान से देखना फटाफट से ठीक है चलो सो द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इज यूज इन द फायर एक्सटिंग यूशर्स विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाउ टेक अबाउट ट्वेंटी एम एल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन इन अ वॉश बॉटल ठीक है एक बड़ी सी बॉटल लेते हैं ये बड़ी सी बॉटल हमने ली और इसके अंदर इन्होंने क्या बोला इसके अंदर इन्होंने बोला कि आपको लेना है सोल्यूशन एनए थ्री का सोलूशन ले लिया दूसरे इन्होंने बोला सस्पेंड एंड इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द वॉश बॉटल ठीक है तो क्या करता हूं मैं यहां पर इसके मुंह को बंद करता हूं और इसमें से एक ऐसे धागे से ये एक टेस्ट ट्यूब को मैंने ऐसे लटका रखा है जिसके अंदर क्या है इन्होंने बोला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब डाइल्यूट एच टू एसओ फोर है ठीक है जी आपने इसका मुंह बंद कर दिया हाँ नाउ टिल्ट द वॉश बॉटल सो दैट द एसिड फ्रॉम द इग्निशन ट्यूब मिक्सिस विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बिलो यानी इसको ऐसे करके ऐसे टेढ़ा कर दीजिए इसको ऐसे करके ऐसे आप टिल्ट कर दीजिए करने का मतलब क्या है कि जब हमने इसको ऐसे किया ऐसे कर दिया, हाँ। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा हाँ। ऐसे करके टेढ़ा कर दिया ना अरे भाई ऐसे था स्ट्रेट, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया तो अब क्या होगा सुनील भैया? अब क्या होगा सुनील भैया? यहां पर ये कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होने लगेगी समझ रहे हो यहां पर कुछ इस प्रकार से अब रिएक्शन होने लगेगी कि भाई आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो के साथ करने लगेगा यू विल नोटिस डिस्चार्ज कमिंग आउट ऑफ द नोजल अब इसके अंदर से एक नोजल भी लगा लेते हैं ये लीजिए फटाफट से लगा दिया हमने ये नोजल ठीक है डायरेक्ट दिस डिस्चार्ज ऑन बर्निंग कैंडल अब यहां पर डाइल्यूट एस टू तो फोर और एनएच के बीच में कुछ रिएक्शन होगा और यहां से कुछ बाहर आएगा क्या बाहर आएगा आइए देखते हैं और यहां पर जलती हुई कैंडल के ऊपर वो क्या कर देगा वो भी देखते हैं ठीक है ना जलती भी कैंडल के ऊपर क्या करेगा वो भी देख लेते हैं ये आपकी जलती हुई कैंडल ठीक है तो रिएक्शन क्या होगी सुनील भाई याद करने की जरूरत नहीं है एनएच थ्री प्लस एच टू एसओ फोर ये आपका कटायनिक पार्ट है यह आपका अनायनिक पार्ट है मेरे को खुद याद नहीं रहता मैं सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करता हूं यह देखो कटायन अनायन कटायन अनायन कुछ नहीं करना अब देखो बेटा यह कटायन इस अनायन के साथ चला गया तो क्या बन जाएगा एन बन जाएगा साथ में एच और एच ये मिलकर बना देंगे एच क्या बात है यह डिसोसिएट होता है किसके अंदर यह डिसोसिएट होगा H2O में और CO2 में मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ये कौन सी गैस निकल रही है यहां से कौन सी गैस निकल रही है यहां से कौन सी गैस निकल रही है यहां से सीओ टू गैस निकल रही है तो सीओ टू गैस इसको क्या करेगी बुझा देगी क्या करेगी बुझा देगी ठीक है सीओ टू गैस एक्सटिंग द कैंडल ठीक है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है यही सोडा एसिड पायरेक्शन के अंदर अपने पास होता है तो जैसे ही अपन ने इसको क्या कर दिया भाई साहब थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो यहां पर ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एच टू एसओ फोर के साथ करेगा. का हो रहा है, Na2SO4 प्लस एच टू सीओ थ्री बन रहा है एच टू सीओ थ्री टूटेगा एच टू और सीओ टू के अंदर किस प्रकार की रिएक्शन है सुनील भैया ये रिएक्शन है यहां पे का एक्सचेंज हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका जो टाइप है वो बेसिकली क्या है इसके टाइप का नाम है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन क्या नाम है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन तो एक गैस का निर्माण हो रहा है और ये गैस आपकी एक्सटिंग्विश कर देगी कैंडल को ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात जी भैया क्यों एक्सटिंग्विश कर देगी क्योंकि यहां पर सीओ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो बेसिकली क्या होता है इज मोर देन ऑक्सीजन राइट जी भैया तो ये क्या कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगी ऑक्सीजन और इस को केमिस्ट्री की भाषा में स्मोदरिंग कहते हैं किसी भी चीज को जलने के लिए मेजरली तीन इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए एक तो फ्यूल जो जलेगा फिर ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में जलेगा और तीसरा हीट जो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रखेगी और फिर एक साइक्लिक रिएक्शन चेन रिएक्शन अब अगर आपने ऑक्सीजन को ही हटा दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी भारी है ना ऑक्सीजन से तो चारों तरफ घेर लेगी फ्यूल को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी इसे स्मॉदरिंग कहते हैं ठीक है क्लियर है बात जी भैया अब वॉशिंग सोडा के यूजेस इट इज़ यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर अब परमानेंट हार्डनेस और टेम्परस कार्बन हाइड्रेट कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है? बिकॉज़ ऑफ कैल्सियम एंड मैग्नीशियम इसकी वजह से होती है ठीक है दोस्त सी एस सी एल टू MgCl2, MgSO4, CaSO4 इसकी वजह से पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है हार्ड पानी को हम कब कहते हैं या सॉफ्ट कब कहते हैं पानी हार्ड या सॉफ्ट किस बेसिस पे होता है अगर पानी के अंदर डिजोल्व सॉल्ट है तो वो बेसिकली हार्ड वाटर है डिजोल्व सॉल्ट नहीं है तो सॉफ्ट वाटर है ठीक है ना अगर वॉटर द डिजोल्व सोल्ट सॉफ्ट वाटर वॉट वॉर कंटेन द डिजोल्ड सोल्ट तो हार्ड वाटर वॉटर डज नॉट कंटेन एनी डिजोल्व सॉफ्ट वाटर पढ़ा चुका हूं यह मैंने आपको अगर आपके पानी के अंदर है देन इट इज हार्ड वाटर इट इज ऑफ टू टाइप एंड परमानेंट में टाइपोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं परमानेंट में क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट सॉफ्ट वाटर लाइक डिस्टिल वाटर कुछ भी डिजोल्व नहीं है ठीक है पढ़ाया था ये मैंने आपको सॉफ्ट वाटर नो डिजॉल्व सॉल्ट ठीक है एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर हार्ड वाटर इसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं ठीक है अगर ये कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होंगे तो इसको क्या कहेंगे टेम्पररी हार्डनेस कहेंगे टेम्पररी इसलिए क्योंकि इसको अपन बॉइलिंग की मदद से हटा सकते हैं क्लार्क्स मेथड की मदद से हटा सकते हैं कोर्स में नहीं है सब चीजें ठीक है या बेसिकली वॉशिंग सोडा से हटा सकते हैं ठीक है और सिमिलरली फिर होती है हमारे पास कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की मदद से होने वाली ठीक है ये हो गया हमारे पास परमानेंट हार्डनेस ठीक है बेटा तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा वैसे आपके टेम्पररी हार्डनेस को भी हटा सकता है बट ठीक है इट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ठीक है ना सो बिकॉज ऑफ द क्लोराइड ऑफ सल क्लोराइड ए सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट इसका मतलब क्या है? कि अगर आपके पानी में कोई भी डिजोल्व सोल्ट नहीं होगा तो वो जो पानी हो जाएगा वो कहलाएगा आपका सॉफ्ट वाटर इसमें कोई भी डिजोल्व सॉल्ट नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्टिल वाटर हो गया लेकिन पानी को हार्ड वाटर कब बोलेंगे जब इसके अंदर डिजोल्व सोल्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे लाइक like अगर बाय कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है तो टेम्पररी हार्डनेस अगर क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है तो परमानेंट हार्डनेस ठीक देन उसके बाद इट इज टू मैन्युफैक्चर सोडियम एन ए टू बी फोर ओ सेवन और टेनएस टू को बनाने काम में आता है इट इज ऑल्सो अ क्लीनिंग एजेंट टू रिमूव द स्टबन स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ जिद्दी दाग दब्बों को कपड़ों से मिटाने के काम में आता है फाइनली प्लास्टर ऑफ Paris दैट इज योर पी ओ पी प्लास्टर ऑफ Paris. ठीक है अब देखिए केमिकल फॉर्मुला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सीएसओ फोर डॉट हाफ ऑफ एच टू या फिर इसका यह भी मतलब है सीएसओ फोर होल्ड ट्वाइस डॉट एच टू अरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक फॉर्मूला सॉल्ट आपका यह कैल्शियम सल्फेट का होगा ठीक है ठीक है ना और यह अगर आपके पास दूसरा सॉल्ट होगा कैल्शियम सल्फेट का है ना तो आधा पानी का मॉलिक्यूल इधर होगा और आधा पानी का मॉलिक्यूल इधर अटैच होगा यह पानी है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल आधा इधर है आधा इधर है तो कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर सीएसओ फोर ट्वाइस डॉट एच टू इसका मतलब है ठीक है केमिकल नेम क्या है जल्दी से देखेंगे कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट ठीक है कैल्शियम सल्फेट हैमीहाइड्रेट दिस इज बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस

मीनिंग ऑफ सी एस ओ फोर डॉट हाफ एस टू कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ठीक है क्लियर है बात जी अब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अगर अपन हीट करते हैं इन अक्लिन एक भट्टी में 100 डिग्री सेल्सियस या तीन सौ से केल्विन पे तो ये अपना तीन चौथाई जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसको लूज कर देती है फॉर्मिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी यानी कि अगर आपके पास ये सीए एसओ फोर डॉट ट्वाइस ऑफ एच टू है और अगर आप इसको हीट करते हैं, 100 degree Celsius पे या फिर तीन सौ पे तो ये बेसिकली सेवेंटी फाइव परसेंट अपने पानी को या अपना तीन चौथाई पानी लूज कर देगी सीएसओ फोर डॉट ट्वाइस एच टू में सेवेंटी फाइव परसेंट पानी अगर आपने उड़ाया तो कितना पानी उड़ा वन एंड हाफ एच टू जिसको हम थ्री बाय टू एच टू भी बोल सकते हैं तो सेवेंटी फाइव परसेंट तो यहीं पर ही ट्वेंटी फाइव परसेंट तो यहां है और रेस्ट इसमें से उड़ चुका है तो अगर आप कैल्शियम सल्फेट डायहाइड्रेट यानी कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे एक लाइन क्लेन एक चूना भट्टी में हीट करते हैं तो ये अपना 25 प्रतिशत पानी होल्ड करके कर रखता है 75 प्रतिशत पानी इसमें से उड़ जाता है यानी कि

ठीक है मान ले भाई तू बोल रहा है मैं टेम्परेचर सौ के ऊपर कर दूंगा तो तू कर ले भाई टेम्परेचर को सौ के ऊपर टेम्परेचर इज मोर देन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस कर दिया भैया मैं तो सौ के ऊपर लेके जाऊंगा टेम्परेचर को मेरा मन कर रहा है मेरे को मजा आ रहा है भाई उड़ा ले फिर पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा इसके अंदर से पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा इसके अंदर से सॉलिड सॉलिड ये आपके पास हो गया गैस इधर भी फिजिकल स्टेट हमने लिखी थी लिख देते हैं ये हमारे पास हो जाएगा सॉलिड ये रहेगा सॉलिड और ये रहेगा yes. वाटर वेपर के उड़ जाएगा अब अगर आपने बहुत जबरदस्ती करी तो ये पूरा का पूरा पानी उड़ जाएगा यहां से इसको बोलते हैं डेड बर्ट प्लास्टर डेड बंट प्लास्टर ठीक है और इसका नाम क्या है दोस्त अब यहां से अगर आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ाया है तो यह बनता है एनहाइड्रस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट क्या बनता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बिकॉज यहां से अपन ने वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को उड़ा दिया है तो ये जो सॉल्ट है एनहाइड्रस है यहां पर पानी नहीं है सो दिस इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट ठीक है बहुत बढ़िया चलो यहां पर अपन ने गिरा के टेस्ट ट्यूब तोड़ डाली है चलो कोई ना नाउ अब ये सेट कैसे होता है अगर आपने कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस को सेट होते हुए देखा है तो क्या करते हैं जो भी ढांचा होता है उस ढांचे के अंदर क्या करते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के अंदर मिक्स कर दिया है ठीक है फिर उस पर्टिकुलर ढांचे के अंदर उसको डालते हैं है ना उस पर्टिकुलर ढांचे के अंदर उसको डालते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद ही वो सॉलिड बन जाता है तो होता क्या When plaster of है वेन प्लास्टर ऑफ Paris इज मिक्सड विथ वॉटर ठीक है एंड लेफ्ट फॉर हाफ एन आर टू वन आर ठीक है इट rehydrates टू फॉर्म अ हार्ड मास दैट इज जिप्सम ठीक है तो अब आपने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को अगर आपने पानी के अंदर मिक्स किया फिर आपका जो भी डिजायर्ड मोल्ड या फिर कैविटी है उस ढांचे के अंदर आपने उसको भरा तो ये रिहाइड्रेट हो जाता है और एक हार्ड मास डेवलप कर लेता है जिसका नाम यहां पर क्या है इस हार्ड मास का यहां पर नाम क्या है इस हार्ड मास का नाम है जिप्सम और आप जिस भी ढांचे में इसको डालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिस भी ढांचे में मान लीजिए आपका ढांचा ऐसा है तो ये जब आपका सॉलिडिफाई हो रहा है मान लीजिए आपने इसमें भरा है सॉलिडिफाई हो रहा है तो ये बिल्कुल इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है इस वजह से क्या करता है एकदम शार्प ले लेता है वॉल्यूम इंक्रीजेस वाइल इट इज कन्वर्टिंग टू हार्ड मास मतलब ये जैसे जैसे सॉलिडिफाई हो रहा है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है इस वजह से क्या करता है जो भी आपका मोल्ड है अब बिल्कुल एकदम ये क्या करेगा इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एकदम इसका टाइट इम्प्रिंट लेगा ले जो भी अपना ढांचा है भाई जैसे लोग क्या करते हैं डेकोरेटिव आइटम के लिए गर्दाने बनवाते हैं या कोई भी पर्टिकुलर चीज बनवाते हैं तो उसका एक ढांचा होगा जिसके अंदर आप इस मसाले को भरेंगे जिसके अंदर आप इसको भरेंगे और इसका शेप लेगा अब ये है कि जब ये सूखता है ना मेरे दोस्त ये जब सूखता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है इस वजह से एकदम शार्प इम्प्रिंट ले लेता है मोल्ड का शार्प इम्प्रिंट ऑफ मोल्ड मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आपने पानी के साथ मिक्स किया है और आपने अपनी जो आपको ढांचा देना है उसके अंदर इस मसाले को भर दिया अब जब ये सूख रहा है तो इसकी वॉल्यूम बढ़ती जाती है इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ती जा रही है एक्सपैंड करता जा रहा है तो जिस भी ढांचे में आपने इसको भरा एकदम बढ़िया तरीके से उस ढांचे के शेप को ले लेगा एकदम शार्प इंप्रिंट ले लेगा उसकी ठीक है जी इधर लिख देता हूं इसको शार्प इंप्रिंट ऑफ द मोल्ट अब एक रीजन यहां पर क्या बनता है शार्प इंप्रिंट ऑफ मोल्ड अब एक चीज पूछी जाती है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ मतलब कंटेनर में क्यों रखा जाता है या एयर टाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है तो पीओपी को खुले में नहीं रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ दिक्कत क्या है ये एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट कर लेगा एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट कर लेगा

तो हमारे काम का क्या रहा हमने तो यूज ही नहीं किया अपना भी खराब हो गया इसीलिए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर या एयर टाइट कंटेनर में इसको रखते हैं ताकि ताकि हवा अंदर ना आ सके और इससे इंटरेक्ट ना कर सके क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात चलो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा हड्डी वड्डी जोड़ने के लिए पट्टा लगवाते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स। इट इज यूज फॉर सेटिंग टूट जाती है तो क्या करते हैं पीओपी की पट्टी बांधते हैं इसी का बनता है इट इज यूज फॉर मेकिंग दईटम्स स्टैच्यूज घर में काफी सारे आपने देखेंगे टॉयज स्टैच्यूजोरेटिव आइटम्स गर्दाने वगैरह बनाने के काम में आता है, है ना? इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द सर्फेस ऑफ वॉल्स इन सीलिंग्स स्मूथ इनको बनाने के काम में भी आता है यानी दीवारों को है ना और छत को एकदम स्मूथ बनाने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल होता है तो ये सारे यूजेस थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के ठीक है क्लियर है बात क्लियर है बात इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट याद कर लो यानी ये क्या है ये आपका है जिप्सम क्लियर है बात क्लियर है बात क्लियर है बात चलो अब एक बार मैं पांच मिनट का ब्रेक ले लेता हूं आपके लिए फिर आपको सवाल कराऊंगा एक बार आए भैया लिख दीजिए सिर्फ पांच मिनट का ब्रेक लूंगा जो बना रहेगा वही जीतता रहेगा एक बार आए भैया लिख दीजिए पांच मिनट का एक ब्रेक लेना चाहूंगा फिर आपको सवाल कराऊंगा कौन से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपलर प्रॉब्लम्स कराऊंगा यहां पे सम आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपलर प्रॉब्लम्स एग्जांपलर के कौन से कौन से सवाल करने हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस 30 के 30 सवाल याद से कर जाना एमसीक्यू में 30 सवाल है एग्जांपलर में सारे करने हैं ठीक है हां शॉर्ट आंसर ऑप्शनल है बट लॉन्ग आंसर में कौन-कौन सा 37 से लेकर 40 और 42 से लेकर 46 ये तो कभी मत स्किप करना करने तो सारे ही हैं बढ़िया है सवाल सारे ही सवाल बढ़िया है लेकिन ये तो कभी भी इग्नोर या स्किप करना मत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको कुछ कराऊंगा कुछ आपको सारे खुद करने मैंने कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए सवाल उनसे बन जाएंगे पर कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा एक पांच मिनट का ब्रेक में लेना चाहूंगा ठीक है सिर्फ पांच मिनट का एक ब्रेक लेना चाहूंगा मैं यहां पर आपके समक्ष सिर्फ पांच मिनट का एक ब्रेक फिर कंटिन्यू करेंगे आधे घंटे के अंदर सेशन को खत्म करेंगे बारह बजे तक सेशन ओवर हो जाएगा मिनट का एक छोटा सा, छोटा सा, सा अल्प ब्रेक। बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया सुनील भैया ने कुछ नहीं पिया है सिर्फ पानी पिया है थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं है ना वरना कहीं गिर विर ना जाए ठीक चलो पांच मिनट के बाद मुलाकात होगी आपसे सिर्फ पांच मिनट की बात है भाई मेरी आवाज आ रही क्या एक बार चैट बॉक्स में बता देंगे सारे के सारे मेरी आवाज आ रही है क्या एम एंड विजिबल दोस्तों क्या मैं आपको देख क्या मैं आपको दिख रहा हूं क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं चलिए एम ऑडिबल एंड विजिबल एक बार आई लिख दीजिए आई लिख दीजिए एक बार एक बार आई लिख दीजिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बहन एक बार आई लिख दीजिए एम आई ऑडिबल एंड विजिबल एम आई ऑडिबल एंड विजिबल यस ओके बहुत बढ़िया ठीक आओ अब सवाल सवाल करते हैं देखते हैं देखते ये जो सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूं आप स्पेसिफिकली क्यों करा रहे हो भैया जब आपने फर्स्ट चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में नहीं कराया तो इसमें क्यों करवा रहे हो कंसेप्ट आपने पढ़ा दिया सवाल तो हो ही जाएंगे इन सवालों की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है इसीलिए करवा रहा हूं मैं आपको अप्रोच सिखाना चाहता हूं ठीक है देखो मैंने जो आपको बता दी ये सारे तो आपको करने ही है सैतीस से चालीस और बयालीस से छियालीस अब मैं यहां पे जैसे पर थर्टी एट यहां पर लेकर आया हूं है ना एनसीआरपलर अब ध्यान से देखना मेरे दोस्त ये सवाल क्या कह रहा है जैसे ए बी सी डी आ जाता है ना तो वहां पर बच्चा कहता है अरे ये क्या क्या ए फॉर 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 एप्पल बी बॉल सी चल रहा है तो यहां पर टेंशन नहीं लेनी देखो सॉल्ट ए कॉमनली यूज इन द बेकरी प्रोडक्ट्स बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है सॉल्ट ए अब ये आपका बेकिंग सोडा भी हो सकता है और बेकिंग पाउडर भी हो सकता है इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है अपन तो सुनील भी आपके स्टूडेंट है ना तो अपन को तो पता है कि यार यार भैया दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसको जब हम गरम करते हैं तो इट कन्वर्टेड टू अनादर सॉल्ट विच इज यूज फॉर अब ये एक दूसरे सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर अब हार्डनेस ऑफ वॉटर में सुनील भैया आपने क्या बताया था आपने बताया था वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा अच्छा ठीक है एंड अ गैस इज अच्छा इससे गैस सी भी इवॉल्व होती है द गैस सी अब देखो द गैस सी वेन पास थ्रू द लाइन वॉटर मिल्की अब यहां से सी वाला तो तुम इजीली निपटालोगे सुनील भैया गैस सी तो हमको मिल गई क्या है गैस सी सुनील भैया गैस सी क्या है लाइम वाटर से पास कर रहे हैं तो गैस सी तो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों अरे भैया आप इन्हें तो बताया था कि लाइम वाटर जो होता है ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इससे बेसिकली जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है तो ये बेसिकली इनसॉल्युबल वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से सोल्यूशन मिल्की या फिर टर्बेट हो जाता है एंड टाइप ऑफ रिएक्शन आपने हमको बताई थी कि रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन दोनों होगी है ना हाँ, क्या बात है बहुत बढ़िया अब सी भी निकल रही है यहां से अच्छा तो क्या हमारा यहां पर यह हो रहा है क्या थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो रहा है क्या करके देखे एक बार सुनील भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला तो नहीं है ये आपने बताया था थर्मल डिकॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना कि अगर हम एन को हीट करेंगे तो हमको एन मिलता है करके देखो एक बार सुनील भैया जब हम एन को हीट करते हैं तो सुनील भाई हमको क्या मिलता है थर्मल डिकॉम्पोजिशन पे मिलता है एन ए टू थ्री साथ में मिलता है सुनील भाई एच टू गैस और सुनील भाई साथ में मिलती है सीओ टू गैस अब देखो सुनील भाई यहां पर इससे बोला ए को हीट करेंगे तो इससे मिलेगा बी जो कि रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए होता है सी क्या आपको सी वाली गैस मिल रही है हाँ जी भाई मिल रही है अच्छा रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए ये यूज कर सकते हैं बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप कहोगे वॉशिंग सोडा यूज करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का ही तो फॉर्म है फॉर्म ऑफ सोडा एश क्या है फॉर्म ऑफ सोडा एश क्या है टेन जिसको आप यूज करते हो ना टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर समझ में आ गई मेरी बात अरे राजा बेटा समझ में आ गई क्या बात अरे इसी का फॉर्म है यार तो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर तो क्या भैया का इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ कर सकते हो अरे इसमें पानी का मॉलिक्यूल अटैच हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन गया भाई ये सोडियम कार्बोनेट है ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी इसको कॉमन नेम में वॉशिंग सोडा बोलते हैं इसको सोडाइश बोलते हैं इसी का ही फॉर्म है जो कि परमानेंट हार्डनेस को यूज करते हैं भाई परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है तो, वाटर। तो गैस सी है कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर यानी कि आपका लाइम वॉटर इससे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाएंगे तो इनसोल्यूबल व्हाइट प्रसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड साथ में पानी का निर्माण करेगी ये मिल्की क्यों हो जाएगी मिल्की हो जाएगा इसकी वजह से मिल्की और टर्बिड बिकॉज ऑफ दिस समझ में आ रही है क्या हर एक स्टेटमेंट समझ में आ रही है क्या गैस सी सीवेन पास थ्रू लाइम वॉटर गैस सी इवेंट पास थ्रू लाइन वॉटर इट मिल्की और टर्बिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सी एस सीओ थ्री पढ़ाया था अभी अप्लाई कर दिया कंसेप्ट जी भैया अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन एनसीआर टी क्या बोल रहा है इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अ गैस एक्स इज फॉर्म प्रोडक्ट अच्छा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे साथ करते जाओ सुनील भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस अच्छा सुनील भैया इसमें दो गैसेस का निर्माण होता है एक तो होती है क्लोरीन और एक होती है हाइड्रोजन ये दो गैसेस होती है अब देखो क्या ये दोनों के दोनों बाई प्रोडक्ट है हंड्रेड परसेंट बाय प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मैंने ये प्रोसेस तुमको बनाने के लिए नहीं किया था इसको बनाने के लिए किया था क्लोर एल्कली प्रोसेस का मेन प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट ये है क्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्स इज फॉर्म एज अक्ट दो गैसेज बनती है बाय प्रोडक्ट क्लोरीन और हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है सेकेंडरी प्रोडक्ट भाई ये वो प्रोडक्ट है जिसको मैं बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन मेरे मेन प्रोडक्ट के साथ बन गया इसे कहते हैं बाय प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट अब ये गैस एक्स जो है लाइम वॉटर के साथ रिएक्ट करेंगे देखो क्या है गैस एक्स रिएक्ट विद लाइम वॉटर अच्छा टू गिव अ कंपाउंड वाई अच्छा विच इज यूज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री अरे ब्लीचिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर यार क्या बन जाएगा क्या देखो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन क्या थी कैल्शियम हाइड्रो लेकिन ये ड्राई होगा यहां पे हमने जो पढ़ा है ड्राई पढ़ा है ड्राई स्लेगड लाइम होगा मैंने आपको यही पढ़ाया है क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल होते ड्राई स्लेग लाइम को डाला जाता है चाहे प्लांट हो, चाहे प्लांट हो, दोनों में ऐसा ही होता है बस सेटअप का अंतर है सेटअप का अंतर है दोनों में ठीक है ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेग लाइम इन दोनों में से कौन सी गैस क्लोरीन गैस तो क्या बनाता है सीएओ सी एल टू बनाता है साथ में हमारे पास वाटर वेपर बनती है ठीक है एक कैल्शियम एक कैल्शियम दो ऑक्सीजन ये दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, बैलेंस है क्या बात है तो गैस एक्स कौन सी होगी एक्स गैस होगी ये क्लोरीन, ये एक्स गैस यहां पर रिएक्ट करेगी तो ये कंपाउंड वाई देगी जो कि एस ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट का काम है यानी चीजों से रंग उड़ाने वाला ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट वो होता है जो चीजों से रंग उड़ा दे समझ में आ गई जी भैया सो एक्स वाई एंड जेड बताइए और केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व बताइए तो यहां पर जो रिएक्शन इन्वॉल्व थी हमने बता दी थी। ठीक है अगर आप क्लोर के लिए प्रोसेस की रिएक्शन भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है वैसे उसने यहां पर पूछा नहीं है डायरेक्टली पूछा है गैस टेक्स लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है और ये इसको बनाती है तो बताइए ये क्या होगा ये हमने बना दिया ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर पैतालीस एनसीआरटी एग्जाम्पलर मैं अप्रोच दे पा रहा हूं क्या सभी को मैं आप लोगों को अप्रोच दे पा रहा हूं क्या सवाल करने की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखो अब मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन हीट ऑन रिएक्टिंग अच्छा मेटल कार्बोनेट एक्स ध्यान से देखना अब मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड अच्छा ठीक है गिव्स अ गैस विच वेन पास्ड थ्रू अ सोल्यूशन वाई गिव्स द कार्बोनेट बैक अच्छा सिंपल सी बात तो यह है कि अगर मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वॉटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जब सोलूशन वाई से रिएक्ट करेगी तो कार्बोनेट वापस दे देगी मतलब कि एक्स को वापस दे देगी ठीक है लेकिन अभी भी इतनी हिंट नहीं, थोड़ा आगे चलते हैं ऑन द अदर हैंड अ गैस जी अच्छा अ गैस जी दैट इज ओपटेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन इज पास ऑन टू ड्राई वाई इट गिवस अ कंपाउंड जेड यूज फॉर डिस इनफेक्टिंग ड्रिंकिंग वॉटर अरे वाह ये तो अभी रिएक्शन पड़ी हुई आ गई हाँ तो सबसे पहले गैस जी कौन सी होगी ठीक है बेटा तो गैस जी कौन सी होगी तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस 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 ऑफ ब्राइन सोल्यूशन करते हैं बेटा यानी कि क्लोर एल्कली प्रोसेस करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा क्लोर प्रोसेस तो सुनील भैया सुनील भैया इसके अंदर हमें एनोड पे क्या मिलता है एनोड पे मिलती है क्लोरीन कौन सी गैस क्लोरीन गैस मिलती है और कैथोड पे कौन सी मिलती है सुनील भैया हाइड्रोजन गैस अरे वाह 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 मजा आ गया पूरा सवाल बना लेंगे भैया एकदम धुआं धुआं कर देंगे धुआं धुआं कर देंगे नियर द कैथोड क्या मिलेगा भैया एन एच मिलेगा आ हा 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 मजा आ गया भैया फुलटूस मजा आ गया तो गैस जी कौन सा हो जाएगा रे बेटा पार्ली जी का जी फॉर जीनियस ओ मेरे राजा बेटा जी फॉर जीनियस कौन सी गैस हो जाएगी गैस जी दैट इज एट एनो ड्यूरिंग अब ड्राई वाई तो क्या है ये इस पे पास कराओ इसको है ना यही तो कह रहा है वो यही तो कह रहा है राजा बेटा यही तो कह रहा है लो इसको पास करवाते हैं लो भैया तुमको पास करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड तुमको पास कराएंगे किलोरिन गैस तुम बना देना ये बीच में तो नहीं आ रहा नहीं आएगा आना नहीं भैया बीच में जी भैया तो सुनील भैया सुनील भैया सुनील भैया ड्राई वाई ये हो जाएगा मेरा वाई अच्छा गैस जी वाई से रिएक्ट करेगी तो जेड देगा जेड क्या है ये है यूज फॉर डिस ड्रिंकिंग वाटर मैंने बताया था ब्लीचिंग पाउडर डिस की तरह और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है जस्ट बिकॉज क्लोरीन गैस उसमें प्रेजेंट है कीटाणुओं को मार देगा नॉन लिविंग सर्फेसिस पे डिस कहते हैं इसको बताया था जी भैया मजा आ गया तो ये जेड हो जाएगा जेड हो जाएगा हाँ जी भैया मजा आ गया ओपी लग रहा है अब देखो बेटा ऊपर चलेंगे ऊपर चलेंगे 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 ऊपर चलेंगे तो अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है मैं मानता हूं कि आपका मेटल कार्बोनेट क्या है आपका मेटल कार्बोनेट X है मुझे इतना पता है सुनील भैया ने बताया है कि मेटल का कार्बोनेट या बाय कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में यह हमें सुनील भैया ने पढ़ाया था कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो सुनील भाई गैस तो कंफर्म हो गई है कि सीओ टू होगी सीओ टू तो कंफर्म हो गई है यहां पे अब ये बोल रहा है मेटल कार्बोनेट एक्स ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड एक्स एसिड। अ गैस गैस कौन सी है विच वैन पास थ्रू सोल्यूशन वाई अब वाई कौन है वाई ये रहा हा 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 Y तुम ये रहे कार्बन डाइऑक्साइड तुम ये रही तो देखो ये 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 देखो इसका सोल्यूशन बोला है बेटा सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर तो राजा बेटा क्या बनेगा सी थ्री बन जाएगा साथ में H2O टू ओ लिक्विड बन जाएगा तो इसने बोला कि जैसे ही ये गैस पास होगी सॉल्यूशन वाए से वाए के सॉल्यूशन से पास होगी तो कार्बोनेट वापस देगी तो मेटल का कार्बोनेट कौन सा था मेरे राजा बेटा मेटल का कार्बोनेट कौन सा था मेरे राजा बेटा अप्रोच समझ में आई क्या मेटल का कार्बोनेट कौन सा था CaCO3 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 तो इसका नाम क्या है इसका नाम है x x समझ में आ गया क्या समझ में आ गई अप्रोच समझ में आ रही है मेरी सवाल सोल्व करने की अप्रोच समझ में आ रही है कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए अब देखो अप्रोच देखो ठीक है अप्रोच सही है क्या मजा आ रहा है क्या ओपी लग रहा है क्या हाँ ठीक है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं एनोड पे क्लोरीन कैथोड पे हाइड्रोजन नियर द कैथोड एनएच क्लोरीन हो गई आपकी पार्ले जी का जी वाली गैस

सब समझ में आ गया जी लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर छियालीस एनसीआर एग्जाम्पलर ध्यान से देखो थोड़ा सा बाहर का सवाल है अ ड्राई पैलेट ऑफ अ कॉमन बेस बी अच्छा वेन केप्ट इन ओपन एब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी आहा हा 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 कौन है ये? कंपाउंड इज ऑल्सो ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस अब पहले क्लोरलि प्रोसेस पे चलो देखो ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पलर में गलतियां नहीं है एग्जाम्पलर में गलतियां काफी हैं पर आपको सवालों का लेवल अच्छा मिलेगा अब जैसे एक गलती मैंने तब बताई कभी बता रहा हूं देखना क्लोर एल्कली प्रोसेस अब क्लोर एल्कली प्रोसेस का क्या मिलता है आपको एक तो मिलता है NaOH. फिर मिलता है आपको क्लोरीन गैस और फिर मिलती है आपको हाइड्रोजन गैस ये दोनों आपके बाई प्रोडक्ट है प्रोसेस के और यह आपका मेन प्रोडक्ट है आप देखिए सवाल क्या बोल रहा है सवाल में दिक्कत क्यों है मैं आपको बताता हूं इसने बोला इज आल्सो इस कंपाउंड की जिसकी बात हो रही है कंपाउंड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरल के लिए प्रोसेस अब यहां पे किताब को समझना पड़ेगा कि बाय प्रोडक्ट

ये आपको पहले समझना पड़ेगा ठीक है बात ठीक है बात ठीक है बात ठीक है बात ठीक है चलो अब देखिए आइडेंटिफाई बी तो आपका जो बी हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा एनएओएच -E ये बात समझ में आ गई सुनील भैया ये वाली बात समझ में नहीं आई कि इसको खुले में रखेंगे तो गीला हो जाएगा देखिए एन क्या होता है डेलीक्यूजेंट डेली मटीरियल डेली का मतलब होता है डेलीक्यूजेंट शब्द का मतलब है कि लिक्विड बनाना तो ये क्या करता है एयर से मॉइस्चर एब्सॉर्ब करके उसी में घुल जाता है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड डिजोल्व इन टू इट तो एनएच क्या करता है एयर से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है और उसी के अंदर ही डिजोल्व कर जाता है ठीक है इसे डेलीक्ट मटीरियल कहते हैं तो हमने बी तो आइडेंटिफाई कर लिया वॉट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स वेन बीज ट्रीटेड विद एन एसिडिक ऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करवा दो इसकी पहली चीज तो तुमने आइडेंटिफाई कर ली दूसरी चीज कर लो मान लो कि मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो ये क्या बना देगा ये बना देगा एन साथ में बना देगा एच ठीक है दो एन है तो दो लगा लो दो एन दो एन एक कार्बन एक कार्बन ऑक्सीजन दो और दो, और दो दो चार तीन और एक चार दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन बैलेंस है ये आपके पास हो गया बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड सो तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर ठीक है तो मान लो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनाएगा ये बेसिकली बनाएगा सॉल्ट प्लस वॉटर वॉट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑकर्स बी विद एन एसिडिक ऑक्साइड बी दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज बेसिकली एसिडिक इन नेचर विल गिव एन ए टू सी थ्री दैट इज सॉल्ट एंड इट विल गिव गिवटर ठीक है जी भैया राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर सच सोल्यूशन लिख दी पहले से ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ में आया क्या क्लियर है बात? क्लियर है बात? एग्जाम्पलर में दिक्कत है सवाल के अंदर ऐसे एग्जाम्पलर में दिक्कतें बहुत है लेकिन सवाल अच्छे लेवल के हैं ठीक है चलो तो छह घंटा चौवालीस मिनट और सात सेकंड के बाद आपकी सारे कंसेप्ट जो है एनसीआरटी के सारे के सारे खत्म इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज एनसीआरटी का खत्म पीवाई क्यूज खत्म सैंपल पेपर इस साल का खत्म ठीक है लाइव एक्सपेरिमेंट्स डन खत्म और मेरे भाई और बहनों कुछ एक्सम्पलर की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी खत्म समझ में आ गई क्या बात जी भैया तो कंसेप्ट प्लस इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज प्लस पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर प्लस एक्सम्पलर प्रॉब्लम प्लस लाइव एक्सपेरिमेंट प्लस एनसीआरटी की एक्टिविटीज खत्म ठीक तो बस यही बोलना चाहेंगे दोस्तों क्या आई होप आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया आपने ये सारी चीजें बेहतरीन तरीके से इस क्लास में सीखी कंसेप्ट इंटेक्स प्लस एक्सरसाइज सैंपल पेपर एक्टिविटीज एंड लाइव आई होप आपने सारी चीजें एंजॉय करी फिजिक्स वाला जो आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है फिजिक्स वाला जो आपको ये एक तरीके से कह सकते हैं एक बहुत बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आई होप आप इसका पूरी तरीके से फायदा उठा पा रहे हैं आप इसका पूरी तरीके से एडवांटेज उठा पा रहे हैं एंड मैं अपनी तरफ से 200 प्रतिशत ईमानदारी यहां पर दे पा रहा हूं एंड आपको भी 200 प्रतिशत ईमानदारी यहां पर रखनी है सोनी दो प्रतिशत ठीक है तो बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों हार्डवर्क का संसार में कभी ना कोई सब्सटीट्यूट था ना है और ना रहेगा काम चोर काम चोरी करते हैं और काम चोरी उन्हें आगे चल के कहीं ना कहीं हार्डवर्क जरूर करवाती है आज अगर हार्डवर्क कर लोगे तो कल मजे करोगे वरना कल तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी पर मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी कोई भी इंसान प्रकृति के इस बहाव से या प्रकृति के इस तरीके से बच नहीं पाया कि वो मेहनत ना करे बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्त मेहनत तो करनी पड़ती है ठीक है तो बस इसी बात के साथ दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आप वॉरियर है लड़ाई करते रहिए युद्ध करते रहिए और जैसा कि हमेशा कहता हूं क्या बड़े भैया एस आपके साथ है तो एस टेक एस बी साथ है और आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फिजिक्स वाला ये भी आपके साथ है तो जब एस बी है और पीडब्ल्यू साथ है तो मुश्किल कोई बात नहीं है दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए खुश रहिए एंड ऑलवेज और जय जय फिजिक्स वाला जय हिंद जय भारत वंदे माता